मैं लगभग 7 दिन के लिए आपके नगर में आया और लगातार 7 दिन तक आपको व्याख्यान के माध्यम से, संवाद के माध्यम से कुछ ऐसे विषयों पर बात करूंगा जो आपके जीवन में बहुत काम के हैं। दिन ब दिन आपकी अपनी जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उनमें उनकी बहुत सारी उपयोगिता हो सकती है। आज से और लगभग 7 दिन तक लगातार जो बात मैं करूंगा उसकी भूमिका के रूप में 2-3 आपको माहिती देना चाहता हूं। पहली माहिती तो ये कि आप सभी जानते हैं कि मैं बहुत अच्छे से मराठी भाषा नहीं बोल पाता, इसलिए हिंदी मराठी मिलाकर बात करूंगा। जहां भी आपको समझ में ना आए मेरी कोई बात, आप उसको तुरंत कहीं नोट कर सकते हैं, कागज पेन लेकर आए। फिर व्याख्यान के अंत में हर दिन आधा घंटे प्रश्नोत्तरी के लिए सत्र रहेगा, तो आप उसमें अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, जो बात समझ में नहीं आई उसको फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरी माहिती जो मुझे आपको देनी है वो ये कि आज, कल और फिर आगे अगले 1-3 दिन लगातार मैं आपसे आपके शरीर के स्वास्थ्य के विषय में बात करूंगा। उसके बाद 1 दिन आपसे रामकथा पर बात करूंगा, 1 दिन कृष्ण कथा पर बात करूंगा और फिर भारत कथा के बारे में भी आपसे बात करूंगा। लेकिन जो शुरुआत है आज से और अगले 2-3 दिन तक, वो आपके चिकित्सा और स्वास्थ्य के विषय में है, ताकि आपकी अपने जीवन की बहुत सारी समस्याएं काफी कुछ 2-3 दिन के अंदर हल हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है, विश्वास है। मैं व्यक्तिगत रूप से होम्योपैथी का डॉक्टर हूं और बहुत साल से होम्योपैथी की प्रैक्टिस करता हूं, लेकिन साथ साथ आयुर्वेद का भी बहुत अभ्यास करता हूं। तो पिछले कई वर्षों के आयुर्वेद के अभ्यास में से, होम्योपैथी के अभ्यास में से जो कुछ मुझे आपके स्वास्थ्य के बारे में, चिकित्सा के बारे में सरल माहिती, जिसको आप अपने घर में बैठकर कर सकते हैं, दे सकने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए मेरी आप सभी से विनती है कि आप कागज पेन लेकर बैठेंगे, कॉपी या नोटबुक लेकर बैठेंगे, तो आप बहुत सारी चीजें नोट कर सकेंगे, क्योंकि बाद में ये सब माहिती आपको कोई दूसरा व्यक्ति देगा, इसके लिए मुझे मालूम नहीं। इसलिए अगर आज आप कॉपी पेन नहीं लाए हैं तो कल से लाने की कोशिश जरूर करें। एक नोटबुक अपने साथ में रखें, एक छोटा सा पेन रखें और आपकी जो मातृभाषा है उसमें आप स्वयं नोट कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर प्रश्न के रूप में उसे पूछ ले सकते हैं। आज के विषय की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। आपके अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय, हम सबके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय स्वास्थ्य के बारे में, चिकित्सा के बारे में। हमारे भारत देश में आज की जो स्वास्थ्य और चिकित्सा की स्थिति है वो क्या है, वो आपको 5-7 मिनट में पहले में मैं बता देना चाहता हूं। हमारा भारत देश 110 कोटी की लोकसंख्या का देश है और भारत सरकार का एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य मंत्रालय है, केंद्र सरकार का। इस स्वास्थ्य मंत्रालय को एक बार मैंने खत लिखा था और ये खत मैंने जब लिखा था उस समय स्वास्थ्य मंत्री थी श्रीमती सुषमा स्वराज। उस समय भारत में एनडीए की सरकार चलती थी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उस समय मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय को दिल्ली में, जो केंद्र सरकार का है, एक खत लिखा था और उनको ये प्रश्न किया था कि भारत में 110 कोटी नागरिकों की जो लोकसंख्या है, इसमें कितने नागरिक ऐसे हैं जो संपूर्ण रीति से स्वस्थ है, जिनको कोई रोग नहीं है, जिनको कोई बीमारी नहीं है, जिनका शरीर भी स्वस्थ है, मन भी स्वस्थ है, मन मस्तिष्क उनका एकदम स्थिर है और वो कह सकते हैं कि हमें कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे लोगों की संख्या पूरे भारत देश में कितनी है, ये मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय को एक बार प्रश्न लिखकर भेजा था। स्वास्थ्य मंत्री के मंत्रालय से उसका जो उत्तर आया वो बहुत लंबे समय के बाद आया और उस प्रश्न के उत्तर के रूप में जो लिखा गया था वो ये कि ये जो प्रश्न आपने किया है इसमें बहुत सारी माहिती देश भर में से एकत्रित करनी पड़ी है, इसलिए समय बहुत लगा।
तो प्रश्न का उत्तर आया तो उसमें पता ये चला कि 110 कोटि की जो लोक संख्या है हमारे देश में, इसमें से लगभग 60 से 70 कोटि लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी बीमारी और रोग के शिकार हैं। किसी को एक रोग है, किसी को दो, किसी को तीन, और कई तो ऐसे भी लोग हैं जिनको एक साथ बहुत सारे रोग हैं, बहुत सारी बीमारियां। फिर उस प्रश्न के दूसरे उत्तर के रूप में लिखा हुआ था पत्र में वो ये कि लगभग भारत में 30 से 40 कोटि लोग ऐसे हैं जो ये मान सकते हैं कि वो स्वस्थ हैं, जिनका शरीर काफी ठीक है, मन भी ठीक है, मस्तिष्क भी ठीक है, बुद्धि भी उनकी सही जगह काम कर रही है, वगैरह वगैरह। अर्थात हमारे देश की जो कुल लोक संख्या है उसमें से 70% लोक संख्या किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है, कोई ना कोई रोग उनको है। किसी को डायबिटीज है तो किसी को अर्थराइटिस है, किसी को ब्रोंकाइटिस है, किसी को अस्थमा है, किसी को दमा है, किसी को ब्रोंकियल अस्थमा है, किसी को अर्थराइटिस है, किसी को रूमेटिड अर्थराइटिस है, किसी को ऑस्टियो अर्थराइटिस है। लगभग 148 बीमारियां हैं जो 60 से 70 कोटि लोक संख्या में फैली हुई है। इन बीमारियों पर खर्चा कितना होता है पूरे देश का, एक और प्रश्न मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय को पूछा था, तो उन्होंने अलग अलग बीमारियों का कुछ खर्चा मुझे बताया। जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय की माहिती के अनुसार हिंदुस्तान में दर वर्ष हर साल 55 लाख लोगों को हृदय का ऑपरेशन होता है। हर साल 55 लाख लोगों को जो हृदय का ऑपरेशन होता है, तो अगर एक ऑपरेशन में 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा मान लिया जाए, एंजियोप्लास्टी हो या बाईपास सर्जरी हो, कभी कभी ओपन हार्ट सर्जरी भी हो सकती है, तो एक औसतन खर्चा अगर मान लिया जाए 2 से 2.5 लाख रुपए, तो अगर आप हिसाब जोड़ेंगे तो 55 लाख में 2 लाख का गुणा करना पड़ेगा। और अगर ये आंकड़ा आप निकालेंगे तो इतनी बड़ी रकम आती है कि कैलकुलेटर में आप लिख नहीं पाएंगे। कैलकुलेटर में मात्र 12 अंक आते हैं और 55 लाख में 2 से 2.5 लाख के गुणा को करेंगे तो 12 से ज्यादा अंक आ जाते हैं। एक और दूसरी माहिती, भारत सरकार में 5 कोटि, भारत सरकार की माहिती के अनुसार 5 कोटि लोग इस देश में ऐसे हैं जिनको डायबिटीज है, मधुमेह, शक्कर का रोग। अगर डायबिटीज के किसी भी साधारण मरीज को इलाज कराते आप देखेंगे तो इंसुलिन का इंजेक्शन अगर वो लेता हो रोज, तो महीने का खर्चा कम से कम 500 से 600 रुपए और साल का खर्चा औसतन 5000 रुपए। और वो डायबिटीज के मरीज को आप जानते हैं कि जीवन पर्यंत इंसुलिन लेना ही पड़ता है, तो अगर वो 20 साल जिंदा रहा तो 20 साल में 5000 का गुणा कर लीजिए और उसके बाद 5 कोटि नागरिकों के हिसाब से गुणा कर लीजिए तो 70-80 हजार कोटि रुपए का खर्च निकलता है। इसी तरह से अगर गुर्दे दुखते हैं, कमर दुखती है, संधिवात हो गया है, ऐसे मरीजों की संख्या पूरे भारत में आप जोड़ेंगे तो 10 कोटि के आसपास निकलती है। इनका अगर रोज का खर्चा 20-25 रुपए से लेकर 200-250 रुपए तक आप माने तो 50-60 हजार कोटि रुपए इसमें खर्च होता है। इसी तरह की और बीमारियों का हिसाब जोड़ता मैं गया और सरकार की माहिती के अनुसार अंत में मुझे पता चला कि हमारे भारत के लोगों के स्वास्थ्य और चिकित्सा का ही खर्च एक वर्ष का 5,42,000 कोटि रुपए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि भारत सरकार का बजट भी 5 लाख कोटि के आसपास है, नागरिकों का बजट माने खर्चा एक साल का वो सरकार से भी जास्ती है। एक साल में भारत की सरकार जो बजट बनाती है 5 लाख कोटि का है, भारत के नागरिकों के चिकित्सा और स्वास्थ्य का खर्च एक साल का 5,42,000 कोटि रुपए का। मुझे बहुत दुख होता है कि आपके अपनी जिंदगी के खून पसीने की कमाई का पैसा 5,42,000 कोटि रुपए आप हर साल खर्च करते हैं, लेकिन गारंटी कुछ भी नहीं है कि आप उस बीमारी से बाहर निकल आएंगे। डायबिटीज के किसी भी मरीज को कोई भी डॉक्टर ये नहीं कहता कि मैं आपको ठीक कर दूंगा, वो कहता है कि इंसुलिन लेते रहो, जिंदगी चलाते रहो,
जब इंसुलिन बंद हो जाएगा तो जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। अगर गोडे दुखने वाले, कमर दुखने वाले किसी मरीज से बात करो और डॉक्टर के पास जाओ तो वो भी कहेगा पेन किलर है, जिंदगी भर खाते रहो, दर्द निवारक दवा है, जिंदगी भर खाते रहो, जब तक आपकी जेब देती है पैसे तब तक खाते रहो, नहीं तो दर्द इतना असहनीय हो कि आप मरने की ही प्रार्थना करो। कोई भी एक बीमारी में ऐसा नहीं है कि आपको कोई गारंटी दे। आपने एंजियोप्लास्टी कराई है, डॉक्टर को आपने 2,50,000 रुपए दिया है, उससे पूछो कि डॉक्टर गारंटी कितनी है, तो कहेगा कोई गारंटी नहीं है, कल दोबारा भी हार्ट अटैक आ सकता है। आज एंजियोप्लास्टी कराया, कल दूसरा अटैक आ सकता है। और मैं चूंकि खुद भी डॉक्टर हूं तो ऐसे बहुत सारे मरीज मेरे पास आते हैं जिनको मैं देखता हूं कि एंजियोप्लास्टी कराया, एक बार नहीं दो बार कराया, दो बार नहीं तीन बार कराया, फिर भी तकलीफ वही की वही है और बहुत तकलीफ और परेशानी से वो कभी किसी हॉस्पिटल से आते हैं मेरे पास कि राजू भाई अभी आप ही हमारी कुछ मदद करो, आप ही हमारे लिए कुछ रास्ता निकालो। ऐसी तकलीफ की स्थिति संपूर्ण भारत देश में बनी हुई। मैं आज आपसे विनम्रता पूर्वक एक बात कहने आया हूं, ये कि हमारे जीवन की जितनी भी बीमारियां हैं, वो डायबिटीज हो या गुड़गे दुखना हो, कमर दुखना हो या कंधे का त्रास हो या मनके का त्रास हो, ये जितनी भी बीमारियां हैं जिनको आप जानते हैं अपने जीवन में, इनमें से 90% बीमारियां ऐसी हैं, 90% बीमारियां ऐसी हैं जो आपकी स्वयं की गलती से होती है। मात्र 10% बीमारियां ऐसी हैं जो दूसरे की गलती से आपको होती है। मात्र 10% बीमारियां, दूसरे की गलती से आपको होने वाली बीमारियों की संख्या सिर्फ 10% है। इसमें वायरल डिसीज भी है, बैक्टीरियल डिसीज भी। वायरल और बैक्टीरियल डिसीज जो होती है, विषाणु और जीवाणु से होने वाली जो बीमारियां होती हैं, उसमें आपकी गलती नहीं है, वो प्रकृति का प्रकोप है, उसमें आप फंस जाते हैं तो वो हो जाती है। ऐसी बीमारियों की संख्या और दूसरों की गलती से होने वाली बीमारियों का एक उदाहरण दूं, आप 40 गांव में किसी सड़क पर चुपचाप जा रहे हैं, पीछे से आके किसी स्कूटर वाले ने आपको टक्कर मार दी। अब इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आप अपने रास्ते से चल रहे थे, स्कूटर वाले का बैलेंस बिगड़ा, उसने आपको टक्कर मार दी, अब आपको पांव में फ्रैक्चर हो गया या हाथ में फ्रैक्चर हो गया। ये बीमारी जो आई वो दूसरे की गलती से आई, इसमें आपकी गलती नहीं। इसी तरह से आप अपने रास्ते से चले जा रहे हैं, किसी कार वाले ने आपको टक्कर मार दी तो आपको जो बीमारी आई वो दूसरे की गलती से आई, इसमें आपका कोई दोष नहीं। तो दूसरों की गलती से आने वाली बीमारियां, जिनमें जीवाणु और विषाणुओं वाली भी बीमारियां हैं, अंग्रेजी में जिनको वायरल और बैक्टीरियल डिसीज कहा जाता है, उनकी संख्या और दूसरी दुर्घटनाओं से होने वाली बीमारियों की संख्या कुल बीमारियों में मात्र 10% है। बाकी 90% बीमारियां, 90% डिसीज जो है वो आपकी स्वयं की गलती से होती हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हम अगर अपनी जिंदगी में गलतियां करना बंद कर दें, हमारी जो चूक हो रही है उसको सुधारना करना, उसको सुधारना सीख लें, उसको ठीक कर लें, तो 90% बीमारियों से हमारी जिंदगी मुक्त हो सकती है। और ये बात पिछले 10 साल के अभ्यास के बाद मैं बहुत दावे से कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो आप में से यहां बैठा हुआ है, अपने जीवन की 90% बीमारियों को स्वयं ठीक कर सकता है, जिसमें आपको डॉक्टर की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ी माहिती की जरूरत है। अगर वो माहिती आपको मिल जाए तो आप स्वयं अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, परिवार की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, आपसे जो गलतियां हो रही हैं, जिन गलतियों के कारण बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, आपसे जो चूक हो रही है, जो चूक के कारण बीमारी उत्पन्न हो रही है, वहां अगर आपने दुरुस्ती कर लिया तो जिंदगी आपकी बिना दवा खाए और बिना डॉक्टर के पास जाए बीत सकती है, ऐसी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। हमारे जीवन में स्वस्थ होना बहुत ही आसान है, स्वस्थ होना बहुत ही आसान है, और बीमार पड़कर डॉक्टर के पास जाना, दवाएं खाना और जिंदगी को बिताना, यह सबसे मुश्किल काम है।
न सिर्फ मुश्किल है बल्कि कष्टकारी भी है। और इसमें कष्ट दो तरह के, एक तो आपको पैसे का कष्ट और दूसरा आपका शरीर का कष्ट। तो शरीर का कष्ट और पैसे का कष्ट, ये दोनों आपके जीवन से दूर हो सकें, आप अपनी गलतियों को सुधार सकें, आपके जीवन में होने वाली भूल को चूक को ठीक कर सकें, इस दृष्टि से आज कल और परसों 3 दिन मैं आपसे चिकित्सा के विषय पर बात करूंगा। और इसको हमारे मित्र श्री गुलाब भाई ने नाम दिया है स्वास्थ्य कथा, माने आपके शरीर के स्वस्थ रहने की कहानी या कथा मैं आपसे कहूंगा। हमारा अपना शरीर, इसके बारे में भारत की सबसे महान चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में जो कहा गया है वही बात मैं आपसे कहूंगा। आयुर्वेद में सबसे महान एक व्यक्ति हुए जिनको आप सबने नाम से तो सुना होगा, उनका नाम था बाघभट्ट। बहुत महान व्यक्ति। आयुर्वेद में 3 महान व्यक्ति हुए, एक थे चरक, एक थे सुश्रुत, एक थे बाघभट्ट। ये 3 महानतम हैं। इनको ऐसा कह सकते हैं आयुर्वेद चिकित्सा के ब्रह्मा विष्णु और महेश। जैसे हम सब मानते हैं ना हमारे 3 मुख्य देवता ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी ने सारे जग की उत्पत्ति कर दी, विष्णु जी उसका पालन करते हैं और महेश के हाथ में संहार करने की ताकत है। तो हम जैसे हमारे धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान देखते हैं, वैसे ही आयुर्वेद चिकित्सा में चरक, सुश्रुत और बाघभट्ट का स्थान है। आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि क्या चरक, सुश्रुत और बाघभट्ट के अलावा आयुर्वेद में और कोई नहीं हुआ? बहुत हुए, बहुत हुए, लेकिन इन 3 का स्थान सबसे ऊंचा है। और भी बहुत हुए, भाव प्रकाश हुए, निघंटु हुए, काश्यप ऋषि हुए, आत्रेय ऋषि हुए, ऐसे एक नहीं हजारों हजारों नाम, लेकिन इन 3 का स्थान सबसे ऊंचा है। कारण क्या है? ये चरक, सुश्रुत और बाघभट्ट का स्थान सबसे ऊंचा इसलिए है कि इन 3 ने आयुर्वेद शास्त्र की जितनी भी मूलभूत मान्यताएं हैं और सिद्धांत हैं वो सब इन्होंने प्रतिपादित किए। बाद के जो लोग आए, जैसे मैंने नाम लिया, एक भाव प्रकाश थे, निघंटु थे, काश्यप थे, आत्रेय थे, इन लोगों ने इन 3 महान ऋषियों के बनाए हुए सिद्धांतों का बहुत बार अवलोकन किया, ऑब्जर्वेशन किया, एक्सपेरिमेंटेशन किए, प्रयोग किए, परिणाम देखे और उसको फिर विश्लेषण करके लोगों को समझाने का काम बड़े पैमाने पर किया। लेकिन मूल सिद्धांत और मान्यताएं बनाने वाले ये 3 ही थे, चरक, सुश्रुत और बाघभट्ट। चरक ने, सुश्रुत ने और बाघभट्ट ने कुल मिलाकर जो सिद्धांत बनाए और सूत्र लिखे उनकी संख्या 21,000 से ज्यादा। अकेले बाघभट्ट ऋषि ने 7,000 से ज्यादा सूत्र लिखे हैं, श्लोक लिखे हैं। और ये सभी श्लोक और सूत्र आप सबके जीवन के बहुत बहुत उपयोग के हैं। इस दृष्टि से मैं आपको 3 दिन में कुछ ऐसे सूत्र बताने की कोशिश करूंगा जो आपके जीवन में हमेशा काम आए। आयुर्वेद चिकित्सा का सबसे प्रथम सूत्र है, जो प्रथम श्लोक है, वो ये है कि आपका जीवन सुखी हो, निरोगी हो और लंबी आयु हो आपकी। ये ऐसी भावना के साथ आयुर्वेद ग्रंथ में सूत्र लिखे गए। आपने कभी कभी सुना होगा, कभी शायद आपस में चर्चा भी की होगी। एक सूत्र अक्सर हमारे मुंह से निकलता है, श्लोक हमारे मुंह से निकलता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः माने सब सुखी हो जाए, सर्वे सन्तु निरामया सब निरोगी हो, सब सुखी हो, सब निरोगी हो,
ये जो कल्पना है और ये जो भावना है ये दुनिया के किसी भी दूसरे शास्त्र में नहीं है, सिर्फ आयुर्वेद में। एलोपैथी में आज तक ऐसा कोई सूत्र कोई लिखने वाला नहीं आया जिसकी भाव ऐसी हो कि सब सुखी हो, सब निरोगी हो, कहीं भी नहीं है। एलोपैथी, होम्योपैथी में भी नहीं है। अगर आप ध्यान से ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आयुर्वेद को छोड़कर दुनिया की किसी भी पैथी में नहीं है। एक ही सूत्र, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जाएं, सब निरोगी हो जाएं, ये हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, आयुर्वेद में से निकला हुआ है। तो अगर सब सुखी हो, सब निरोगी हो, तो इसी के लिए आयुर्वेद की रचना की गई है। आयुर् माने आयु और वेद माने ज्ञान। आपकी लंबी आयु हो, निरोगी हो, आपका जीवन सुखी हो, ऐसा ज्ञान देने वाले शास्त्र को आयुर्वेद कहा गया है। अब आपकी आयु निरोगी हो, लंबी हो, सुखी हो आपका जीवन, इसके लिए कुछ ऐसी माहिती उनमें दी गई है जिसको हर व्यक्ति अगर अपने जीवन में पालन करे तो उसको जीवन भर ही कोई रोग ना आए। मैं जब इनके शास्त्रों का अभ्यास कर रहा हूं पिछले कुछ वर्षों से, तो मुझे ये जानकर बहुत हैरानी होती है कि ये जो ऋषि थे, जैसे आत्रेय ऋषि थे, उनका आयु 136 वर्ष, काश्यप ऋषि 148 वर्ष जीवित रहे, खुद बागवंत का आयु 127-128 साल का रहा, सुश्रुत का लगभग 132 साल का आयु, चरक का लगभग 136-137 साल का आयु। और हैरानी की बात यह है कि 120-125-130-135-140 वर्ष का वय और बिना किसी रोग के संपूर्ण निरोगी, कभी कोई औषधि लेने की जरूरत ना पड़े, ऐसा जीवन और ऐसा शरीर, ये सब लोगों ने अपना जीवन बिताया। और उन्होंने अपने जीवन पर जो कुछ ऑब्जर्वेशन किए, जो परिणाम उन्होंने देखे, जो कुछ उन्होंने सीखा, वही उन्होंने फिर सूत्रों में लिखा। भागवत ऋषि तो एक जगह लिखते हैं कि मैंने कोई भी सूत्र लिखा है, कोई भी श्लोक लिखा है, उसके पहले बार बार उसका ऑब्जर्वेशन किया है, बार बार उसको परखने का काम किया। लगातार ऑब्जर्वेशन में से जो निकलता है उसी को विज्ञान कहते हैं, साइंस भी वही होता है। तो इन महान लोगों के जीवन में से उन्होंने जो कुछ निचोड़ निकाला, वो सूत्रों के रूप में शास्त्र में लिख दिया, उसी को आयुर्वेद के शास्त्र के नाम से जाना जाता है। चरक ऋषि ने एक शास्त्र लिखा जिसका नाम है चरक संहिता। सुश्रुत जी ने लिख दिया, उसका नाम है सुश्रुत संहिता। भागवत जी ने लिखा, दो शास्त्र लिखे उन्होंने, एक का नाम अष्टांग हृदयम, दूसरे का नाम अष्टांग संग्रहम। फिर आत्रेय ने, काश्यप ने, निघंटु ने, भाव प्रकाश ने अपने अपने अलग अलग शास्त्र लिखे। इन सभी शास्त्रों को पिछले 8-10 वर्षों से लगातार अभ्यास करते करते मैंने इसमें से कुछ सूत्र, कुछ श्लोक निकाले जो साधारण मनुष्य के जीवन में, आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हम सभी के जीवन में बहुत मदद कर सकते हैं, संपूर्ण जीवन को निरोगी बनाने में, निरामय बनाने में। वो सूत्र, वो श्लोक मैं आज, कल और परसों 3 दिन लगातार आपको बताऊंगा, और 4th दिन इन सूत्र और श्लोक पर आधारित चिकित्सा आप कैसे कर सकते हैं अपनी जिंदगी की, उसके बारे में कुछ माहिती दूंगा। आज मैं आपको कुछ ऐसी माहिती देता हूं कि जो इन तीनों महान लोगों की, तीनों महान से मतलब भागवत, चरक और सुश्रुत, तीनों ने जिन बातों को सबसे ज्यादा महत्व दिया है, तीनों ने जिन सूत्रों को, श्लोकों को सबसे ज्यादा आधारभूत माना है, ऐसी कुछ माहिती आज मैं आपको इसके आज के व्याख्यान में दूंगा। सबसे आधार तीनों ऋषि कहते हैं कि शरीर निरोगी रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए।
अगर शरीर आपका निरोगी है, स्वस्थ है, तो आपका जीवन बहुत सुखी है। और अगर आपका जीवन सुखी है तो आप दूसरों को सुख दे सकते हैं, और अगर आपका जीवन सुखी नहीं है तो आप किसी को सुख नहीं दे सकते। ये सामान्य सिद्धांत है कि आप अगर स्वयं दुखी हैं तो दूसरे को सुख नहीं दे सकते, और अगर आप स्वयं सुखी हैं तो दूसरे को सुख दे सकते हैं। सुख की जो परिभाषा है वो हमारे अपने जीवन में आज के हिसाब से थोड़ी भिन्न है। हम सब आज सुख की परिभाषा करते हैं, वो कैसे, हमारे पास गाड़ी है क्या, एयर कंडीशनर है क्या, बड़ा बंगला है क्या, अच्छा बैंक बैलेंस है क्या, कोटि कोटि रुपए हैं क्या, पहनने को अच्छे कपड़े हैं क्या, आदि आदि। ये सब चीजों को देखकर हम सुख की परिभाषा तय करते हैं। लेकिन भागवत ऋषि कहते हैं कि ये हम गाड़ी होना, बंगला होना, एसी होना, कूलर होना या माइक्रोवेव ओवन होना, ये सुविधाएं हैं, सुख नहीं। ये सुविधाएं तो हैं, गाड़ी सुविधा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें से सुख मिले। एसी सुविधा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें से आपको सुख मिले। बहुत बड़ा बंगला होना यह सुविधा की बात है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सुख मिले। मैं ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स को जानता हूं, मरीजों को जानता हूं जो मेरे पास चिकित्सा के लिए आते हैं। उनके घर में एक एक गाड़ी एक एक लाख रुपए की है, गाड़ी एक एक लाख रुपए की है, और वो मुझसे दवा मांगते हैं नींद आने की। राजीव भाई कुछ ऐसी दवा दो जो नींद आ जाए। तो मैं कहता हूं एक लाख की गाड़ी पे आपको नींद नहीं आती? तो कहते नहीं आती, रात भर इधर से उधर करवट बदलते रहते हैं, 2 बजे रात को सो के चलते रहते हैं, कंपोज की गोलियां खाते हैं, 1 से नींद नहीं आती तो 2 खाते हैं, 2 से नहीं आती 3 खाते हैं, 3 से नहीं आती तो 4 भी खाते हैं। फिर कहते हैं सवेरे 3 बज जाते हैं तब थोड़ी देर के लिए नींद आती है। 1 लाख रुपए की गाड़ी है एक, और वो जापान से लाई हुई है, नींद नहीं आती। तो वो जो 1 लाख रुपए की गाड़ी है वो सुविधा तो है, लेकिन अगर उस पर नींद नहीं आती है तो उसमें सुख नहीं है। उससे अच्छा ये है कि किसी के पास 1 लाख की भी गाड़ी नहीं है, ऐसे ही जमीन पर सो जाता है, लेकिन रात भर उसको 7 घंटे अच्छी झोप होती है तो उसको सुख है, उसके पास सुविधा नहीं लेकिन सुख है, अच्छी झोप का, नींद का सुख उसके पास है। हम अपनी जिंदगी में सुविधाओं को सुख से अलग करना सीख लें तो बहुत अच्छा होगा। हमने आजकल सुविधाओं में सुख ढूंढना शुरू किया है, वो नहीं मिलता है। सुख जो है मन और शरीर की एक विशेष अवस्था है जो बिना सुविधा के भी हो सकती है। मैं ऐसे एक नहीं आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। मेरे पास कई ऐसे लोग हैं जिनके पास 35 लाख रुपए की गाड़ी है, उसमें वो सवेरे से शाम तक चलते हैं, लेकिन मनके का त्रास इतना जबरदस्त है कि रात दिन परेशान रहते हैं। अब 35 लाख की गाड़ी उन्होंने लाई है सिर्फ इसलिए कि कमर को थोड़ा भी झटका ना लगे, फिर भी उनके मनके का त्रास जाता नहीं है। तो 35 लाख की गाड़ी सुविधा तो है, सुख नहीं। और उससे ज्यादा अच्छा, मेरे पास ऐसे भी मरीज हैं जो मजदूरी करते हैं, डेली ठेला चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, और कम से कम पीठ पर 100-100 किलो वजन के दिन भर में 50-60 बोरे इधर से उधर ले जाके रखते हैं। उनको कोई मनके का त्रास नहीं है, उनके पास सुविधा नहीं है लेकिन सुख है। बिना मनके के त्रास के उनका जीवन है। तो हम इस बात को ध्यान से समझ लें कि सुविधाएं बहुत हों घर में, जरूरी नहीं है कि सुख आ जाए। सुख आएगा तब जब आप निरोगी होंगे, तब आपके शरीर को कोई त्रास नहीं, कोई रोग नहीं, कोई आपको तकलीफ नहीं, मन में, तन में, शरीर में, मस्तिष्क में, बुद्धि में, सब तरफ से निर्मल और निरामय जीवन है। भले आपके पास पैसा ना हो तो आप सबसे सुखी व्यक्ति होंगे, ये आयुर्वेद की परिभाषा है। तो आयुर्वेद ये कहता है कि आप सुखी हो, निरोगी हो,
निरोगी होने के बाद ही आपको सुख मिलेगा। तो निरोगी होने के लिए आयुर्वेद ने बहुत सारे सूत्र दिए हैं, बहुत सारे श्लोक लिखे हैं, उनका अगर आप अपने जीवन में पालन करते हैं तो आप जीवन भर निरोगी होंगे, ऐसी गारंटी मैं दे सकता हूं आयुर्वेद की तरफ से। और आप अपनी जिंदगी की छोटी छोटी गलतियां, भूल या चूक जो माफ कर दें या उनको ठीक कर लें या उनका कोई करेक्शन कर लें, तो भी मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका जीवन निरोगी होगा, निरामय होगा और आप बहुत अच्छा जीवन बिताएंगे, लंबी उम्र पाएंगे और दूसरों को भी ये ज्ञान देकर सुखी बनाएंगे। क्या है वो छोटी छोटी सी बातें जो सूत्र के रूप में आयुर्वेद के अलग अलग शास्त्रों में लिखी गई है, मैं आपको आज उनको कहना चाहता हूं। सबसे पहला सूत्र, अगर आपके पास कागज पेन है तो जरूर लिख लीजिए, नहीं है तो दिमाग पे लिख लीजिए, ये आपका मस्तिष्क है ना, ये कंप्यूटर से भी ज्यादा अच्छा। कंप्यूटर कई बार गड़बड़ कर देता है, वायरस आ जाता है तो सब कुछ उसमें से चला जाता है, इस मस्तिष्क में से नहीं जाएगा। अगर ठीक से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो मस्तिष्क पे ही नोट हो जाएगा। कल या रात को घर जाके कागज पेन से लिख लीजिएगा। पहला सूत्र, जीवन को निरोगी रखना है, निरामय रखना है तो अपने शरीर का ध्यान जरा करिए। आपका शरीर उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए और ये बताइए कि आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। अंगों की बात नहीं कर रहा हूं, अंग और उपांग को छोड़ दीजिए। कोई कहेगा हृदय बहुत महत्वपूर्ण है, कोई कहेगा लीवर बहुत महत्वपूर्ण है, किडनी, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। शरीर के अगर दो तीन हिस्से करना हो, नीचे का एक हिस्सा, मध्य का एक हिस्सा और ऊपर का हिस्सा, इसमें से बता दीजिए कौन सा सा महत्वपूर्ण जी। ऊपर का मस्तिष्क, ये सबसे महत्वपूर्ण है, आप मानते हैं सब लोग मस्तिष्क सबसे महत्वपूर्ण है? बिल्कुल नहीं है जी। पेट, आपके शरीर का जो मध्य भाग है यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये ठीक से ना चले तो मस्तिष्क भी नहीं चलेगा। मस्तिष्क को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा देने का काम वो पेट ही करता है। शरीर के सारे अंगों को, शरीर के सारे उपांगों को ऊर्जा देने का काम, एनर्जी देने का काम पेट करता है, शरीर का मध्य भाग करता है। ये पेट ना हो तो आपके शरीर में रक्त नहीं बनेगा, ये पेट ना हो तो आपके शरीर में वीर नहीं बनेगा, ये पेट ना हो तो आपके शरीर में मज्जा नहीं बनेगी, ये पेट अगर नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं बनेगा, आपका शरीर ही नहीं चलेगा। और ये पेट नहीं होता तो मेरी आपकी भेंट भी नहीं होती। ये पेट है जो हम सारे लोगों के शरीर को चलाता है। मैं आपके ध्यान में एक ही बात बिठाना चाहता हूं कि आपके शरीर के तीन भाग अगर हम करें, नीचे का भाग, मध्य का भाग और ऊपर का भाग, तो इसमें जो मध्य भाग है ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसको अगर आपने ठीक कर लिया तो पूरा शरीर आपका ठीक रहने वाला है, पूरा शरीर ठीक रहने वाला है। अब मध्य का भाग आपका सबसे महत्वपूर्ण है, ये अगर आपके समझ में आ जाए, क्योंकि हम जो कुछ भी खाते हैं वो पेट में ही जाता है, पेट में से उसका पाचन होता है, पाचन होने के बाद उसमें से रक्त बनता है, मांस बनता है, मज्जा बनती है, वीर बनता है, उसी में से शरीर के लिए पोषक तत्व मिलते हैं, अंग्रेजी में जिनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, उन्हीं पोषक तत्वों की ताकत से हड्डियां बनती हैं, उन्हीं पोषक तत्वों की ताकत से शरीर के विभिन्न तरह के हार्मोन्स बनते हैं, जिससे मस्तिष्क भी चलता है, बाकी सब कुछ ठीक ठीक चलता है। इसलिए ध्यान देने की बात यह है कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो मध्य भाग है, पेट है, इस पर हमेशा ध्यान रखिए। पेट आपका सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि जो कुछ आप खाएंगे वो पेट में जाएगा, पेट में जाके उसका पाचन होना है, पाचन होने के बाद ही सब कुछ आगे बढ़ना है।
तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम जो कुछ भी खाएं वो ठीक से पाचन हो, ये हमें ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप खा रहे हैं और उसका पाचन ना हो तो खाना बेकार है, कितना भी अच्छा हो। आप जो कुछ भी खा रहे हैं अगर ठीक से पाचन नहीं होता, डाइजेशन नहीं होता, तो कितना भी अच्छा खाना है, वो करोड़ रुपए का हो या 10 करोड़ रुपए का, बिल्कुल बेकार है। और इसके विपरीत आप जो कुछ भी खा रहे हैं अगर ठीक से पाचन होता है तो वो भले कितना ही सस्ता हो वो सबसे अच्छा है। तो खाना सस्ता है या महंगा इसमें मत फंसिए, खाना पाचन हो रहा है या नहीं इसका ध्यान दीजिए। अगर आप कुछ भी खाएं और आपको ठीक से पाचन हो जाए तो आप बहुत दुरुस्त और तंदुरुस्त रहने वाले हैं। और जो आप ठीक से पचा नहीं पाए, भले ही कुछ भी खाएं, तो जिंदगी भर बीमार रहने वाले हैं। तो आप अपने शरीर के मध्य भाग जिसको हम पेट कहते हैं इस पर ध्यान देंगे, मराठी में शायद पोट कहते हैं, हिंदी में पेट कहते हैं, इस पर अगर ध्यान देंगे तो जीवन आपका बहुत आसान, सुखी, निरोगी और आगे बढ़ाने वाला होगा, आयुष्य बढ़ाने वाला होगा। अब हमारा पेट ठीक रहे इसका माने जो कुछ भी खाए उसका ठीक से पाचन हो जाए, इस दृष्टि से आयुर्वेद में कई सूत्र लिखे, चरक ऋषि ने लिखे, भागवत जी ने लिखे, काश्यप जी ने लिखे, आत्रेय ने लिखे, ऐसे कई ऋषियों ने लिखे, उनमें से जो कॉमन है वो मैं आपको बताऊंगा। हम पहले एक छोटा सा उदाहरण है तो हमको समझ में आए, समझ में आए आपको, ऐसी एक बात मैं आपसे बोलूंगा। आप सभी माताएं यहां बैठी, रसोई घर में, स्वयं पाक घर में आप नियमित रूप से काम करते, आपके पास अगर दूध है और आपके पास चावल भी है और खीर बनानी, दूध भी है चावल भी है लेकिन आग नहीं है, अग्नि नहीं है, तो खीर बन सकती है? नहीं बन सकती। इसी तरीके से आपके पास पानी बहुत अच्छा है, चावल भी बहुत अच्छा है, अग्नि नहीं है, भात पकेगा? नहीं। आपके पास बहुत अच्छा भाजीपाला है और बहुत अच्छा मसाला है लेकिन अग्नि नहीं है, तो भाजी बनेगी? नहीं बनेगी। मैं आपके ध्यान में ये लाना चाहता हूं कि स्वयं पाक घर में सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो अग्नि है। अगर स्वयं पाक घर में अग्नि नहीं है, बाकी सब कुछ है, तो स्वयं पाक घर किसी काम का नहीं है, कुछ भी आप नहीं बना सकते। आप इस बात को अगर ठीक से समझ लें कि स्वयं पाक घर में कुछ भी खाना बनाना हो, भोजन पकाना हो, तो अग्नि सबसे आवश्यक तत्व है, अगर ये बात आपको समझ में आती है तो आपके शरीर के लिए भी बात बहुत आसान से समझ में आएगी कि जो अग्नि स्वयं पाक घर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वही अग्नि आपके पोट के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपके पोट में अग्नि नहीं है तो आप कुछ भी खाइए कभी भी नहीं पचेगा। स्वयं पाक घर में अग्नि नहीं है तो कुछ भी लाइए कभी भी भोजन नहीं बनेगा। तो जैसे स्वयं पाक घर की अग्नि महत्वपूर्ण है, ऐसे ही पोट की अग्नि महत्वपूर्ण है। अगर आपके पोट में बराबर अग्नि है तो आपको भोजन बहुत अच्छे से पचेगा, और भोजन पचेगा तो मैंने आपसे कहा कि उसी में से मांस मज्जा रक्त वीर मल मूत्र और उसके जो सूक्ष्म पोषक तत्व तो सब उसी में से बनेगा। अब जो शरीर के काम का है वो शरीर में रह जाएगा और जो बेकार है वो शरीर से निकल जाएगा। आपके शरीर के जो काम का नहीं है वो मल है और मूत्र है, तो वो मल और मूत्र तो निकल जाएगा, बाकी जो कुछ है वो शरीर के काम का है तो शरीर में रह जाएगा।
अब आप ध्यान दीजिए इस बात पर कि हमारे शरीर में पेट स्थान, मध्य स्थान सबसे महत्वपूर्ण, और इस मध्य स्थान में वो स्थान जहां भोजन पचता है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण। और जहां भोजन पचता है उसमें अग्नि अगर है तब तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। जैसे आप दूध में चावल मिलाकर अग्नि पर रखते हैं और थोड़ी देर में खीर तैयार हो जाती है, ऐसे ही पोट में अग्नि के उपस्थित होते ही कुछ भी भोजन आगे बढ़ने के लिए, पाचन के लिए चला जाता है। आप कुछ भी खाइए, अग्नि उसको आगे के रूप में लेके जाएगी। पहले क्या होता है, आप कुछ भी खाते हैं तो वो सब कुछ पेस्ट में बदलता है। पेस्ट का तरीका आपने देखा है, पेस्ट माने ना तो सॉलिड है और ना तो लिक्विड है, ना तो द्रव रूप है ना तो ठोस रूप है, द्रव और ठोस के बीच की अवस्था है जिसको हम पेस्ट कहते हैं। हमने कुछ भी खाया तो वो पहले पेस्ट में बदलता है और पेस्ट थोड़ी देर के बाद रस में बदलता है, और रस के आगे की जो स्थिति है फिर वो सब है जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मांस मज्जा रक्त वीर मल मूत्र, ये सब उसी के आगे आगे निकलता है। तो आपने कुछ खाया है वो आपके पेट में जाए, ठीक रूप से पचे, और पचने के बाद उसमें से मांस मज्जा रक्त वीर मल मूत्र सम्यक मात्रा में बने, माने जितनी जरूरत है उतना उतनी मात्रा में बने, तो जीवन पर्यंत आप बिना किसी रोग के निरोगी रहते हुए अपने जीवन को बिताएंगे, आयुष्य आपका बहुत अच्छा होगा। ये सूत्र है। अब इस सूत्र के लिए भागवत ऋषि ने सबसे ज्यादा मेहनत करके खोज किया है, सबसे ज्यादा भागवत ऋषि ने इस एक छोटी सी बात पर कि हम जो कुछ भी खाते हैं, खाने के बाद उसका जो पाचन होता है, पाचन के बाद की जो आगे की क्रियाएं हैं, इस पर सबसे ज्यादा रिसर्च भागवत जी ने किया। चरक ने किया, सुश्रुत ने थोड़ा बहुत किया, लेकिन सबसे ज्यादा भागवत ने किया, और सबसे ज्यादा सूत्र इस विषय पर फिर उन्होंने ही लिखे। इसलिए उनके शास्त्र जिसका नाम है अष्टांग हृदय, उसमें से निकालकर दो तीन सूत्र बताता हूं कि आप जो खा रहे हैं वो ठीक से पचना चाहिए, उसके लिए अग्नि प्रदीप्त होनी चाहिए, इसके लिए सूत्र है। सूत्र क्या है, आपकी अगर पेट में अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो रही है, आप जो कुछ भी खा रहे हैं अच्छे से पच रहा है, तो इसमें ध्यान देने की बात यह है कि कौन कौन से ऐसे तत्व है जिनसे अग्नि बाधित हो सकती है, कौन कौन से ऐसे तत्व है जिनसे अग्नि बाधित हो सकती है। अब मैं आपसे एक सरल प्रश्न पूछूं तो आपको तुरंत ये ध्यान में आएगा, आपके स्वयं पाक घर में आपने भोजन बनाना है, मान लीजिए खीर बनानी है, आपने दूध और चावल दोनों मिलाकर रख दिया, आपकी गैस जल रही है, बर्नर ऑन है और वो खीर बन रही है। अब अगर मैं इस बर्नर को जलते हुए पानी डाल दूं, आपकी खीर पक रही है, आग जल रही है, मैं इस बर्नर को पानी डालूंगा, क्या होगा, बुझ जाएगी खीर, पकेगी फिर वही है जैसी है वैसी रह जाएगी। इसका मतलब यह है कि अग्नि तत्व का पानी के साथ दुश्मनी है, बात समझ में आए, अग्नि तत्व की पानी के साथ दुश्मनी है। अगर अग्नि के ऊपर पानी छोड़ेंगे तो अग्नि शांत हो जाएगी, अग्नि शांत हो जाएगी तो खीर नहीं बनेगी, खीर नहीं बनेगी तो चावल और दूध दोनों खाने लायक नहीं रहेगा। खीर बने तो चावल और दूध खाने के योग्य होगा, खीर बनेगी ही नहीं तो चावल भी खाने लायक नहीं, दूध भी पीने लायक नहीं। इसका महत्व का बात जो समझने का है वो ये कि अग्नि तत्व के ऊपर पानी ना आ जाए, इसका ध्यान हम रखते हैं कि नहीं स्वयं पाक घर में। अगर ये ध्यान आप रोज रखते हैं तो पोट में क्यों नहीं रखते इसका ध्यान। आप बोलेंगे जी हम क्या गलत करते हैं पोट में, आप गलत ये करते हैं कि आपने भोजन किया,
भोजन करने के बाद उसको पाचन होना है, पाचन होने के लिए अग्नि प्रदीप्त होगी। जैसे ही आपने भोजन किया फिर घट 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 लोटे पे लोटा पानी पीना शुरू कर दिया। अब क्या होगा, अग्नि बुझेगी क्योंकि पानी और अग्नि की दुश्मनी है। अब लोटे पे लोटा पानी पीते जाएंगे तो अग्नि तो बुझ गई, अब भोजन कैसे पचेगा, स्वयं पाक घर में भोजन कैसे बनेगा। अगर अग्नि बुझ गई पानी डाल दिया तो वहां जो स्थिति है वो ही पेट में हो जाएगी, और अगर भोजन नहीं पचेगा तो फिर क्या करेगा, सड़ेगा। और सड़ा हुआ भोजन भागवत ऋषि के अनुसार 103 रोग पैदा करेगा, एक नहीं 103। मतलब सीधी सी बात यह है कि जो लोग भोजन के बाद गट गट लोटे पे लोटा पानी पिएंगे उनको जिंदगी में 103 रोग जरूर आएंगे। अब 103 रोग आएंगे तो डॉक्टर के तो मजे आएंगे और आपके घर का पैसा जाएगा, आप करोड़पति हो जाएंगे, डॉक्टर करोड़पति हो जाएगा। ये 103 रोग कौन कौन से आएंगे उनकी सूची है भागवत संहिता, जिसका नाम है अष्टांग हृदयम, उसमें पूरी सूची है कि जो लोग भोजन के बाद गिटगिट गिटगिट पानी पीते हैं उनको 103 रोग कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला रोग पेट में जलन होना, जिसको आप कहते हैं एसिडिटी। जो लोग भी खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं 101% नहीं 201%, 1000% उनको एसिडिटी होती ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2 साल बाद 5 साल बाद होने ही वाली है, एसिडिटी तो होना ही है, पेट में जलन तो होने ही वाली है। और ये पेट की जलन आगे बढ़ते बढ़ते छाती तक आती है, फिर छाती में जलन, और आगे बढ़े तो गले में जलन, फिर पूरे शरीर में जलन, किसी को यहाँ पांव में जलन, किसी को यहाँ गुर्दे में जलन, पूरा शरीर में आग ही आग, आग ही आग। और ये अगर आग फैल गई तो पित्त बिगड़ता है, और पित्त बिगड़े तो शरीर भी बिगड़ता है, और शरीर बिगड़े तो जिंदगी बिगड़ती है। इसलिए ध्यान इस बात को देना है कि स्वयं पाक घर में दूध और चावल को पकाते समय आग का जलना बहुत जरूरी है, ऐसे ही हमारे शरीर में खाना खाने के बाद आग का जलना बहुत जरूरी है ताकि भोजन ठीक से पके। इसके लिए पानी का और आग का मेल नहीं है तो मतलब सीधा सा ये है कि खाना खाने के बाद पानी मत पियो। भागवत ऋषि इस सूत्र को संस्कृत में कहते हैं भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत में पानी पीना विष पीने के जैसा है, विष माने जहर। जो लोग खाना खाने के बाद पानी पीते हैं भागवत कहते हैं कि वो जान लें कि जहर पी रहे हैं, और ये जहर उनको जिंदगी में इतना त्रास देने वाला है, इतनी तकलीफ देने वाला है जिसकी वो खुद कल्पना उस समय नहीं कर पाते जिस समय वो पानी पीते। मैंने वो सूची पढ़ी भागवत ऋषि की लिखी हुई, तो उसमें एसिडिटी माने पेट की जलन पहले नंबर पर है, और आखिरी नंबर पर उसमें जो बीमारी है वो है कैंसर। माने पेट की जलन से जो शुरू हुआ तो वो कैंसर तक जा सकता है, माने पेट का कैंसर भी आपको हो सकता है अगर खाने खाने के बाद पानी पीना आपका है तो। और बीच में तो सब बीमारियां भसी भरी हुई है। तो यहां से आज से बात शुरू होती है कि आप अपनी जिंदगी में एक छोटी सी चूक कर रहे हैं वो बंद कर दो, आज से भोजन के बाद पानी नहीं पीना है, भोजन के बाद कभी भी पानी मत पीजिए। भोजन के बाद पानी अगर पिएंगे तो तैयार रहिए 103 रोग आएंगे। उनमें से कई रोग हैं जो आपके गुर्दों के त्रास से संबंधित होंगे, पेट से संबंधित होंगे, रक्त से संबंधित होंगे, वीर से संबंधित हो सकते हैं, मस्तिष्क से संबंधित हो सकते हैं, कई तरह की बीमारियां जो पित्त के बिगड़ने से हो जाती है। मतलब यह है कि खाने के बाद अग्नि को जलने दीजिए, पानी गिराकर शांत मत करिए।
अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं तो जल्दी से आपको ये बात समझ में आए। आपने पशुओं को देखा है, पशुओं को, जानवरों को, गाय को, मछली को, गधे को, घोड़े को, बैल को, इन सबको आपने देखा है, अच्छे से देखा है। आप जरा देखिए कि कौन सा पशु है जो खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीता है, नाम बताइए किसी एक का। कभी गाय को देखा खाना खाते ही पानी पी लेती है, मछली को देखा, मछली सबसे मूर्ख मानी जाती है, सबसे मूर्ख, उसको भी इतनी अकल है कि वो भोजन के बाद पानी नहीं पीती। मैंने देखा है मछली सुबह सुबह खाना खाती है 6 बजे 7 बजे भरपेट खाना खाती है और पानी 11 बजे 12 बजे ही पीती है। मैंने खाना खाने के 4 तास बाद पानी पीती है मछली, उसको भी इतनी अकल है, मनुष्य को नहीं है, मनुष्य मछली से भी गया बेटा है। कुत्ते को देखिए, मछली को देखिए, गाय को देखिए, बैल को देखिए, गधे को देखिए, घोड़े को देखिए, हाथी को देखिए, किसी भी जानवर को देखिए, भोजन करने के साथ कोई भी जानवर पानी नहीं पीता, कम से कम 4 तास, अधिक से अधिक 5 तास के बाद ही सब जानवर पानी पीते हैं। इसलिए किसी भी जानवर को गुर्दे का त्रास नहीं होता, किसी भी मछली को डायबिटीज नहीं होती, किसी भी बैल को मनके का त्रास नहीं होता। सुना है बैल 1 दिन में 3 टन वजन लेके जाता है, 3000 किलो, और कम से कम 60 किलोमीटर चलता है। किसी भी बैल को आज तक नहीं सुना कि मनके का त्रास हो गया, और ये मनुष्य 10 किलो का एक पोता उठाए तो मनके का त्रास हो जाए, डायबिटीज हो जाए, अर्थराइटिस हो जाए, अस्थमा हो जाए, 148 रोगों की लिस्ट है जो कभी भी हो जाए। तो मुझे भागवत ऋषि के ये सूत्र को आपके ध्यान में लाना है। वो ये भागवत ऋषि कहते हैं, भोजनांते विषम वारी, भोजन के अंत में पानी पीना तो जहर पीने के जैसा है, विष पीने के जैसा है। मतलब मेरा आपको एक छोटी सी सूचना है कि भोजन के बाद पानी मत पियो। तो क्या होगा, आप जो कुछ भी खाएंगे अग्नि प्रदीप्त होगी, अग्नि से उसका पाचन हो जाएगा, पाचन के बाद उसमें से मांस मज्जा रक्त वीर मलमूत्र ठीक से बन जाएगा, वो शरीर के काम आ जाएगा। इसलिए भोजन के बाद पानी मत पियो। तो आप पूछेंगे कब तक नहीं पिए, पशु तो 4 घंटे नहीं पीते, 4 तास। आप अभी मैं आपको एक सरल माहिती दे देता हूं, फिर आप तय कर सकते हैं कि कितने घंटे बाद पिए। हम जो कुछ भी खाते हैं, मैंने आपसे कहा कि पहले वो पेस्ट में बदलता है। पेस्ट आप समझते हैं, कोई वस्तु ना तो द्रव है ना तो ठोस है, बीच की अवस्था है, ना तो सॉलिड है ना तो लिक्विड है, बीच की अवस्था पेस्ट। तो जो कुछ भी खाया वो पेस्ट में बदलता है। इसको लगभग 1 तास लगता है, और पेस्ट के बाद अगला जो चरण है वो है रस बनने का। पहले पेस्ट बनेगा भोजन, फिर बाद में रस में बदलता है, और रस बदलने का जो समय है वो 1 तास से शुरू होता है और 2 तास तक चलता है। आप जानते हैं कोई भी चीज रस बने तो उसमें पानी का होना आवश्यक है, नहीं तो रस नहीं होगा। तो जब भोजन रस बनना शुरू करता है उस समय पानी पीना सबसे अच्छा होता है। तो कम से कम 1 तास बाद, जास्ती से जास्ती 2 तास बाद पानी पीना। आप बोलेंगे अरे ये कैसे होने वाला है, हमारी तो आदत पड़ी हुई है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि भोजन कम पानी ज्यादा पीते हैं, एक लोटा नहीं दो दो लोटा लगता है उनको, 3-3 लोटा लगता है। ये आदत बदलनी पड़ेगी, नहीं तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते। अगर आपको स्वस्थ होना है, पेट के रोगों से मुक्ति पानी है, तो भोजन के बाद पानी पीना तो बंद करना ही पड़ेगा। तो आप ये पूछ सकते हैं कि कुछ और पी सकते हैं क्या? हाँ, कुछ और पी सकते हैं। भागवत ऋषि ने एक सूत्र लिखा, उसमें पहला सूत्र तो ये भोजनांते विषमवारी,
भोजन के अंत में पानी पीना विष पीने के बराबर है, माने पानी मत पियो, एक तास से डेढ़ तास के बीच में पानी पियो। दूसरी बात उन्होंने ये लिखी है कि अगर कुछ पीना ही है द्रव रूप में तो भोजन के बाद आप ताक पी सकते हैं, भोजन के बाद दूध पी सकते हैं और भोजन के बाद कोई भी फल का रस पी सकते हैं, पानी नहीं पी सकते। ताक पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, फल का रस पी सकते हैं, पानी नहीं पी सकते। अब आपके मन में तुरंत एक प्रश्न आएगा कि ताक पी सकते हैं, पानी क्यों नहीं पी सकते, ताक में भी तो पानी ही है कि नहीं, दही तो थोड़ा ही है, पानी तो ज्यादा है, और दूध में भी तो पानी ही है और रस में तो पानी ही पानी है, तो रस पी सकते हैं, ताक पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, तो पानी क्यों नहीं पी सकते। इसका उत्तर मैं सरल तरीके से देता हूं। आपने कोई फिल्म का गीत सुना, मुझे फिल्म का नाम याद नहीं, गीत याद है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा, ये है ना, ये गीत आपके शरीर की फिलोसफी है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, रंग से मतलब गुण, उसके गुण कैसे हैं पानी के, पानी के अपने गुण कुछ भी नहीं है, जिस चीज में आप मिला देते हो वैसा ही है। पानी को दही में मिलाया ताक बनेगी, तो उसमें पानी का गुण नहीं आएगा, दही का आएगा। पानी को दूध में मिलाया तो पानी में पानी का गुण नहीं आएगा, दूध का गुण आएगा। अगर आम का रस निकाला आपने और उसमें पानी मिलाया तो उसमें पानी का गुण नहीं आएगा, आम का गुण आएगा। संतरे का रस निकाला, उसमें पानी मिला दिया तो पानी नहीं रहेगा, वो संतरे का गुण उस पानी में आ जाएगा। तो पानी पीने का तो निषेध है, लेकिन रस पी सकते हैं, क्योंकि रस में जो पानी है वो फल के गुण वाला है, ताक में जो पानी है वो दही के गुण वाला है, दूध में जो पानी है वो दूध के गुण वाला है। तो आप भोजन के बाद अगर कुछ पीना चाहते हैं तो तीन चीजों का आपको परमिशन है, आप या तो रस पीजिए, या तो दूध पीजिए और या तो ताक पीजिए, पानी मत पीजिए। पानी कब पीना है, कम से कम एक तास 30 मिनट के बाद पानी पीजिए, डेढ़ तास के बाद पानी पीजिए, अब चलेगा। फिर कुछ लोग कहेंगे गले में फंस गया तो, भोजन गले में फंस गया तो, भोजन गले में कब फंसता है इसके लिए भी एक कारण है। अगर आप भोजन जल्दी 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 खाएंगे तो जरूर गले में फंसेगा, लेकिन धीरे 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 खाएंगे कभी भी नहीं फंसेगा। मराठी में एक वो सूत्र है ना, सावकाश ज्ञा हरु हरु ज्ञा, ये तो बहुत बड़ा सूत्र है। जिस महान व्यक्ति ने ये सूत्र मराठी में लिखा उसको मैं वंदन करता हूं, उसने भागवत संहिता का सारा निचोड़ एक सूत्र में लिख दिया, सावकाश ज्ञा हरु हरु ज्ञा। भागवत ऋषि को ये बताने में 7000 सूत्र लगे, और जिस मराठी महान व्यक्ति ने ये लिख दिया सावकाश गया हरु हरु गया, वो जरूर भागवत का पक्का चेला रहा होगा। गुरु की सब माहिती लेके उसने एक सूत्र में लिख दिया, धीरे धीरे खाओ, जल्दी जल्दी मत करो। तो जल्दी जल्दी नहीं करोगे तो गले में नहीं फंसेगा, धीरे धीरे खाएंगे गले में आराम से उतर जाए। इसलिए पानी की अब आज से दिक्कत खत्म, आप धीरे धीरे खाना खाइए। अब आप पूछेंगे कि कितना धीरे खाएं, इसकी भी तो कोई लिमिट होगी। कोई कहेगा जी एक तास लगाएं खाना खाने में, कोई कहेगा 2 घंटे खाना खाते रहें क्या, या दिन भर खाते ही रहें क्या, इसकी भी तो कोई लिमिट होगी, कोई मिनिमम कोई मैक्सिमम। तो इसकी लिमिट में बहुत अच्छा एक सूत्र मैं आपको बताता हूं, कितना धीरे खाना। आप सबके लिए अपना अपना समय भोजन का निकालना है तो एक सरल सूत्र बताता हूं, आज रात को नहीं तो कल सुबह आप अपने घर में आरसे के सामने खड़े हो जाइए और मुंह खोलिए और अपने दांत गिनिए। आपके घर में
जहां भी आरसा लगा है उसके सामने खड़े होकर मुंह खोलकर अपने दांत गिनिए। आपके कितने दांत हैं? तो आप वो कहेंगे 32, कोई कहेगा 30, कोई कहेगा 28, कोई कहेगा 26, ऐसे सबके अलग अलग होंगे। जरूरी नहीं है कि सबको 32 हो, ये भी जरूरी नहीं है कि सबको 28 हो, अलग अलग होंगे। तो सभी व्यक्तियों के लिए भोजन का समय भी अलग अलग तय होगा। तो आप पहले कल गिन लो अपने अपने दांत कितने हैं। जितने आपके दांत हैं उसके हिसाब से आपके भोजन का समय नक्की होगा। कैसे होगा? आपने भाकरी का एक टुकड़ा मुंह में रखा तो जितने दांत हैं उतनी बार उसको चबाइए, उतना समय लगाइए। ये है सूत्र। आप कहेंगे जी 32 दांत हैं तो भाकरी का एक टुकड़ा मुंह में रखिए, 32 बार चबाइए, गिनकर चबाइए। जिसको 28 है वो 28 बार चबाए, जिसको 26 है वो 26 बार चबाए। कोई कहेगा जी दांत ही नहीं है तुम, ऐसा भी हो सकता है ना, दांत ही नहीं है तुम। तो उसके लिए भागवत ऋषि ने एक व्यवस्था की। वो ये कहते हैं कि जिनको दांत नहीं है वो ऐसा भोजन खाएं जिसको चबाने की गरज ना हो। जैसे फल खाइए, फल खाइए, उसको चबाने की ज्यादा गरज नहीं है। आम खाइए, केला खाइए, चबाने की गरज नहीं है। नहीं तो फल का रस पीजिए, नहीं तो बासुंदी खाइए, बासुंदी उसको बिल्कुल गरज नहीं है, बासुंदी खाइए। नहीं तो आप दही खाइए, ताक पीजिए, दूध पीजिए, खिचड़ी खाइए, शीरा खाइए, शीरा चबाने की बिल्कुल गरज नहीं है। तो ऐसी चीजें जिनको दांत नहीं है, खिचड़ी खाएं, शीरा खाएं, बासुंदी खाएं, दूध पिए, जूस पिए, फल खाएं, ये व्यवस्था है। और जिनको दांत है वो चबा चबा के भोजन खाएं। कितनी बार चबाना, सूत्र मैंने आपको बता दिया। आप अपने आरसे के सामने आज रात, नहीं तो कल सुबह दांत गिन लीजिए। जिसको जितने दांत है उतनी बार आपको चबाना है। भाकरी का एक टुकड़ा, रोटी का एक टुकड़ा मुंह में रखना, 32 बार चबाना, गिनकर चबाना। शुरू में 2-3 दिन आप गिनेंगे, बाद में गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये दांत अपने आप सेट हो जाएंगे और ये उतनी ही बार चलेंगे जितना आपने आदत डाली। ये 2-3 दिन गिनना पड़ेगा, उसके बाद गिनना ही नहीं पड़ेगा। अब ये चबाने का नियम ऐसा क्यों है? बात ऐसी है, आपका जो मुंह है इसमें सतत लार बनती है, हम सब जानते हैं। ये जो लार है ये क्षारीय होती है, क्षारपण इसमें होता है। अंग्रेजी में कहूं तो ये बेसिक है, क्षारपण इसमें है। क्षारपण आप समझते हैं, एक अम्लपण होता है और एक क्षारपण होता है। ये मुंह की जो लार है ये क्षारीय है, क्षारपण है इसमें। और पेट में जो आग बनती है ना वो अम्लीय होती है। पेट में जो है वो अम्ल है। अगर ज्यादा केमिस्ट्री की बात करूं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पेट में अम्ल है और मुंह में लार जो है ना ये क्षार है। क्षार और अम्ल जब मिलते हैं तो न्यूट्रल हो जाते हैं और उसी को लवण कहते हैं। शरीर आपका हमेशा न्यूट्रल रहे तो बहुत लंबी आयु होती है। शरीर क्षारपण भी नहीं चाहिए, अम्लीय भी नहीं चाहिए, न्यूट्रल चाहिए, बीच का चाहिए। अब शरीर आपका न्यूट्रल रहे इसके लिए मुंह की जो क्षार लार है, क्षारी, वो पेट के अम्ल से मिलती रहे तो आपका सब कुछ न्यूट्रल रहेगा। तो इसलिए आयुर्वेद ये कहता है कि जास्ती से जास्ती लार क्षार के रूप में है वो अंदर जानी चाहिए। और ये जास्ती से जास्ती अंदर तभी जाएगी जब आप उसको चबा चबा के खाएं। इसलिए आयुर्वेद ने कहा है कि भोजन को चबा चबा के खाइए, धीरे धीरे चबा चबा के खाइए ताकि जास्ती से जास्ती लार भोजन के साथ मिले, पेट में अंदर जाए, पेट का अम्ल और मुंह की लार का क्षार दोनों मिलकर न्यूट्रल बने तो शरीर आपका जीवन भर निरोगी रहे। जिनके शरीर में न्यूट्रलिटी रहती है
उसको दूसरी भाषा में मैं कहूं, वात पित्त कफ तीनों का संतुलन रहता है। न्यूट्रल होने का माने वात पित्त कफ तीनों का संतुलन होना। और आयुर्वेद ये कहता है कि शरीर में वात पित्त कफ का असंतुलन होना ही रोग का कारण है। तो वात पित्त कफ तीनों का संतुलन होना ही निरोगी होने का आधार है। तो वात पित्त कफ तीनों आपका निरोगी माने वात पित्त कफ तीनों संतुलित रहे, आप जीवन भर निरोगी रहे, इसके लिए ये सूत्र है कि भोजन को धीरे धीरे चबा चबा के खाइए। अंक संख्या मैंने जो बताई है, आरसे के सामने खड़े होकर दांत गिनिए, 3-4 दिन दांत की संख्या के हिसाब से चबाना करिए, आदत पड़ जाएगी, उसके बाद अपने आप जिंदगी भर ये चलता रहेगा, पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप आखिरी कोई इस विषय में प्रश्न कर सकते हैं, वो ये कि क्या कभी भी पानी नहीं पिए? हाँ, आयुर्वेद तो यही कहता है कि आप कभी भी पानी ना पिए तो अच्छा है, लेकिन कोई विशेष परिस्थिति आपके साथ है। विशेष परिस्थिति क्या हो सकती है? मान लो आपको कोई ऐसा रोग हुआ है गले में कि आसानी से खाना उतरता ही नहीं है, पानी पीना ही पड़ता है तभी खाना उतरता है, ऐसी कोई स्थिति हो सकती है। या कोई और विपरीत परिस्थिति बन गई हो शरीर में, तो ऐसी स्थिति में आयुर्वेद ये कहता है कि जब कोई मर्यादा आपके साथ लगी हुई है और आप बिना किसी कारण कर नहीं सकते उसको तोड़ने का साहस, तो ठीक है फिर आप थोड़ा पानी पी सकते हैं, लेकिन वो पानी भी कौन सा? गरम किया हुआ पानी थोड़ा पी सकते हैं, लेकिन सबके लिए नहीं है। कोई विशेष परिस्थिति किसी व्यक्ति के साथ है उसके लिए है। तो बात समझ में आ गई। एक सूत्र मैंने आपको बता दिया, एक सूत्र जो भागवत ऋषि ने लिखा, चरक ने भी वही लिखा, आत्रेय ने भी उसको कहा है, काश्यप ने भी उसको कहा है, सारे आयुर्वेद के महान ऋषि इस एक सूत्र पर सहमत हैं, भोजनान्ते विषम वारी, भोजन के अंत में पानी पीना जहर पीने के बराबर है, अर्थात भोजन के अंत में कभी भी पानी ना पिए, पानी के स्थान पर ताक पिए, दूध पिए, फल का रस पिए, पानी कभी भी ना पिए। पानी पीने का समय उन्होंने निर्धारित किया है भोजन के कम 1.5 तास के बाद पानी पिए। आप कर सकते हैं इस सूत्र का पालन? कर सकते हैं? कौन कौन कर सकते हैं जरा हाथ तो उठा दीजिए। ओ, इधर से बहुत कम हाथ उठे। चलिए, जितने हाथ उठे हैं, अगर इन्होंने कल पालन इसका करना शुरू किया तो 7वें दिन जब मैं जाऊंगा आप प्लीज मुझे इसके परिणाम बता दो। इतने अच्छे परिणाम आने वाले हैं कि कल से आप इसको शुरू करेंगे और 7 दिन लगातार अगर आपने इस सूत्र का पालन किया तो जितने भी आप में से गैस की बीमारी से पीड़ित हैं, जिनको भी जलन होती है, पेट में आग लगती है, गैस्ट्राइटिस जिनको है, एसिडिटी जिनको है, मैं गारंटी देता हूं 7वें दिन सब ठीक होने वाले हैं बिना किसी दवा के, मात्र इतने से सूत्र का पालन करके कि खाने के बाद पानी नहीं पिए। अब इसमें थोड़ा सा मैं एक जानकारी और जोड़ दूं कि पानी तो ना पिए ये तो स्पष्ट हो गया, पानी के स्थान पर आप ताक पिए, दूध पिए, जूस पिए, ये बात है। तो आप कब ताक पिए, कब दूध पिए और कब जूस पिए, इसका समय निर्धारित है। कभी भी ताक नहीं पी सकते और कभी भी जूस भी नहीं पी सकते और कभी भी दूध भी नहीं पी सकते, तीनों का समय निश्चित है। तो आप बोलेंगे क्या समय निश्चित है? सवेरे का नाश्ता अगर किया है तो नाश्ते के बाद आप जूस पी सकते हैं, दोपहर का भोजन किया है तो उसके बाद आप ताक पी सकते हैं, रात्रि का भोजन किया है तो दूध पी सकते हैं। और ये जो निश्चित समय है ना, इसी को ध्यान में रखना, आगे पीछे नहीं करना इसको। मतलब सुबह दूध नहीं पीना कभी भी, शाम को ताक नहीं पीना और दोपहर को जूस नहीं पीना। ये समय जो पक्का किया है ना,
इस पर मैंने बहुत ऑब्जर्वेशन किए। कई मरीजों को मैंने कहा कि ये आगे पीछे कर दो, सुबह जो नियम है जूस पीने का वो शाम को करवाया मैंने कुछ मरीजों का, और रात को दूध पीने का सुबह करा दिया। मैंने देखा कि उनकी बीमारी में कोई भी कमी नहीं आई, जैसी पहले थी बीमारी वैसे ही रही। लेकिन जैसे ही इस नियम को ठीक किया, सुबह जूस पीना, रात को दूध पीना, दोपहर को ताक पीना, उनकी बीमारी 6-7 दिन में जड़मूल से चली गई और आज तक स्वस्थ है, दुरुस्त है, तंदुरुस्त। तो आप भी इसका ध्यान रखना, सुबह का नाश्ता, उसके बाद जूस पी सकते हैं, संतरे का रस, मौसमी का रस, ऊस का रस, आम का रस, तरबूज का रस, खरबूज का रस, द्राक्ष का रस, टमाटर का रस, गाजर का रस, पालक का रस, जो पीना है सुबह। और दोपहर का जो खाना खाया है उसके बाद ताक, और रात्रि को जो पिया है, खाना खाया है, उसके बाद दूध। इसको एक और समय के बाद, माने कल, मैं बहुत विस्तार से बात करूंगा कि दूध और ताक और जूस इनका समय क्यों निश्चित है। हमारे शरीर में तीन दोषों का हमेशा प्रभाव रहता है, वात का, पित्त का, कफ का। वात का प्रभाव जो होता है वो सुबह होता है सबसे ज्यादा, पित्त का जो प्रभाव होता है वो दोपहर को होता है सबसे ज्यादा, और कफ का जो प्रभाव होता है वो रात को होता है सबसे ज्यादा। तो सुबह के समय शरीर में वात बहुत होता है, वायु बहुत होती है, और सुबह के समय वायु बहुत आवश्यक है शरीर में। अगर वायु का प्रकोप ना हो तो आपको संडास नहीं होगी, और सुबह जिनको संडास नहीं हुई उनकी जिंदगी तो बहुत ही तकलीफ में आने वाली। तो वायु का प्रकोप होने से ही मल और मूत्र दोनों शरीर के बाहर निकलते हैं, वायु है उसके वेग से ही ये बाहर निकलते हैं। अगर सुबह वायु का प्रकोप ना हो तो ये मल और मूत्र निकलेंगे ही नहीं, और ये नहीं निकले तो शरीर में जहर ही जहर हो जाए। इसलिए प्रकृति ने बहुत सुंदर व्यवस्था की है, सुबह शरीर में वायु का प्रकोप है, तो वायु के प्रकोप को संतुलित रखे ऐसी चीज पीना सुबह सबसे अच्छा होता है। तो आप जानते हैं वायु को कौन संतुलित रख सकता है, एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए 40 गांव में बहुत तेज आंधी चलती है, अंदर चलता है, और अचानक से बारिश हो जाए तो शांति आएगी कि नहीं। वायु को शांत करने की ताकत पानी में है। तो सुबह चूंकि शरीर को वायु का प्रकोप बहुत है तो उस समय आप जूस पिएंगे, जूस में सबसे ज्यादा पानी है तो वायु शांत रहेगी। इसलिए सुबह का समय जूस पीने का है, और दोपहर का समय क्या होता है, पित्त की प्रकृति होती है शरीर को दोपहर को, क्योंकि सूर्य बहुत तेज होता है दोपहर को। सूर्य का पित्त के साथ सीधा संबंध है, सूर्य का अग्नि के साथ सीधा संबंध है। सूर्य जितना तीव्र होगा पेट की अग्नि भी उतनी तीव्र होगी, और अग्नि जितनी तीव्र होगी पित्त उतना ही तीव्र होगा। तो इसलिए दोपहर को पित्त को शांत करे ऐसी कोई चीज पीना बहुत आवश्यक है। तो पित्त को शांत करने की ताकत दो वस्तुओं में सबसे ज्यादा होती है, एक तो गाय के घी में और दूसरा दही की ताक। इसलिए आयुर्वेद ने कहा है कि दोपहर को भोजन के बाद आप ताक पिए, और रात का समय है वो शरीर में कफ बहुत होता है, तो कफ को नियंत्रित करने की जो ताकत है वो गाय के दूध में है, मशी के दूध में उतनी नहीं है। मशी का दूध कफ बढ़ाता है, गाय का दूध कफ को शांत करता है। तो रात को हमेशा दूध पीने की बात कही है, तो सुबह जूस पीना, दोपहर को ताक पीना, रात को दूध पीना। दूध जब भी मैं कहूंगा तो हमेशा ध्यान रखना गाय का दूध। आयुर्वेद के किसी भी शास्त्र में मशी के दूध की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने आयुर्वेद के शास्त्र लिखे हैं किसी ने भी मशी पालन नहीं किया। चरक के पास गाय थी,
सुश्रुत ने गाय पाली, भागवत के पास गाय थी, काश्यप ऋषि के पास गाय थी, गौतम ऋषि के पास गाय थी, सबने गौ पालन किया है, वशी पालन सिर्फ यमराज ने किया है। और यमराज ने कोई शास्त्र नहीं लिखा है, वो तो मृत्यु के देवता है। इसलिए जहां भी दूध की बात आएगी आप ध्यान देना, वो गाय का ही दूध है। तो रात को पीना है वो गाय का दूध पीना है, मशी का नहीं पी लेना, नहीं तो मशी जैसे ही होने वाली है। हाँ, मशी कैसी है आप देख लो, फिर दूध पियो उसका। सड़क में मशी खड़ी है, सामने से ट्रक आएगा, पीछे से बस आएगी, दोनों हॉर्न बजाएंगे, मशी हटेगी नहीं, वहीं खड़ी रहेगी। बस हटेगी, ट्रक हटेगा, मशी नहीं हटेगी, वहीं खड़ी रहेगी। क्यों? उसको अक्ल नहीं है, बुद्धि नहीं है, क्योंकि मशी का दूध वैसा, बिना अकल बिना बुद्धि का। और आप ध्यान दे दो, कहीं कीचड़ है, गंदगी है, मशी उसी में घुस जाएगी और घुस के आराम से बैठ जाएगी, फिर डंडे मारोगे तो भी नहीं निकलेगी, कीचड़ में ही घुस जाएगी। मशी को कभी भी आप देखो, वो अपने बच्चे को नहीं पहचानते। मैंने एक बार एक परीक्षण किया, 10 मशी खड़ी थी, एक बेटा था मशी का बच्चा, वो 10 को घूमता ही रहा, अपनी आई को नहीं पहचान पाया और उसकी आई भी उसको नहीं पहचान पाई। फिर क्या हुआ, दूर एक 11वीं मशी पर खड़ी थी, वो उसके पास चला गया और वो मशी भी उसको ले गई अपने साथ। वो दोनों आई और बच्चे नहीं थे, लेकिन वो ले गई उसको अपने साथ। ऐसी मूर्ख है मशी। और मशी जो घर से निकल गई तो अपने से नहीं आती, पकड़ के लाना था, क्योंकि उसको समझता ही नहीं, कुछ भी नहीं समझता उसको, आई क्यू उसका बहुत लो है। तो पियो दूध उसका, ऐसे ही होने वाले हैं। मशी का बच्चा जन्म लेता है ना तो जमीन पे गिर जाता है, 4-6 दिन तो ऐसे ही पड़ा रहता है, हिलता भी नहीं है, इतना आलसू होता है। जो गाय के बच्चे को देखो, जन्म लेते ही आधा घंटे में खड़ा हो जाता है, अगले आधे घंटे में जंपिंग शुरू कर देता है और 1 घंटे बाद रनिंग, पकड़ नहीं सकते आप उसको, इतनी उसमें चुस्ती और फुर्ती है। तो दूध माने गाय का, मशी का नहीं। तो आप बोलेंगे जी 40 गांव में तो मशी ही मशी है। तो मेरी आपको एक विनती है, जो 40 गांव में मशी आ सकती है तो गाय भी आ सकती है। आप बोलेंगे जी हमारा तो दूध का ही धंधा है, धंधा करो, अपने लिए गाय का दूध पियो रखो, धंधे के लिए मशी का। जो बंबई वाले हैं ना, पिलाओ इनको मशी का, पीने दो उनको, बंबई तो जाता है ना 40 गांव का दूध सारा, तो बंबई वालों को पीने दो मशी का। आप अपने घर के लिए गाय का दूध लाओ और गाय भी देशी गाय का लाओ। तो रात को दूध पियो, दोपहर को ताक पियो और सवेरे जूस पियो। भोजन के बाद पीने के लिए जो है वो 3 चीजें हैं। पानी पीना है तो 1 घंटे 30 मिनट के बाद पीना सबसे अच्छा होता है। ये एक सूत्र है भागवत ऋषि का, चरक का, सुश्रुत का, भाव प्रकाश का, निघंटु का, काश्यप का, अत्रेय का, सभी महान ऋषियों ने ये एक सूत्र माना है कि ये सबसे आवश्यक है, इसलिए मैंने आपको ये सबसे पहले बताया। तो आपके शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहे, जीवन भर आप निरोगी रहें, रोग मुक्त रहें, तो इसके लिए पहला सूत्र पालन, भोजन के बाद पानी नहीं पीना है, 1.5 तास के बाद पीना है। भोजन के बाद अगर सुबह कुछ पिएंगे तो जूस, दोपहर को पिएंगे ताक, रात को पिएंगे दूध, दूध माने गाय का। अभी दूसरा सूत्र, दूसरा सूत्र ये है कि हम जब पानी पिए, 1.5 घंटे बाद पीना ये याद रखें, 1.5 तास बाद पीना, लेकिन पानी कैसे पीना है ये बहुत महत्व की बात है। पानी कैसे पीना है ये बहुत ही महत्व की बात है। आप अभी सामान्य रूप से पानी कैसे पीते हैं, एक गिलास पानी भरा, मुंह में लगाया, गज 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 उतार लिया, गिलास तभी वापस आता है जब पानी खत्म हो जाए, यही तरीका है ना सामान्य रूप से। कुछ लोग मुंह लगा के पीते हैं, कुछ ऐसे खोल के ऊपर से गिराते हैं, लेकिन पानी लगातार गटकते जाते हैं, ये तरीका सबसे गलत है।
अगर आप गटगट 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 लगातार पानी पी रहे हैं तो आपके शरीर में तीन रोग तो जरूर आने वाले हैं, अपेंडिसाइटिस, यहां पेट का दर्द, हर्निया, हर्निया आप सब समझते हैं, आंतों का उतरना, ये बहुत परेशान होते हैं बहुत सारे लोग के हर्निया है, हर्निया हर्निया, ये हर्निया सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों को आता है जो पूरा गटक के एक साथ पानी पी जाते हैं। और तीसरा, थोड़ी उम्र के बाद एक बीमारी आती है हाइड्रोसिल, विशेष रूप से ये पुरुषों में आती है, हर्निया तो माताओं में भी आ जाता है, हाइड्रोसिल पुरुषों की बीमारी है खास रूप से। तो हर्निया, हाइड्रोसिल और अपेंडिसाइटिस, ये तीन रोग तो कंपलसरी गारंटी से आते ही हैं उन लोगों को जो एक साथ पूरा लोटा या गिलास पानी गटकते हैं। माने एक साथ पानी गटकना अच्छा नहीं है। तो आप बोलेंगे फिर पानी कैसे पीना है? पानी पीने का नियम है आयुर्वेद में, उस तरह से पानी पीना है जैसे आप चाय पीते, जैसे आप कॉफी पीते और जैसे आप गर्म दूध पीते। चाय कैसे पीते हैं? सिप करके, एक सिप लिया, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा सिप लिया, फिर थोड़ी देर बाद तीसरा सिप लिया, इस तरह से सिप सिप करके चाय पीते हैं। ऐसे ही आप कॉफी पीते हैं और ऐसे ही आप गर्म दूध पीते हैं। तो जैसे गर्म दूध पीते हैं, जैसे चाय पीते हैं, जैसे कॉफी पीते हैं, पानी ऐसे ही पीना है। एक सिप पानी का पीजिए, फिर थोड़ी देर के बाद एक सिप पीजिए, फिर थोड़ी देर के बाद एक सिप पीजिए, फिर थोड़ी देर के बाद एक सिप पीजिए। आप कहेंगे क्या पानी पीने में बहुत समय जाएगा? जाने दीजिए, इस समय को मत बचाइए, नहीं तो यही बचाया हुआ समय हॉस्पिटल में जाएगा और पैसे लेके जाएगा। समय तो जाएगा, पैसे भी लेके जाएगा। हो सकता है 15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़े या 1 महीने रहना पड़े, तो पैसे भी जाएंगे, समय भी जाएगा। तो अभी समय क्यों बचाने के चक्कर में है? सिप सिप करके पानी पीजिए, आराम से पानी पीजिए। आपने कभी छोटे बच्चों को देखा पानी पीते हुए? वो तो बहुत ही अच्छे तरीके से पानी पीते हैं। कभी छोटे बच्चों को आप देखिए तो आपको ऐसा लगेगा वो मस्ती कर रहे हैं, लेकिन वो मस्ती नहीं कर रहे हैं, वो बहुत वैज्ञानिक है। वो क्या करते हैं? पानी लेते हैं, मुंह में भर लेते हैं, ऐसे करते हैं ना बच्चे, फिर मुंह में, कई बच्चों को मैंने देखा ऐसे करते। ये सबसे अच्छा तरीका पानी पीने, तरीका तो यही सबसे अच्छा है। पानी लीजिए, थोड़ी देर मुंह में उसको घुमाइए, इधर घुमाइए, इधर घुमाइए। क्यों घुमाना है? मुंह में लार जो है ना वो पानी के साथ मिले और शरीर में अंदर जाए। ध्यान हमेशा ये रखना है कि लार क्षारीय है, पेट में जो है वो अम्ल है, अम्ल और क्षार मिलते रहे तो शरीर न्यूट्रल रहे। तो पानी के साथ जितनी जास्ती लार जाएगी उतना ही अम्ल के साथ उसका मिलन अच्छा होगा, शरीर में न्यूट्रलिटी आएगी। इसलिए पानी पीने का, एक बार मुंह में भरिए, थोड़ी देर उसको घुमाइए, लार उसमें मिले तब नीचे उतारिए, ये सबसे अच्छा तरीका। तो पानी भोजन के 1.5 तास बाद पीना पहला नियम, और पानी पीना है तो हमेशा सिप सिप करके पीना है, घूट घूट करके पीना है, एक साथ पूरा गटगट गटगट नहीं उतारना। आप अगर ध्यान देंगे, जो जानवर जितना धीरे पानी पीते हैं वो उतने ही ज्यादा चुस्त और दुरुस्त होते हैं। आपने देखा कई जानवर हैं जो जीभ से चाट कर पानी पीते हैं, जीभ से चाट चाट कर पानी पीते, शेर, बब्बर शेर, लंगड़ भग्गा, कुत्ता, भेड़िया, ये सब जीभ से चाट कर पानी पीते हैं और इनकी चुस्ती और फुर्ती इतनी तीव्र है कि चीता, आप जानते हैं ना, राजधानी की स्पीड से दौड़ सकता, राजधानी 140 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, चीते की भी मिनिमम स्पीड 140 किलोमीटर घंटा है। क्यों? चाट कर पानी पीता, चाट कर पानी पीने से शरीर में चुस्ती और फुर्ती सबसे ज्यादा है। लेकिन आप बोलेंगे हम तो नहीं पी सकते, तो चाट कर नहीं पी सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो पी सकते हैं, सिप सिप करके ऐसे पानी पीजिए। पक्षियों को आप देखिए, पक्षियों को, चिड़िया, जितने तरह की चिड़िया है, एक एक ड्रॉप पानी का उठाती है, आपने देखा चिड़िया को पानी पीते हुए?
पूरा पानी का बर्तन रखा भरा हुआ है, लगातार उसमें मुंह भर के पानी नहीं चूसेगी, एक ड्रॉप उठाएगी फिर वापस मुंह लाएगी, फिर दूसरा उठाएगी फिर वापस मुंह लाएगी। चिड़िया इस तरह से एक एक ड्रॉप पानी पीती है, बहुत दोस्त और चुस्त और दुरुस्त रहती है। आप भी सीखिए पानी पीना। पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा घूंट घूंट करके बच्चों से सीख लीजिए, इसमें कुछ बुराई नहीं है। मुंह में पानी थोड़ी देर भरिए, इधर उधर घुमाइए, फिर उतारिए, फिर भरिए, फिर घुमाइए, फिर उतारिए। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसके तीन फायदे तो मैं तत्काल बता देता हूं। अगर आप सिप करके पानी पी रहे हैं तो मैं आपको जो चाहे उतने रुपए के स्टाम्प पेपर पे एक सेंटेंस लिख के देता हूं। 1000 रुपए का स्टाम्प पेपर हो या 10,000 का या 1,00,000 का, अगर जो भी जिंदगी में सिप करके पानी पिएगा, मेरी गारंटी है, मेरी नहीं आयुर्वेद की गारंटी है, कि जिंदगी में कभी भी उसको मोटापा नहीं आ सकता, ओबेसिटी कभी भी वजन नहीं बढ़ेगा, जितना होना चाहिए जिंदगी भर उतना ही वजन रहेगा अगर पानी सिप करके पी रहे हैं तो। आप इसका उल्टा प्रश्न पूछ सकते हैं, जो वजन बढ़ गया है तो बिल्कुल आश्वस्त रहिए, आप सिप करके पानी पी लीजिए, 6 से 7 महीने में 10 किलो वजन आपका घट जाएगा अगर बढ़ गया है। फिर आप बोलेंगे जो उससे ज्यादा घट गया तो नहीं घटेगा, उसकी चिंता मत करिए, जितना बढ़ा हुआ है उतना ही घटेगा, घटने के बाद स्थिर हो जाएगा, सिप करके पानी पीने की आदत डाल दीजिए। दूसरा फायदा क्या होगा, अभी कल से ही आप देखेंगे अगर सिप करके पानी पीने की आदत आपने डाली तो ये जो गुड़गे का दर्द है, घुटने का दर्द, 7 दिन लगातार आप सिप करके पानी पी लीजिए, ये दर्द 25% आपका कम हो जाए। और ये जो एड़ी का दर्द है, एंकल जॉइंट्स का पेन, ये तो 7 दिन में 100% खत्म हो जाए। और ये जो जॉइंट्स में पेन आपको होता है ये 25 से 30% 7 दिन में कम हो जाए। और सवेरे सवेरे सोकर उठते ही जिनको सिर दर्द होता है, चक्कर आते हैं, कमजोरी महसूस होती है, ये 7 दिन में तीनों ही गायब हो जाए, चक्कर आना, सिर दर्द होना, कमजोरी महसूस होना। पानी पीना है सिप करके पीना है, थोड़ा थोड़ा घूट घूट करके पानी पीना। पहला सूत्र था खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है, 1.5 घंटे के बाद पीना है, और पीना है कुछ तो ताक पीनी है दोपहर को, जूस पीना है सुबह, और दूध पीना है रात को। दूसरा सूत्र है वो ये कि पानी हमेशा पीना है तो घूट घूट थोड़ा थोड़ा पीना है। तीसरा सूत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आपको कभी भी जिंदगी में ठंडा पानी नहीं पीना है, ठंडा पानी कभी नहीं पीना। ठंडा पानी से मतलब क्या है, ठंडे पानी से मतलब है रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ पानी, ठंडे पानी से मतलब है बर्फ डाला हुआ पानी, ये कभी भी नहीं पीना है। क्यों, आप ही मुझे बताओ, अगर आपका शरीर ठंडा हो जाए तो अच्छा है नहीं, तो क्यों चाहते हैं आप ठंडा पानी पीना। अगर शरीर ठंडा नहीं हो तो अच्छा है, और हो जाए ठंडा तो आप मर जाएंगे, तो क्यों ठंडा पानी पीना चाहते, शरीर के अनुकूल नहीं है। तकलीफ क्या आती है वो समझ लीजिए, आप जैसे ही ठंडा पानी पीते हैं शरीर ठंडा ना हो जाए इसके लिए पोट में वो पानी गर्म करना पड़ता है। आप कितना भी ठंडा पानी पिएंगे पोट उसको गर्म करेगा, और पानी को गर्म करने के लिए ऊर्जा लगती है, और वो ऊर्जा है आपका रक्त। तो ज्यादा ठंडा पानी पिएंगे तो पोट उस पानी को गर्म करने के लिए पूरे शरीर से रक्त को खींचेगा, तो शरीर का सारा रक्त पोट में आएगा, तो शरीर के बाकी अंगों और उपांगों को रक्त की कमी आ जाएगी उतनी देर के लिए जब तक वो पानी गर्म नहीं होता। और अगर शरीर के अंगों को बार बार ये रक्त की कमी आती रही तो ये अंग खराब हो जाएंगे, और आपको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, किडनी फेल हो सकती है, लीवर डैमेज हो सकता है, आपके किसी भी शरीर के अंग का कवाड़ा निकल सकता है। इसलिए ठंडा पानी कभी नहीं पीना। और ठंडे पानी का एक दुष्परिणाम,
वो मैंने खुद देखा है मेरी आंखों से। जो लोग बहुत ठंडा पानी पीते हैं उनकी अंतड़ियों में संकुचन बहुत आ जाता है, इंटेस्टाइन संकुचित हो जाता है, और इंटेस्टाइन अगर संकुचित हो तो फिर पेट साफ नहीं हो सकता, संडास साफ नहीं आएगी, और जिनको संडास नहीं आएगी उनको कॉन्स्टिपेशन होगा, और कॉन्स्टिपेशन मदर डिसीज है, सभी बीमारियों की आई है कॉन्स्टिपेशन। अगर एक कॉन्स्टिपेशन आ गया, कोष्ठबद्धता, कब्जियत, तो सैकड़ों बीमारियां अपने आप चल के आएगी। आप में से कोई विदेश प्रवास अगर किया हो तो मेरी बात तुरंत समझ जाएगी। अमेरिका में और यूरोप में बहुत ठंडा पानी देते हैं, चिल्ड वाटर, पानी को फ्रिज में रखते हैं, ऊपर से बर्फ डाल के फिर पीते हैं। कई बार वो पानी तीन तीन दिन फ्रिज में रखा रहता है, फिर भी बर्फ डाल के फिर पीते हैं। उसका दुष्परिणाम मैंने देखा है। ये जितने भी अमेरिकन और यूरोपियन लोग चिल्ड वाटर पीते हैं, वो सवेरे जब संडास घर को जाते हैं तो एक एक तास, दो दो तास बाहर ही नहीं आते, अंदर ही बैठे। उनको मैं पूछता हूं, भाई क्या करते हो दो तास संडास घर में? तो कहते हैं व्रत पत्र पढ़ते, न्यूज़पेपर। क्यों पढ़ते हो? तो पोट साफ नहीं होता, संडास नहीं उतरती, इसलिए इंतजार करना पड़ता है, व्रत पत्र पढ़ते। तब मेरे समझ में आया कि यूरोपियन और अमेरिकन जो फैमिलीज हैं उनके संडास घर में लाइब्रेरी होती है। हाँ, संडास घर में लाइब्रेरी, किताबें सब संडास घर में ही रखेंगे, क्योंकि वो बैठ गए हैं, अब दो तास बैठने का है तो पढ़ते रहते हैं। एक बार मैंने एक अमेरिकन परिवार को पूछा कि आप अपना संडास घर में ये कमोड सीट क्यों बनाते हैं, भारतीय पद्धति वाला क्यों नहीं बनाते? वो कहते हैं, वो राजी भाई, भारतीय पद्धति वाले संडास पर 5 मिनट बैठ सकते हैं, हमको 2 तास बैठने का है, इसलिए कमोड सीट बनाते हैं, आराम से कुर्सी की तरह से बैठ जाते हैं, 1 तास 2 तास। और वो बेचारे इतने परेशान होते हैं कई बार, हाँ संडास उतरती नहीं, एक एक तास जोर लगाते हैं, ताकत लगाते हैं, फिर भी नहीं उतरती, फिर कभी कभी गाना भी गाते हैं, मेरे सपनों की रानी कभी आएगी वो आती नहीं, और ज्यादा परेशान आते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो फिर कहते हैं एक बार आ जा, आ जा, फिर भी नहीं आते, क्या करें। और मैंने देखा कि ये जो अमेरिकन यूरोपियन लोग दो दो तास टॉयलेट पे बैठे रहते हैं, इनके मुंह से बहुत बास आती है, तो मुंह की बास को छुपाने के लिए माउथ फ्रेशनर हमेशा स्प्रे करते रहते हैं। और मुंह की बास वो क्यों आती है? क्योंकि पेट साफ नहीं होता। शरीर में से बास आती है तो डिओडोरेंट स्प्रे करते रहते हैं, क्योंकि पेट साफ नहीं होता। तो पेट साफ होगा नहीं तो मुंह से भी बास आएगी, शरीर से भी बास आएगी। तो बहुत साल के बाद मेरे समझ में आया कि ये डिओडोरेंट स्प्रे इसलिए नहीं करते कि वो फैशन है, इसलिए स्प्रे करते हैं कि शरीर से बास आती। माउथ फ्रेशनर इसलिए नहीं स्प्रे करते कि वो स्टेटस सिंबल है, इसलिए करते हैं कि मुंह से बास आती। और बास इसलिए आती है कि पोट साफ नहीं होता, और पोट साफ इसलिए नहीं होता कि रोज चिल्ड वाटर पीते हैं, ठंडा पानी आपने पीना कभी। आप हमेशा पानी कैसा पीना, तो आप बोलेंगे घड़े का पानी पी सकते हैं क्या? हाँ, घड़े का पी सकते हैं। मिट्टी के बने हुए घड़े का पानी कभी भी चिल्ड वाटर नहीं होता। चिल्ड वाटर का मतलब है जिस पानी का तापमान 15 डिग्री से कम हो, और मिट्टी के घड़े में पानी आप रखेंगे तो उसका तापमान जो रूम टेम्परेचर है उससे 2 या 3 डिग्री ही कम होता है, ज्यादा कम नहीं होता, इसलिए मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते हैं, वो ठंडा नहीं माना जाता। तो आप अभी गर्मी का दिन है, मिट्टी के घड़े का पानी पियो, फ्रिज का पानी मत पियो। जो फ्रिज का पानी पियोगे तो जिंदगी भर 2 बीमारियों से लड़ना ही पड़ेगा आपको, एक तो ये गुड़गे दुखना, कमर दुखना, कंधे का त्रास, और दूसरा वजन बढ़ता ही जाएगा, कमर भी दुखेगी, घुटने भी दुखेंगे, वजन भी बढ़ेगा, और कोई डॉक्टर दुनिया का आपको ठीक नहीं कर पाएगा इस बीमारी से। वो कहेगा वजन घटाने के लिए कुछ दवा खा लो, दवा खाएंगे थोड़े दिन घटेगा, फिर उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा और तकलीफ आएगी। कहेगा घुटने का दर्द खत्म करने के लिए पेन किलर खा लो, जितनी देर दवा खाएंगे घुटने का दर्द बंद रहेगा, फिर दवा का असर खत्म हुआ फिर वापस आएगा। इसलिए फ्रिज को पानी के लिए उपयोग नहीं करना, ये आप अपने घर का नियम बना दो।
फ्रिज का पानी, बर्फ डाला हुआ पानी गलती से भी नहीं पीना, ये तीसरा सूत्र है। और आज के व्याख्यान में चौथा और आखिरी सूत्र, आगे के सूत्र फिर कल बात करो। चौथा और आखिरी सूत्र वो ये है कि आप जब सवेरे सोकर उठते हैं तो सबसे पहले आपको पानी पीना, सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना है। अब वैसे तो आयुर्वेद में इस सूत्र में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है उषापान, उषापान का मतलब होता है सुबह सुबह जब आप 4-4:30 बजे उठते हैं वो समय जो है उषा का समय कहलाता है, उषाकाल, उषाकाल, उषाकाल में पिया हुआ पानी उषापान। तो वैसे तो आदर्श है कि सुबह आप 4:30-5 बजे उठें और उठते ही पानी पिए, लेकिन अगर आप नहीं उठ पाते हैं 4:30-5 बजे तो जब उठें उठते ही पानी पिए, माने आपके दिन की शुरुआत पानी से करें। महत्व की बात है वो ये, आपका दिन शुरू होना चाहिए पानी के साथ, चाय से नहीं, कॉफी से नहीं, दिन शुरू होना चाहिए पानी के साथ, उठते ही पानी पिए। और पीने का तरीका मैंने पहले बता दिया, सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा करके पिए, ठंडा पीना नहीं है, घड़े का पी सकते हैं नहीं तो सादा पानी पिए, पानी सुबह उठते ही पीना है। अब आप बोलेंगे जी कितना पिए, तो आयुर्वेद तो कहता है कि कम से कम 1.25 लीटर, 1.25 लीटर, 1.25 लीटर माने कम से कम 4 गिलास। आप बोलेंगे जी हमारे बस का नहीं है, तो आप ऐसा करिए 1 गिलास से शुरू करिए, एक पहले 1 गिलास पीने की आदत डाल दीजिए, थोड़े दिन में आदत पड़ जाएगी। शरीर ये जो है ना इतना फ्लेक्सिबल है कि आप इसको जैसी आदत डालो वैसी ही पड़ जाती है। तो 1 गिलास से शुरू करिए, थोड़े दिन 1 गिलास पीते रहिए, फिर धीरे धीरे 1.5 गिलास करिए, फिर 2 गिलास करिए, फिर 2.5 करिए, बढ़ाते जाइए। आप बोलेंगे सुबह प्यास नहीं लगती, बिना प्यास के पिए, उठते ही पानी पिए। इसके दो बड़े कारण, पहला कारण क्या है, रात्रि को जब आप सो गए तो मुंह में जो लार बनी वो अंदर नहीं गई, वो इधर उधर जमा है, उठते ही आप पानी पिएंगे तो ये अंदर जाएगी, और सुबह की जो सबसे प्रथम बार की जो लार होती है वो पूरे दिन में सबसे अच्छी मानी जाती है, सोने के जैसे बराबर मानी जाती है। तो इसलिए उठते ही पानी पिएंगे तो चारों तरफ जो लार जमा है वो पानी के साथ अंदर गई, पहला फायदा। दूसरा फायदा ये है कि सुबह, मैंने आपको पहले बोला था ना, ध्यान दिया कि सुबह का समय वायु का होता है, सुबह का समय वायु का प्रकोप शरीर को होता है, वायु का ताकत लेकर कम करना है तो पानी ही है, तो सुबह उठते ही पानी पिएंगे, वायु का प्रकोप आपका तब तक शांत रहेगा जब तक पानी है, तो वायु ज्यादा तकलीफ नहीं करेगी। और तीसरा फायदा ये होगा कि जैसे ही आप पानी पिएंगे तो अंतरियों तक पानी जाएगा सुबह, क्योंकि बीच में कोई रुकावट नहीं, फिर अंतरियों को साफ करेगा, इंटेस्टाइन को साफ करेगा, और रोज का रोज अगर आपकी आंतें साफ होती हैं, इंटेस्टाइन एकदम स्वच्छ होती है, तो मैं आपको फिर कहें उतने रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख के देता हूं, जिनकी इंटेस्टाइन सुबह रोज साफ हो जाती है उनको जिंदगी में कोई रोग आने की शक्यता नहीं है। इसलिए सुबह उठते ही पानी पीने का नियम है, कम से कम 1.25 लीटर पीना है, शुरू करिए 1 गिलास से, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते उसको 4 गिलास तक ले आइए। तो ये 4 सूत्र मैंने बताए, मैं इनको फिर से दोहराता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। पहला सूत्र था भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत में पानी बिल्कुल नहीं पीना है, 1.5 तास के बाद पानी पीना है, भोजन के बाद अगर कुछ पीना है तो या तो जूस, या तो ताक, या तो दूध। जूस पीना है सुबह सुबह, ताक पीनी है दोपहर को, और दूध पीना है रात को, ये पहला सूत्र। दूसरा सूत्र था कि पानी जब भी पिएंगे सिप करके पिएंगे, थोड़ा 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 घूट घूट करके पानी पीना। तीसरा सूत्र था ठंडा पानी कभी नहीं पीना है, फ्रिज में रखा हुआ पानी, बर्फ डाला हुआ पानी गलती से भी नहीं पीना है, मिट्टी के घड़े का चाहे तो पानी पी सकते हैं। और चौथा सूत्र जो आज के दिन का आखिरी सूत्र है वो ये
कि सुबह सुबह उठते ही पानी पीना, शायद मैं भूल रहा हूं, पहला सूत्र भोजन के डेढ़ तास बाद पानी पीना, पीना है कुछ तो दूध रात को, पाक दोपहर को, जूस सुबह, दूसरा सूत्र कभी भी पानी पीना तो सिप करके पीना है, तीसरा सूत्र ठंडा पानी फिर बिल्कुल भी नहीं पीना है, और चौथा और आखिरी सूत्र सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना है। ये चार सूत्र का आज मैं आपको समापन करता हूं कि आज से आप अगर ये चारों सूत्र अपने जीवन में लागू करते हैं, 7 दिन लगातार इसको कर लीजिए, 7वें दिन इसके परिणाम इतने अच्छे आएंगे, क्या क्या परिणाम आएंगे वो मैं बता देता हूं। गैस्ट्राइटिस जिनको भी है, पेट में गैस बनती है, जलन होती है, खट्टी खट्टी डकार आती है, भोजन ठीक से पचता नहीं है, जिनको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, कब्जियत हो गई है, कोष्ठबद्धता हो गई है, मलबद्धता हो गई है, पेट साफ नहीं होता है, ये सब रोग आपके एक साथ ही दूर हो जाएंगे। जिनको भूख नहीं लगती है उनको भूख लगेगी, अच्छी नींद नहीं आती है नींद बहुत अच्छी आएगी, और जिनको सुबह सुबह उठते ही सिर में दर्द होता है वो 6-7 दिन में गायब हो जाएगा, जिनको आधे सिर में दर्द होता है वो भी ठीक होएगा, जिनको पूरे सिर में होता है वो भी ठीक होएगा, चक्कर आते हैं वो ठीक हो जाएंगे, वॉमिटिंग सेंसेशन होता है हमेशा हमेशा वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ऐसी ऐसी साधारण से लेकर असाधारण बीमारियां जिनकी संख्या 48 है ये 4 सूत्रों से ही ठीक हो जाएगी। पांव में एड़ी का दर्द है ठीक हो जाएगा, घुटने का दर्द 25-30% 7 दिन में चला जाएगा, और जो 1.5-2 महीने लगातार ये सूत्र पालन किए तो ये घुटने का दर्द 50% से ज्यादा कम हो जाए, कमर का दर्द 50% ठीक हो जाए, कंधे का दर्द ठीक हो जाए। ऐसे आपके शरीर के बहुत सारे रोग ये 4 सूत्र का पालन करने मात्र से ही दूर हो जाए। मैंने ये 4 सूत्र का एक्सपेरिमेंट 48 तरह के रोगों के मरीजों पर किया है और सभी में अद्भुत परिणाम मैंने देखे, अद्भुत। अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं और ये इस बात को खत्म करता हूं। एक मरीज का मैं इलाज कर रहा हूं, वो बेंगलोर में, उसका वजन 170 किलो हो गया, 170 किलो, आप सोचिए कैसा है, हाथी का बच्चा। हाँ, और वो बेंगलोर की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, और सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वालों को आप जानते हैं कितनी तकलीफ में काम करना पड़ता है, रात को काम शुरू होता है सुबह तक चलता है, तो रात को 7-8 बजे से काम उसका चालू होता है, सवेरे 7-8 बजे तक काम करता है, रात को सो नहीं पाता, वो दिन में सोता है। अब दिन में सोना रात में काम करना ये 3 साल से चल रहा है, 3 साल में उसका वजन बढ़ते 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 70 किलो से 170 किलो हो गया। परिणाम क्या हुआ, जिस कंपनी में वो काम करता कंपनी ने उसको निकाल दिया, छुट्टी हो गई, नौकरी चली गई। अब वो ज्यादा सीरियस हुआ तब जब नौकरी चली गई, उसके पहले तो उसने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया, नौकरी चली गई तो वो इधर उधर भागना शुरू किया, कभी जिम्नेजियम में जाना एक्सरसाइज करना, कभी किसी के यहां जाना, कभी किसी के यहां जाना, कभी कहीं जाना, कभी कहीं जाना, अंत में वो आ गया रामदेव जी के यहां हरिद्वार में। रामदेव जी और मेरी बहुत दोस्ती है पिछले 10 साल से, उन्होंने एक दिन मुझे फोन किया कि ऐसा ऐसा एक पेशेंट है 170 किलो का है, मैं उसको भस्त्रिका प्राणायाम सिखाया है, तो मैंने कहा स्वामी जी बहुत अच्छा किया आपने भस्त्रिका सिखाया है, उसको ये 4 सूत्र और सिखा दो, सुबह उठते ही पानी पीना, भोजन के 1.5 तास के बाद पानी पीना, पानी हमेशा सिप करके पीना और ठंडा पानी कभी नहीं पीना। तो स्वामी जी ने वो भी 4 सूत्र उसको बता दिए और कहा कि इनका कड़ाई से पालन करना है। आज उस व्यक्ति को लगभग 1 साल और 6-7 महीने हुए हैं यही करते हुए, भस्त्रिका करता है सुबह 10 मिनट और ये 4 सूत्र का पालन करता है। आज उसकी स्थिति यह है कि 170 किलो का वजन उसका 90 किलो पे आ गया, 1 साल 4 महीने हुए, और मैंने उसको बोला 2-3 महीने और कर ले तो वापस 70 किलो पे आ जाए, और जिंदगी भर ये नियम का पालन करेगा तो फिर कभी भी वजन नहीं बढ़ेगा। ऐसे परिणाम है, ये एक सूत्र इतने सरल है लेकिन इसके काम बहुत गहरे हैं और इसकी पकड़ बहुत गहरी है, और ये सूत्र मेरे नहीं है, भागवत ऋषि के हैं। मैंने तो सिर्फ आपको बताया है, उन्होंने संस्कृत में लिखा, मैंने हिंदी में सुनाया। भागवत ने इन सूत्रों पर सालों साल परीक्षण किए हैं, भागवत जी खुद कहते हैं कि कोई भी सूत्र 50 परीक्षण कम करने से पहले लिखा नहीं उन्होंने,
एक एक सूत्र के एक एक श्लोक के 50 परीक्षण उसके बाद लिखा है, बहुत ऑब्जर्वेशन के बाद लिखा है। और उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही निकला है। उन्होंने एक सूची बनाई है, 48 रोग उसमें हैं, और उनका कहना है कि जो ये 4 सूत्र का पालन करे वो ये 48 रोगों से जिंदगी भर मुक्त रहेगा। और मैंने देखा है कि वो बिल्कुल सही है। इसलिए आपकी जिंदगी में बिना किसी दवा के और बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के आप ठीक और निरोगी रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो ये 4 सूत्र बहुत सरल है। इनका आज से ही अपने जीवन में पालन शुरू कर दीजिए। पहला सूत्र है भोजन के 1.5 तास बाद पानी पीना है। दूसरा सूत्र है पानी सिप सिप करके पीना है। तीसरा सूत्र है ठंडा पानी कभी नहीं पीना है। और चौथा सूत्र है सुबह उठते ही पानी पीना है। कल से करिए, बल्कि आज से करिए। और फिर कल मैं आपसे फिर बात करूंगा ये 4 से आगे के सूत्रों की। एक छोटी सी माहिती दे दूं कि ये सूत्रों के आधार पर हम लोगों ने कुछ पुस्तकें बनाई। भागवत ऋषि की जो पुस्तक है ना अष्टांग हृदय, वो हमने बनाई। वो तो संस्कृत में है, हमने उसका हिंदी किया है। यहाँ स्टॉल पर है, आप चाहें तो ले सकते हैं। इसी सूत्र पर आधारित एक पुस्तक है स्वदेशी चिकित्सा, सौंदर्य चिकित्सा। इसी सूत्र पर आधारित है गंभीर रोगों की सरल चिकित्सा। ऐसी 6-7 तरह की चिकित्सा विषय की किताबें हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं। इनको पढ़कर और ज्यादा जानकारी लेकर और दूसरों को माहिती दे सकते हैं। और इस विषय पर ऑडियो CD भी है, वो भी आप ले सकते हैं। आभार, आपका धन्यवाद। कल शाम को 8:30 बजे फिर मिलेंगे आगे के सूत्रों के साथ। कल आपके साथ मैं अपनी जिंदगी को निरोगी बनाए रखने के लिए, रोग मुक्त होने के लिए कुछ सूत्र बता रहा था। और वो सूत्र भारत देश के एक बहुत महान व्यक्ति श्री बागवत द्वारा लिखे गए हैं। बस अंतर इतना है कि बागवत जी ने जितने सूत्र लिखे हैं वो सब संस्कृत में हैं, मैं आपको उनका हिंदी करके सीधे बात कर रहा था। उन्होंने हमारे जीवन को सुखी बनाने के लिए, निरोगी बनाने के लिए लगभग 7,000 सूत्र लिखे, श्लोक के रूप में लिखे। उसमें से मैंने कल आपको 4 सूत्र बताए थे। और वो सूत्र पानी के बारे में है कि हमको हमारे जीवन में भोजन के तत्काल बाद पानी नहीं पीना चाहिए। वो पहला सूत्र, पानी अगर पीना है तो लगभग भोजन करने के 1 से 1.5 घंटे के बाद पीना चाहिए। दूसरा सूत्र मैंने बताया था वो ये कि पानी कभी भी एक साथ पूरा नहीं पीना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके सिप करके पानी पीना चाहिए। जैसे हम चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, गर्म दूध पीते हैं, ऐसे पानी पीने की बात कही थी। तीसरा सूत्र ये था कि सुबह सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो सबसे पहले पानी पीना चाहिए, कम से कम 1.25 लीटर, कम से कम 1.25 लीटर। 1.25 लीटर का मतलब होता है बड़ा गिलास भर के 3। फिर आपकी समस्या हो सकती है कि एक साथ इतना पानी पीना मुश्किल है, तो मैंने आपसे ये कहा था कि आप 1 गिलास से पीना शुरू करें, धीरे धीरे 2 करें, फिर 3 तक जाएं, और उसको नियमित रूप से अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इसी सूत्र को मैंने दूसरे तरीके से ये कहा था कि आपका दिन शुरू होना चाहिए पानी से, दिन की शुरुआत पानी से होनी चाहिए, चाय से नहीं, कॉफी से नहीं, किसी भी दूसरी वस्तु से नहीं, पानी से दिन की शुरुआत होनी चाहिए। तो वो इसी सूत्र का अंग है। और चौथा और कल का आखिरी सूत्र था कि ठंडा पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। ठंडे पानी से मतलब है फ्रिज में रखा हुआ पानी, बर्फ डाला हुआ पानी, वो आपको कभी भी नहीं पीना है। कारण भी मैंने बताए थे इसके। ठंडा पानी अगर आप पीते हैं तो शरीर में बहुत तेजी के साथ संकुचन आता है सभी अंग प्रत्यंगों में। ठंडा पानी आपके पेट में जाने के बाद गर्म करना ही पड़ता है, अगर वो गर्म ना हो तो आपका शरीर ठंडा पड़ जाएगा, और शरीर ठंडा हो जाए तो मृत्यु हो जाती है। इसलिए आप कितना भी ठंडा पानी पिए शरीर उस पानी को गर्म करेगा, और शरीर को पानी गर्म करने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपको अपने स्वयं पाक घर में कोई भी चीज गर्म करने के लिए अग्नि की जरूरत है, वैसे ही पेट को भी जरूरत पड़ेगी। और उस अग्नि के लिए पूरे शरीर का रक्त पेट की तरफ दौड़ेगा,
वो रक्त जाना चाहिए शरीर के अलग अलग अंगों में, लेकिन वो पूरा का पूरा पेट में इकट्ठा हुआ तो बाकी अंगों को रक्त की कमी आएगी, और जितनी देर रक्त की कमी आएगी उतनी देर उन अंगों की अपनी शक्ति कम होती चली जाएगी और धीरे धीरे वो अंग आपके खराब होते जाएंगे। तो एक दिन आपको सुनाई देगा या कोई डॉक्टर कहेगा कि आपकी तो किडनी फेल हो गई, आपका लीवर खराब हो गया, आपका हृदय खराब हो गया, आपकी पैनक्रियाज खराब हो गई। तो ये सब आपको सुनने को मिलेगा, तब ध्यान आएगा कि आपने कौन सी ऐसी गलती की जो आपकी किडनी फेल हो गई। और धीरे धीरे आप जब विश्लेषण करेंगे तब पता चलेगा कि आपने बहुत दिन ठंडा पानी पिया, जिसका दुष्परिणाम ये आपको देखने को मिला। तो इसलिए मैंने आपसे कल के सूत्रों के बारे में ये कहा था कि ठंडा पानी कभी ना पिए। मैंने दुनिया में बहुत सारे लोगों को देखा है जो ठंडा पानी बहुत ज्यादा पीते हैं, और सबसे ज्यादा गंभीर रोग उनको होता है मलबद्धता, कोष्ठबद्धता, कॉन्स्टिपेशन जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं। उनकी कभी भी आंतें साफ नहीं होती, पोट खुलकर साफ नहीं होता, संडास अच्छे से नहीं होती, और जिनको संडास अच्छे से नहीं होती उनको दुनिया के सब रोग आते हैं। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि ये जो कोष्ठबद्धता है, मलबद्धता, ये सबसे खराब बीमारी है दुनिया की। जो एक आ जाए शरीर में तो सैकड़ों बीमारियों को ये बुला लेती है। इसको मजाक में लेकिन गंभीरता से कहा जाता है कि ये मदर डिसीज है, माने सभी बीमारियों की आई है ये कोष्ठबद्धता। अगर ये आ गई तो सब बीमारियां आपको आने वाली हैं, डायबिटीज भी आएगा आपको, ये गुड़गे भी दुखेंगे आपको, गैस भी बनेगी आपको, गैस्ट्राइटिस भी होगा, अल्सर भी होगा, पेप्टिक अल्सर भी होगा, हार्ट अटैक भी आएगा आपको, अनिद्रा की समस्या भी आएगी आपको। तो एक छोटी सी बीमारी आपके शरीर में आए तो सैकड़ों बीमारियां आए। इसलिए कल मैंने कहा था कि सबसे गंभीर बात आयुर्वेद चिकित्सा की वो ये कि ठंडा पानी कभी ना पिए। पानी हमेशा इतना गर्म पिए जितना आपका शरीर बर्दाश्त करता है। हम अपने शरीर को अगर नाप के देखें तापमान के रूप में, तो शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो आयुर्वेद की व्यवस्था ये है, नियम ये है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड जितना गर्म आपका शरीर है, कम से कम इतना गर्म पानी तो जरूर पिए। लेकिन गर्मियों के दिन में जो आजकल चल रहा है, मिट्टी के घड़े का पानी आप पी सकते हैं, माटले का पानी पी सकते हैं, क्योंकि मिट्टी के घड़े में रखा हुआ पानी ठंडा नहीं माना जाता। जो सामान्य तापमान होता है लगभग उससे 1 या 2 डिग्री ही कम होता है, लेकिन रेफ्रिजरेटर का जो पानी है और बर्फ का जो पानी है, इसका तापमान तो बहुत कम होता है। रेफ्रिजरेटर में पानी रखा है तो उसका तापमान 4 डिग्री 5 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, जो शरीर से बहुत ही कम है। इसलिए फ्रिज का पानी, बर्फ डाला हुआ पानी बिल्कुल निषिद्ध है आयुर्वेद में। पानी को सिप करके पीने की बात मैंने आपसे कही थी, उसका कारण भी मैंने कल समझाया था, फिर से बता देता हूं कि मुंह में हमेशा लार बनती है और ये 24 तास बनती है, ये कभी भी बंद नहीं होती, कभी ज्यादा या कभी कम हो सकती है। जब आप सो जाते हैं रात को तो ये मुंह की लार बनना थोड़ी कम हो जाती है, बंद कभी भी नहीं होती। अब ये मुंह में जो लार बनती है ये सतत पेट में अंदर जाए तो आपके लिए बहुत उपयोगी है। कारण क्या है, ये जो लार है ये क्षारीय होती है और पेट में अम्ल बनता है, तो अम्ल और क्षार दोनों मिल जाए तो ये न्यूट्रल हो जाता है। विज्ञान की भाषा में कहते हैं कि अम्ल और क्षार मिलता है तो लवण बन जाता है। तो आपके मुंह की लार सतत पेट में जाए, अम्ल के साथ मिले, तो आपका पेट जो है सामान्य हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, ना वो क्षारीय रहे ना अम्लीय बने। इस दृष्टि से इस लार का पेट में जाना बहुत आवश्यक है। आपने कई बार ये देखा होगा कि दुनिया में बहुत सारे जानवर हैं जिनको कभी चोट लग जाए, उनको कभी तकलीफ हो जाए तो वो चाट चाट के अपने को ठीक कर लेते हैं। चाटने में क्या है, जीभ पर बनने वाली लार है, उसमें सभी तरह के औषधीय तत्व हैं, मनुष्य में भी और जानवरों में। तो इसमें इतनी ज्यादा औषधीय है लार में कि ये सबसे ज्यादा कीमती मानी जाती है शरीर के लिए। इसलिए इसका एक कण भी खराब ना हो, इस दृष्टि से ये बार बार अंदर जाए
इसके लिए पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा करके पीना, घूट घूट भर के पीना, ताकि ये पर्याप्त मात्रा में अंदर जाए। तो ये एक नियम था। और बाकी के दो नियम थे कि खाने के बाद कभी भी आप पानी ना पिए, पानी हमेशा एक डेढ़ घंटे के बाद पिए, क्योंकि खाना खाते ही आपके शरीर में पोट में अग्नि प्रदीप्त होती है जो भोजन का पाचन करती है। ये अग्नि का पानी से दुश्मनी है। अगर आपने भोजन किया, तुरंत अग्नि प्रदीप्त हुई और पीछे से गटगट गटगट पानी पी लिया तो अग्नि शांत हो जाएगी। अग्नि शांत होगी तो भोजन का पाचन नहीं होगा, और भोजन का पाचन नहीं होगा तो वो सड़ेगा, और सड़ा हुआ भोजन सैकड़ों रोग पैदा करेगा। मैंने कल आपको इसका एक सरल उदाहरण दिया था कि स्वयं पाक घर में अगर अग्नि ना हो तो कोई भी भोजन नहीं बना सकते। आपके पास चावल है बहुत अच्छे क्वालिटी का, दूध भी है बहुत अच्छा, लेकिन अग्नि नहीं है तो खीर नहीं बनाएंगे आप, बन ही नहीं सकते। चावल है, पानी भी है, अग्नि नहीं है तो भात नहीं बनेगा। दाल है और पानी है और सब तरह के अच्छे मसाले हैं, लेकिन अग्नि नहीं है तो दाल नहीं पकेगी। ऐसे ही पेट के अंदर अगर अग्नि नहीं है तो कुछ भी नहीं पचेगा। कितना भी अच्छा भोजन करिए, अगर अग्नि तत्व नहीं है तो भोजन कभी नहीं पचेगा। तो अच्छा भोजन करना महत्वपूर्ण नहीं है, अच्छे भोजन को पचाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये अग्नि तत्व बराबर आपके शरीर में काम करता रहे, इस दृष्टि से भोजन के तत्काल बाद पानी नहीं पीना ही अच्छा होता है, ताकि अग्नि अपना काम करे। एक से डेढ़ घंटे के बाद आप चाहें उतना पानी पी सकते हैं। ये छोटे छोटे चार सूत्र मैंने आपको कल बताए। अब इन चार सूत्रों के बारे में आपके मन में कुछ शंकाएं हो सकती हैं, कुछ प्रश्न हो सकते हैं, तो वो अभी आप 5-7 मिनट में, 10 मिनट में पूछ लीजिए, तो आगे के 10 सूत्र मैं आज और बताने वाला हूं। कल के जो चार सूत्र जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने दोहराए हैं, इनके बारे में आपके मन में कोई भी शंका हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप जरूर पूछ लीजिए, ताकि आपकी शंका का समाधान हो जाए और बात आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप चाहें तो मराठी में प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं मराठी बहुत अच्छे से समझता हूं। पूछे जी, बहुत अच्छा प्रश्न। ये प्रश्न का मैं इंतजार कर रहा था, कोई पूछे तो मैं बताऊं। उनका प्रश्न ये है कि भोजन के पहले पानी पीना क्या? जरूर पीजिए, उसका समय एक तय है। आपको अगर भोजन करना है 10 बजे मान लीजिए, तो 9:20 पर आप भरपेट पानी पी सकते हैं। भोजन करने के 40 मिनट पहले आप भरपेट पानी पी सकते हैं। आप देख लीजिए आपके भोजन का समय क्या है, 10 बजे है तो 9:20 पर, 11 बजे है तो 10:20 पर, 12 बजे भोजन करना है तो 11:20 पर। भोजन से 40 मिनट पहले 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, जितना पीने की आपकी कैपेसिटी है उतना पानी पी सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, आप पूछिए। खाना खाते समय जी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भाई का, कि खाना खाते समय बीच बीच में पी सकते हैं क्या? आपको एक जो दो जानकारी इस बारे में मैं दे दूं। अगर आपके शरीर में कोई बहुत गंभीर बीमारी है, जैसे मैं नाम से बताता हूं, एक बीमारी आती है जिसको मूड़ व्याध कहते हैं, इसी का एक छोटा सा स्वरूप है जिसको बवासीर भी कहते हैं, और सबसे खतरनाक स्वरूप में ये बीमारी आती है तो भगंदर हो जाता है। तो बवासीर, मूड़ व्याध और भगंदर, ये तीनों बीमारी किसी के भी हैं तो उसको भोजन के बीच बीच में पानी पीने की अनुमति है। ध्यान से सुनिएगा, जिसको बवासीर, मूड़ व्याध, भगंदर, ये तीनों बीमारियां में से कोई भी एक या दो या तीनों एक साथ हैं, आयुर्वेद में ऐसे व्यक्ति को भोजन के बीच बीच में पानी पीने की सलाह दी है। अब आप देख लीजिए कि अगर इनमें से तीनों में से कोई बीमारी है तो आप बीच बीच में पानी जरूर पी सकते हैं, लेकिन अगर ये तीनों बीमारियां नहीं है तो गलती से भी बीच में पानी मत पीजिए, नहीं तो ये तीनों बीमारियां आएंगी। आप जानते हैं ये मूड़ व्याध, बवासीर और भगंदर, ये तीनों शुरू होते हैं कोष्ठबद्धता से, मलबद्धता से। बहुत दिन अगर आपको पेट साफ नहीं होगा तो यही बीमारियां शुरू होगी, बवासीर, मूड़ व्याध और भगंदर।
ज्यादा दिन जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, मलबद्धता कोष्ठबद्धता रहती है, उन्हीं को ये तीनों बीमारी आती है। और मलबद्धता होने का सबसे बड़ा कारण है पानी पीना भोजन के बाद। इसलिए अगर आपको है बवासीर मूर्धा भगंदर तो जरूर पी लीजिए, लेकिन नहीं है तो मत पीजिए। एक और विकल्प है, लेकिन वो कभी कभी रोज के लिए नहीं। वो क्या विकल्प है? अगर आप भोजन में एक से ज्यादा अन्न खा रहे हैं, एक से ज्यादा अन्न खा रहे हैं मतलब ज्वारी की भाकरी भी खा रहे हैं और भात भी खा रहे हैं, दो अलग अलग अन्न है। आप गेहूं की रोटी भी खा रहे हैं और भात भी खा रहे हैं, तो गेहूं और भात माने चावल दो अलग अलग अन्न हैं। तो आयुर्वेद ने यह कहा है कि कहीं विशेष परिस्थिति में एक से ज्यादा अन्न खाने वाले लोगों को बीच में पानी पीना चलता है। लेकिन कब? एक अन्न की समाप्ति आपने की और दूसरा शुरू करने वाले हैं, दोनों के जंक्शन पॉइंट पे, मतलब जवारी की भाकरी तो खा ली, अब आप भात खाना शुरू कर रहे हैं, तो भाकरी खाने के तुरंत बाद और भात खाने से पहले एक घूंट पानी पी सकते हैं। गेहूं की रोटी खा ली, अब भात खाने की तैयारी कर रहे हैं, तो गेहूं की रोटी खाने के बाद और भात खाने से पहले एक घूंट पानी पी सकते हैं। लेकिन ज्यादा पीने की इच्छा हो तो ऐसा हो सकता है, तो आयुर्वेद ने उसके लिए बात ये कही है कि आप घर में जो दाल बनाते हैं, दाल उसमें जास्ती पानी डालिए और दाल का पानी पीते हैं। आपको सादा पानी पीने से निषिद्ध किया है आयुर्वेद ने, लेकिन दाल के ऊपर का पानी आप चाहे उतना पी सकते हैं। तो आप भोजन करने के लिए बैठे हैं और आपको आदत है कि हम तो बिना पानी के तो खा ही नहीं सकते, तो आप पानी दाल का लेके बैठे, मूंग की दाल बनाइए, पानी जास्ती डालिए, दाल अलग रखिए, पानी गिलास में निकाल के उसको खाने के साथ पीते रहिए। तो आप बोलेंगे इसमें कोई तकलीफ नहीं, इसमें तकलीफ नहीं है, क्योंकि कल मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि पानी जिस चीज में मिला दिया उसी का गुण धारण करता है। दाल का पानी में दाल का गुण है, पानी का नहीं। इसलिए दाल का पानी आप चाहे तो एक गिलास दो गिलास भी पी सकते हैं, लेकिन सादा पानी पीने के लिए आयुर्वेद ने मना किया है। दाल का पानी तेजी से पिया तेजी से तो बिल्कुल नहीं पीना, तेजी से कभी भी कोई द्रव नहीं पीना, पानी ही नहीं। मैंने आपको एक नियम बताया कल आयुर्वेद के भागवत जी का लिखा हुआ सूत्र कि पानी घुट घुट भर के पीना, ये नियम आप सभी द्रव पदार्थों पर लागू कर दीजिए। दूध पीना हो तो भी घुट घुट करके पीना, रस पीना है तो भी घुट घुट भर के पीना, ताक पीनी है तो भी घुट घुट भर के पीना, माने जिस वस्तु में पानी मिला हुआ है वो सभी को घुट घुट भर के पीना। दाल का पानी भी पीना है तो भी घुट घुट भर के पीना, सिर्फ भर के ही पीना, वही आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। दाल का पानी बूढ़े लोगों को बराबर नहीं होता है? कुछ दाल का पानी, जैसे उड़द की दाल का पानी अगर बूढ़े लोग पिएंगे तो उनको बहुत तकलीफ करेगा, लेकिन वही बूढ़े लोग मूंग की दाल का पानी पिएंगे तो बहुत उनके लिए फायदेकारक होगा। इसी तरह हाँ, मूंग की दाल का, तुअर दाल का, तुअर की दाल का नहीं, मूंग की दाल का पानी सबसे अच्छा है बूढ़े लोगों के लिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे अच्छा दाल का पानी है वो मसूर की दाल का पानी। तो बूढ़े लोगों के लिए जिनकी उम्र 70 वर्ष के ऊपर हो गई है, वो कितनी भी ऊपर हो, उनको अगर पानी ज्यादा पीने की जरूरत पड़े तो मूंग की दाल नंबर एक और मसूर की दाल नंबर दो। तुअर की दाल जितना कम खाएं उतना अच्छा है, उड़द की तो कभी भी ना खाएं वही अच्छा है। जूस अगर ठंडा पिया जाए? बिल्कुल नहीं, ठंडा जूस कभी भी काम नहीं आएगा। हाँ, एक विकल्प है कि आपको दूध अगर पीना हो तो ठंडा पी सकते हैं, लेकिन कब? उसकी व्यवस्था यह है कि जिनको अल्सर की बीमारी है, अल्सर आप समझते हैं पेट में घाव होना, खासकर आहार नली में अन्न नली में घाव का होना, उसको अंग्रेजी में अल्सर कहते हैं। ये अल्सर की बीमारी जिनको है उनको आयुर्वेद ने नियम बनाया है कि वो ठंडा दूध पी सकते हैं, अल्सर है तो, और अगर नहीं है
तो कुछ भी ठंडी चीज पीने की अनुमति नहीं। साधारण तापमान पे गर्म की हुई चीजें ही शरीर के लिए उपयोगी होती है। अल्सर को छाछ नहीं चलती? अल्सर को छाछ कभी कभी एक परिस्थिति में नहीं चलती, जब अल्सर पेप्टिक अल्सर में बदल जाए तो छाछ उसके लिए जहर जैसी हो जाती है, बिल्कुल जहर हो जाती है। एक डॉक्टर ने अल्सर के लिए छाछ बताया था। हाँ, लेकिन वो छाछ कैसी ट्रीटमेंट की हुई, ट्रीटमेंट समझते हैं? मैं इसका हिंदी करके या मराठी, माने उस पर कोई उपचार करके छाछ पीना, उपचार किया हुआ। जैसे उपचार कैसा, उसमें जीरा डाला गया हो, काला नमक डाला गया हो, सेंधा नमक डाला गया हो, ये उपचार करना हुआ। इसी तरह से छाछ को गर्म किया गया हो, ये उपचार करना हुआ। या थोड़ी देर के लिए उस छाछ को किसी चांदी के पात्र में रखा गया हो, ये उपचार करना हुआ। तो उपचार करके, एक तो होती है सीधे सीधे छाछ, सीधे सीधे माने दही में पानी मिलाया और आपने वो चलाया और उसमें से मक्खन निकाला, ये जो छाछ है ये सीधी छाछ है। इसके बाद इस पर उपचार करना, तो इसमें सेंधा नमक मिला दिया, काला नमक मिला दिया, जीरा डाल दिया, बघार कर दिया, चांदी के पात्र में थोड़ी देर रख दिया, इस तरह का उपचार करके ली गई छाछ। ये मैं आपको कल नहीं परसों बताने वाला हूं। बीमारी के हिसाब से क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आज का विषय छोड़िए, इसको परसों मैं बताने वाला हूं। अभी तो आप वो सवाल पूछिए जो विषय कल से हमने शुरू किया है और आज मैंने आपके सामने फिर से रखा है। पानी के बारे में चार सूत्र जो कल मैंने बताए हैं, इनके बारे में पूछ लीजिए, जल्दी से पूछ लीजिए, ताकि आगे 10 सूत्र मुझे आज बताने हैं आपको। सुबह जरूर पी सकते हैं, लेकिन आपके शरीर में कोई तकलीफ है तो ये नियम नींबू डालकर पानी पीने का उनके लिए है जिनको कफ की वृद्धि बहुत हो गई। कफ की वृद्धि हो गई मतलब वजन बहुत बढ़ गया, ये वजन बढ़ना कफ की वृद्धि का निशानी है। मेद बढ़ गया, वजन बढ़ गया, मोटापा हो गया, अब आपको तकलीफ बहुत है, तो आयुर्वेद में एक सूत्र है, श्लोक है कि नींबू डालकर पानी पीना। अगर आपका वजन समान है, सम्यक है, जितना होना चाहिए उतना ही है, तो नींबू डालकर पानी पीने की आपको उतनी आवश्यकता नहीं है, सादा पानी ही आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति है कि वजन बहुत बढ़ गया है तो जरूर नींबू डालकर पानी पीना। जी, इंसान का वजन कम से कम कितना होना चाहिए? हाँ, ये प्रश्न कल पूछे तो अच्छा है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि कल के चार सूत्र जो मैंने बताए हैं ये आपके दिमाग में बैठ जाए, इस दृष्टि से उससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे। कल इस प्रश्न का अपने आप ही उत्तर आने वाला है मेरे व्याख्यान। जी, बहुत अच्छा प्रश्न, मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा था कोई ये पूछे। इन्होंने पूछा है, मैंने कल बताया कि सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए, अब प्रश्न उन्होंने पूछ लिया कि उठते ही पहले मुंह साफ करना चाहिए तब पानी पिए या बिना मुंह साफ करके पानी पिए। मैंने आपको कल उसका नियम ये बताया था कि ये लार है ना, सतत बनती है, रात को हम सो जाते हैं तब भी ये लार बनती है, रात भर हम सोए हुए हैं ये लार अंदर नहीं जाती, इधर उधर जमा हो जाती। अब सुबह उठे, आपने मुंह साफ किया, तो रात्रि में जो लार बनी है वो मुंह का पानी जब आप फूकेंगे तो जाने वाली है, तो ये सबसे कीमती चीज है जो आप मुंह के साथ फूकने वाले हैं। इसलिए आयुर्वेद ये कहता है कि सुबह उठते ही बिना मुंह साफ किए पानी पीना चाहिए, बिना मुंह साफ किए पानी पीना चाहिए। अब आप इसमें थोड़ा सा मन में आएगा, अरे ये तो बड़ा मुश्किल है, तो इसके लिए एक दूसरा सूत्र उसमें है कि रात को सोने के पहले मुंह साफ करके सो जाइए। रात को जब भोजन आपने कर लिया और सब कुछ आपका हो गया, अब आपको कुछ खाना पीना नहीं है, तो मुंह साफ करिए, दांत साफ करिए, दातुन करिए, मंजन करिए और सो जाइए, ताकि सुबह उठते ही पानी पीने में मानसिक रूप से आपको कोई त्रास ना हो। जी, पानी पीने का समय क्या होना चाहिए? हाँ, आदर्श समय तो ये है 4:30 बजे के आसपास, आदर्श सुबह 4:30 बजे से लेकर 45 मिनट का समय है, आयुर्वेद ने उसको बिल्कुल निश्चित रूप से लिखा है। भागवत ऋषि ने एक श्लोक में बहुत स्पष्ट लिखा है
कि सुबह का उषा पान माने सुबह का पानी 4:30 बजे से 5:15 बजे के बीच में पीना सबसे अच्छा होता है। क्यों? कारण भी है उसका, मैंने आपको कल कहा था, फिर आज दोहरा रहा हूं ताकि ध्यान में रहे। सुबह जब होती है, सूर्य निकलने से पहले का समय, इस समय शरीर में वायु का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। दोपहर जब होती है, सूर्य बहुत तेज तपता है, उस समय शरीर में पित्त का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। और शाम को जब सूर्य समाप्त हो जाता है, रात हो जाती है, तो कफ का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। हम शरीर में 3 तरह की व्याधियों को मानते हैं आयुर्वेद में, वात जिसको वायु भी कहते हैं, पित्त और कफ। तो सुबह सुबह का समय वायु का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। और भागवत ऋषि बोलते हैं कि शरीर में जो होता है वो बाहर है वही होता है। आपने एक सूत्र सुना है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, और इसका उल्टा भी है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो ब्रह्मांड में होगा वही पिंड में होगा। तो सुबह का जो समय है उषा काल, सूर्य निकलने के पहले का, उस समय वातावरण में सबसे ज्यादा वायु का प्रवाह रहता है। आप कभी भी ये महसूस कर सकते हैं, सुबह के समय वायु सबसे ज्यादा रहती है वातावरण में। इसलिए बोला जाता है ना, सुबह उठकर टहलना, सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक जाना, सुबह उठकर लोगों को ये आने जाने के बारे में। तो सुबह वायु का प्रकोप सबसे ज्यादा है, तो शरीर में भी वायु का प्रकोप सबसे ज्यादा है। अब वायु का प्रकोप सबसे ज्यादा है तो वायु को शांत करने की ताकत दुनिया में किस चीज में सबसे आसान है? तो कल मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि बहुत तेज आंधी चलती हो, धूल उड़ती हो और अचानक से बारिश हो जाए तो क्या होगा? सब कुछ शांत हो जाए, है ना? माने पानी की ताकत है वायु को शांत करने की। तो आयुर्वेद में भागवत ऋषि ने कहा कि सुबह चूंकि वायु का प्रकोप सबसे ज्यादा है और वो समय है 4:30 बजे से 5:15 बजे का, तो इस समय अगर आप पानी पी लेंगे तो शरीर की वायु शांत रहेगी। और वायु अगर शांत रहेगी तो वायु से उत्पन्न होने वाले लगभग 48 रोग आपकी जिंदगी में कभी भी नहीं आएंगे। वो आप जो पानी के बारे में बोल रहे हैं ना, तो प्राणायाम करना पड़ता है, तो प्राणायाम के हिसाब से पानी पीना मना है उनको। हाँ, अभी आपका कोई एक संप्रदाय होगा जिसमें सुबह उठते ही प्रणाम करने की बात है, तो प्राणायाम करना, प्राणायाम के 20 मिनट पहले आप पानी जरूर पी सकते हैं, 20 मिनट पहले। आपका प्राणायाम का जो समय निश्चित है 5:30 बजे मान लीजिए, इसके 20 मिनट पहले आप पानी पी सकते हैं। और मेरा तो ये कहना है कि आप प्राणायाम करिए, लेकिन नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद। तो नित्य कर्म से निवृत्त होने में ही आपको 25-30 मिनट लगने वाले हैं, शौच जाएंगे, संडास जाएंगे, फिर दांत साफ करेंगे, तो इसके सबसे पहले पानी पीने की बात आ रही है। तो प्राणायाम तो नित्य कर्म के बाद ही होने वाला है, तो ऐसे तो सामान्य रूप से 30-40 मिनट उसमें जाने ही वाले हैं। इसलिए मन में ये दुविधा मत रखिए, आप तो उठते ही पी लीजिए पहले पानी। याद नहीं आती है तो रात को अपनी चारपाई के नीचे पानी भर के रखिए, उठते ही ध्यान आ जाएगा तो पी लीजिए। पीने का तरीका मत भूलिएगा, एक एक सिप करके आनंद लेते हुए मुंह में उसको घुमाते हुए पीना। सुबह का पानी तो मुंह में घुमा के ही पीजिए, एक बार भरा ऐसे ऐसे फिर पीना, ताकि ये जहां भी लार छुपी हुई है वो उसमें घुलकर अंदर आए। पानी पीके जी ना सोए तो अच्छा है, नींद आ रही है तो कोशिश करें कि थोड़ी देर में ही उठें। अगर आपको ऐसा लगता है कि पानी पीने के बाद भी नींद आ रही है तो इसका मतलब है नींद पूरी नहीं हुई है, तो उठने में थोड़ा आधा घंटा विलंब कर दीजिए, देर से ही उठिए। ये मत करिए कि पानी पी के फिर सो जाए, क्योंकि पानी पिया है वायु का प्रकोप उस समय कम हो जाएगा, तो नींद आपको अच्छी आने वाली है ही नहीं। पानी पीते ही कभी भी अच्छी नींद आएगी नहीं जब तक कि वो पानी पचेगा नहीं, क्योंकि नींद आने के लिए वायु का प्रकोप बढ़े ये जरूरी है। और अगर आपने पानी पी लिया है तो नींद अच्छी आएगी नहीं, आधी आएगी, आधी नहीं आएगी। तो अच्छा है कि पहले पूरी नींद करके फिर उठिए फिर पानी पीजिए। पानी कितना होना? हाँ, मैंने कल कहा था फिर बता रहा हूँ, 1.25 लीटर होना सुबह का पानी।
एक लीटर और 250 मिलीलीटर। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या पहले ही दिन से 1.25 लीटर हम पी सकते हैं? शायद नहीं पी सकते, तो पहले दिन एक गिलास होना, एक गिलास भी नहीं पी सकते तो आधा गिलास होना, आधे गिलास 4-5 दिन पी के फिर एक गिलास करना, फिर 4-5 दिन के बाद डेढ़ गिलास करना, फिर आप हफ्ते के बाद 2 गिलास, ऐसे बढ़ाते जाना और बढ़ाते बढ़ाते उसको 1.25 लीटर तक ले आना, तो उस समय बिल्कुल परफेक्ट हो। दिन में कितना हो? दिन में 24 तास में अगर आपको पानी पीना है तो एक तो न्यूनतम है और एक अधिकतम है। अधिकतम सीमा माने मैक्सिमम कितना पानी पी सकते हैं, उसका सूत्र है आपका वजन जितना है उसमें 10 का भाग दीजिए, जो अंक आता है उतने लीटर पानी अधिकतम एक दिन में आप पी सकते हैं, अधिकतम मैक्सिमम। और मिनिमम जो पानी पीने की क्वांटिटी है वो क्या है, आप एक दिन में जितना भोजन करते हैं, एक दिन में जितना भोजन करते हैं उसमें 10 का गुणा कर दीजिए, उतना मिनिमम पानी पीजिए। जैसे मान लीजिए 350 ग्राम भोजन आपका है एक दिन में, तो 10 का गुणा कर लीजिए, 3.5 लीटर पानी एक दिन में कम से कम होना चाहिए। अधिक से अधिक कितना होना चाहिए, आपका वजन 60 किलो है इसमें 10 का भाग दे दीजिए तो 6 आ गया, तो अधिक से अधिक 6 लीटर, कम से कम 3.5 लीटर, ये बीच की रेंज है आपकी। जैसे वायु तत्वों को शांत करते हैं जी, क्या बोला आपने, तांबे के लोटे में पानी, हाँ तांबे के लोटे में रखा हुआ पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, ये तांबे के लोटे में रखा हुआ पानी पीने का नियम उनके लिए है जिनको बहुत तकलीफ है शरीर में ऐसी, जिसके कारण अंदर के शरीर में ताम्र की मात्रा कम हो गई है, उनके लिए है। माने हमको ऐसी कोई बीमारी हो गई जिस बीमारी में तांबे की मात्रा, शरीर में तांबा होता है, शरीर में सोना भी होता है, शरीर में चांदी भी है, शरीर में लोहा भी है, ऐसे 18 तत्व हमारे शरीर, और ये सब मिट्टी से आए हैं, मिट्टी से जो कुछ भी अन्न पैदा होता है उसमें ये सब होते हैं, हम उसे खाते हैं तो हमारे शरीर में आते हैं, तो शरीर में तांबे की मात्रा जब कम हो जाती है तो कई बीमारियां आती हैं। उनमें से एक बीमारी बताओ जो आजकल बहुत आती है, सिर के बाल जल्दी गिरना। ये जितने बाल झड़ने वाले मरीज हैं जिनको ये शिकायत है कि हमारे बाल बहुत टूट रहे हैं, समझ लीजिए शरीर में ताम्र तत्व की कमी हो गई है, माने तांबे की कमी हो गई है, तो ऐसे लोगों को तांबे के लोटे में रखकर पानी पीना बहुत अच्छा होगा, बाल बहुत मजबूत हो जाएंगे। इसी तरह से आंखों की रोशनी कम हो गई है, उसमें भी ताम्र तत्व कम हो जाता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि तांबे में रखा हुआ लोटे का पानी आप पियो। ऐसे कुछ मरीज हैं जिनके बारे में मैं कल और परसों दोनों दिन में बताने वाला हूं कि किनको ये पीना है, लेकिन आज प्रश्न आ गया इसलिए इशारे में कहता हूं कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो सादा पानी ही आपके लिए सबसे अच्छा है, और अगर है तो कल आप ध्यान रखिएगा मैं बीमारियों की एक सूची पढ़कर बताने वाला हूं, उसमें आप कहां फिट होते हैं उसके हिसाब से आप तांबे के लोटे का पानी पी सकते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, तांबे के लोटे का पानी लगातार नहीं पी सकते, बीच बीच में उसको रोकना पड़ता है, 3 महीने लगातार पी लिया, अब 1 महीने छोड़ दीजिए, फिर 1 महीने छोड़कर फिर 3 महीने पी लीजिए, फिर 1 महीने छोड़ दीजिए, फिर 3 महीने पी लीजिए, फिर एक ऐसे करके चलेंगे तभी उसके परिणाम अच्छे आएंगे, नहीं तो एक दूसरी कोई बीमारी लग गई तो आप फिर उसके लिए परेशान होंगे। चार सूत्र जो कल और आज बात हुई है, इनमें कोई प्रश्न, कोई शंका, कोई हो गया स्पष्ट है? अच्छा, ये प्रश्न अगर आप नहीं कर रहे हैं और शंका सब आपकी समाधान हो गई। अभी जो बताया कि वायु का प्रकोप जैसे शांत करते हैं वैसा वातो कितने के लिए, वो कल बताऊंगा, परसों भी बताऊंगा, अभी तो पानी की बात चल रही है इसलिए मैंने थोड़े संदर्भ में कहा, पित्त को कैसे शांत करना, कफ को कैसे शांत करना, वात पित्त को कैसे शांत करना, वात कफ को, ये सब बताने वाला, जलन को कैसे शांत करना वो बताऊंगा, कल बताऊंगा या परसों बताऊंगा। नहीं पी सकते 40 मिनट बाद, ब्रश करना हो तो एक कम से कम 20 मिनट बाद,
जब कूदा करते तो पानी मोमेंट से बाहर आ जाता है। हाँ, आपने सुबह पानी पिया और पानी पीने के 20 मिनट बाद आप चाहे तो कुल्ला दातुन कर सकते हैं, 40 मिनट बाद कुछ भी खा पी सकते हैं। जी बाहर आता है वोमिट होता है पानी, आता है तो आने दो ना, वोमिट कर दो। अगर ऐसा लग रहा है आपको, होगा वो कब, जब आपने शरीर की क्षमता से ज्यादा पानी पी लिया। मैंने 1.25 लीटर बताया, अगर 1.5 लीटर पी लिया तो बाहर आएगा, तो उसी स्थिति में उसको निकल जाने दो, रोकना नहीं है। अगर आपको वॉमिटिंग के साथ पानी बाहर आ रहा है पीने के बाद, तो कर दो वॉमिटिंग, निकल जाने दो, उसको उसको रोकने की जरूरत नहीं। एक दो दिन ऐसा होगा, तीसरे दिन से ठीक हो जाएगा। आगे चलें। हाँ, नाश्ता करते जी, तो पानी नहीं पीने का, नाश्ता करने के 1 से 1.5 घंटे बाद पीने का, जैसे खाने का नियम वही नाश्ते का नियम, वही रात्रि के भोजन का नियम। भोजन करना हो या नाश्ता करना हो उसके 1.5 घंटे बाद ही पानी पीना है, लेकिन पहले पीना हो तो 40 मिनट पहले पी सकते हैं, चाहे जितना पेट भर के। जी नारियल का पानी भी वही नियम है, भोजन के तुरंत बाद नारियल का पानी पी सकते हैं, क्योंकि उसमें नारियल का गुण है, पानी का नहीं है। नारियल का पानी माने रस, रस की श्रेणी में आता है, जैसे गन्ने का रस, उसका रस भोजन के तुरंत बाद पी सकते हैं, नारियल का पानी भोजन के तुरंत बाद पी सकते हैं, ताक भोजन के तुरंत बाद पी सकते हैं, आम का रस भोजन के तुरंत बाद पी सकते हैं, संतरे का रस, द्राक्ष का रस, कोई भी रस भोजन के तुरंत बाद पी सकते हैं, पानी नहीं पी सकते। और कल मैंने बताया था कि रस में भी पानी है तो भी रस पी सकते हैं, पानी नहीं पी सकते। रस में पानी है, मैंने बताया था कि उसमें पानी का गुण नहीं है, उसमें वो फल का गुण है जिसका वो रस बना है। जैसे नारियल के पानी में पानी का कोई भी गुण नहीं मिलेगा, वो जो भी गुण मिलेगा वो नारियल का है। आम के रस में पानी मिलाया है लेकिन उसमें पानी का कोई भी गुण नहीं मिलता, आम का गुण जितना है वो पानी में मिलेगा जो आम के रस में है। द्राक्ष का रस है, इसमें पानी का कोई गुण नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा वो द्राक्ष का गुण उसमें मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़े। सोडा धीरे धीरे पीना चाहिए या जल्दी से? भैया सोडा तो पीना ही नहीं चाहिए, सोडा पीना तो बहुत ही खराब है। माने जहर पीना चाहते हैं आप? सोडा माने कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाया हुआ पानी, कार्बन डाइऑक्साइड माने जहर, ये शरीर से बाहर निकालने की क्रिया रात दिन शरीर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की। आप पानी में मिला के उसको पिए तो मूर्ख से भी महामूर्ख हैं आप। कुछ गैस की प्रॉब्लम हुई है? गैस की प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करिए, ये नहीं है कि गैस की प्रॉब्लम के लिए और गैस पी लीजिए। आग लगी है और आग लगाएंगे वहां या आपको शांत करेंगे, क्या करेंगे बताइए? ये घर में आग लग गई और आग लगाएंगे या इसको शांत करेंगे? शांत करेंगे तो और गैस क्यों पी रहे हैं? अगर गैस की प्रॉब्लम है उनको तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। तो फिर कैसे ठीक होगी ये गैस की प्रॉब्लम, ये मैं कल और परसों बताने वाला हूं, आप चिंता मत करिए, ये विषय आने ही वाला है। एक एक बीमारी से बात करके मैं आपको बताने वाला हूं कि गैस है तो कैसे ठीक करना चाहिए। अभी तो 4 सूत्र बात हुई थी, उस पर कोई प्रश्न हो, शंका हो, जरूर पूछ लीजिए ताकि आप ये कल से करें। जी जरूर पी सकते हैं, जरूर पीजिए। मैं तो आपको ये भी कहूंगा कि पूरे 12 महीने कोमट पानी पीजिए। अगर आपने थोड़ी भी सहन करने की क्षमता है तो पूरे 12 महीने, क्या जनवरी, क्या फरवरी, क्या मार्च और क्या जून, सभी दिन कोमट पानी पीजिए। तो मैं आपको स्टाम्प पेपर पर लिख के देता हूं कि जिंदगी में 103 रोग कभी नहीं आएंगे आपको। 103 माने 103 रोगों से जिंदगी भर आप बचे रहेंगे, जिंदगी भर अगर कोमट पानी पीने का नियम डालें तो। और ये बहुत अच्छा लगता है, थोड़े दिन में आदत पड़ जाए तो बहुत अच्छा लगता है। है सूट होगा, कोमट पानी सबको सूट होता है, हमारे जीभ को टेस्ट खराब लग गया है वो अलग बात है, कोमट पानी सबसे ज्यादा सूट होता है शरीर को। मैं परसों आपको एक केमिकल एनालिसिस बताने वाला हूं, जब हम ठंडा पानी पीते हैं उसको शरीर में पाचन होने के लिए
कम से कम 4 घंटे 40 मिनट लगते हैं, और गोमट पानी को शरीर में डाइजेस्ट होने के लिए मात्र 1 घंटा 40 मिनट लगते हैं। माने गोमट पानी 1 घंटे 40 मिनट में शरीर को जहां जो उपयोग करना है कर देगा, और ठंडा पानी वही काम करने में उसका 4 गुना समय ज्यादा लेता है। तो कोमट पानी अगर जिंदगी भर पिए तो बहुत ही अच्छा है, और जिनको वात की तकलीफ है उनके लिए तो कोमट पानी औषधि है, दवा है। जिनको भी वात की तकलीफ है, गुर्दे दुखते हैं, कमर दुखती है, कंधा दुखता है, थोड़ा भी काम करो तो सांस भरती है। जिनको भी वायु का प्रकोप है शरीर में, उनको तो हमेशा ही कोमट पानी पीना सबसे अच्छी दवा है, सबसे अच्छी औषधि। ठीक है, कल की बात समाप्त जी, आगे चले। आप कुछ पूछ रहे हैं पीछे भाई? हो गया, अभी आगे बढ़ो। हो गया ना? हो गया। आप अभी परसों बात करूंगा ना इस पर। चलिए, ये सवाल रहेगा जी, आगे बढ़ो। आगे बढ़ूंगे, अभी आगे के 10 सूत्र और बताता हूं। कल 4 हुए, आगे 10 सूत्र बताता हूं। 5वां सूत्र है जो आयुर्वेद चिकित्सा का बहुत आधार है, मूल आधार है, और अष्टांग हृदय में सबसे ज्यादा इस पर जोर है, वो ये कि आप जो भोजन, अभी तक पानी की बात हो रही थी, अब भोजन की बात शुरू हो रही है, कि जैसे पानी पीने के नियम है ऐसे ही भोजन करने के भी नियम है। उनमें से एक नियम तो कल मैंने बताया था, क्योंकि वो पानी के संदर्भ में आया था, हड़ू हड़ू या छाव काट गया, ये सबसे बड़ा नियम है आयुर्वेद में। भागवत ऋषि ने, चरक ऋषि ने, आत्रेय ऋषि ने, काश्यप ऋषि ने, भाव प्रकाश ऋषि ने, निघंटु ऋषि ने, ये सब नाम है ऋषियों के, बहुत ताकत से इस बात पर जोर दिया है, सावकाश गया, हड़ू हड़ू गया, धीरे धीरे खाना खाओ, कुछ भी खाओ धीरे धीरे खाओ, जल्दी मत करो खाने में, कभी भी जल्दी मत करो खाने में। और कई ऋषियों ने तो ऐसा लिखा है कि अगर जल्दी है तो कुछ मत खाओ, बिना खाए रह जाओ। आपको ऐसा लग रहा है कि साहब मुझे तो ट्रेन पकड़नी है और टाइम हो गया है और वो छूटने वाली है, तो ट्रेन तो आप छोड़ नहीं सकते, तो खाना छोड़ो। तो आप बोलेंगे फिर क्या भूखे रहे? भूखे मत रहिए, ट्रेन पकड़ने के लिए खाना मत खाइए, खाने को पैकेट बंद करके ट्रेन में ले जाइए, वहां बैठ के खाइए, आराम से खाइए। कहने का मतलब यह है, और इसको दूसरी भाषा में अगर मैं आज के लिए कहूं, खाना खाते समय शरीर में थोड़ा भी ब्लड प्रेशर बढ़ना नहीं चाहिए खाना खाते समय। खाना खाने के बाद बढ़ जाए तो बात अलग है, खाना खाने के लिए बैठ रहे हैं और मन में बहुत अशांति है, धड़पड़ चल रही है, स्ट्रेस बहुत है, तो ब्लड प्रेशर निश्चित रूप से बढ़ा हुआ होता है, उस समय खाना नहीं खाना, खाना शांत होके ही खाना। इसके लिए सूत्र बताया कि भोजन आ गया, अब मन को शांत करिए, शरीर को शांत करिए, इसके लिए भोजन मंत्र की व्यवस्था की गई है, इसके लिए ईश्वर का ध्यान करने की व्यवस्था की गई है। आपके सामने भोजन रखा है, अपने इष्ट देव को थोड़ी देर 2-3 मिनट ध्यान करेंगे, मन अपने आप शांत हो जाएगा, शरीर भी शांत हो जाएगा, फिर खाइए। इसलिए खाना खाते समय कभी भी तनाव ना रहे मन में और शरीर में, ये ध्यान रखिए, और खाते समय तनाव नहीं होगा तो उस खाने का पाचन सबसे अच्छे तरीके से होगा, और शरीर को जितना चाहिए शरीर उसमें से पूरी पोषकता ले लेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। ये 5वां सूत्र है, खाना खाना है धीरे धीरे चबा चबा के खाना है, और कितना चबाना है ये कल मैंने बता दिया था, सिर्फ याद दिला रहा हूं, अपने अपने दांत गिन लीजिए, किसी को 32 है तो 32 बार चबाना है, किसी को 30 है तो 30 बार चबाना, किसी को 28 है तो 28 बार चबाना, धीरे धीरे चबा चबा के खाना है। और आप शुरू में 4-5 दिन तो गिन गिन कर चबाइए, 4-5 दिन के बाद खुद अपने आप आदत पड़ जाएगी शरीर को, वो बिना गिने भी उतना ही चबाएगा। इसलिए खाना खाते समय किसी भी तरह का तनाव, किसी भी तरह की धड़पड़, किसी भी तरह की जल्दबाजी कभी भी मत करो। जो लोग धीमे खाना खाते हैं
उनका आरोग्य और उनकी उम्र दोनों ही लंबी होती है। ये पांचवा सूत्र है। अभी छठा सूत्र। छठा सूत्र है वो ये कि खाना खा रहे हैं तो हमेशा बैठकर खाना, खड़े होकर कभी भी खाने का नियम मनुष्यों के लिए नहीं है, जानवरों के लिए है, मनुष्यों के लिए नहीं है। क्यों है जानवरों के लिए और क्यों नहीं है मनुष्यों के लिए? जानवर चार पायों पर चलते हैं, उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, गुरुत्व केंद्र शरीर का, वो मनुष्य से भिन्न है, क्योंकि मनुष्य दो पायों पर चलता है। तो मनुष्य का जो गुरुत्व केंद्र है और पशुओं का जो गुरुत्व केंद्र है, दोनों अलग हैं। वो चार पाए हैं, हम दो पाए। तो खड़े होकर खाने के लिए पशुओं को अनुमति है, मनुष्य को नहीं है। मनुष्य को बैठकर ही खाना चाहिए, अर्थात बफे सिस्टम, बफेलो सिस्टम है। बफेलो माने मशी, मशी खाती है खड़े होकर, मनुष्य को नहीं है। तो आप बोलेंगे हम कहीं शादी में गए हैं, अब व्यवस्था वहां ऐसी है कि खड़े होकर ही खाना पड़ता है, तो क्या करें? तो भी आपको मेरी विनती है कि आप जहां भी शादी में गए हैं, लग्न प्रसंग में गए हैं या किसी भी प्रसंग में गए हैं और वहां बुफे सिस्टम का खाना है, तो आप अपनी प्लेट में खाना ले लीजिए और कहीं बैठकर खाइए, बैठकर खाइए। खड़े होकर खाना बहुत ही तकलीफ का काम। अब वो क्या तकलीफ है वो आपको मैं बता देता हूं। अभी आप बैठे हैं, अभी थोड़ी देर में आप खड़े हो जाएंगे, आपको अंतर महसूस होता है शरीर में बैठे होने में और खड़े होने में? महसूस होता है ना? क्या ज्यादा अच्छा लगता है? बैठना ना। बैठते समय शरीर का गुरुत्व केंद्र बदल जाता है। फिजिक्स की भाषा में अगर मैं कहूं, भौतिक शास्त्र की भाषा में, बैठते ही शरीर का गुरुत्व केंद्र बदल जाता है और खड़े होते ही फिर से गुरुत्व केंद्र बदल जाता है। अब इसका कारण क्या होता है? जब आप खड़े होकर खाना खाते हैं तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो आपके ऊपर सबसे अधिक होता है जब आप खड़े होते हैं। तो जैसे ही आपने खाया तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सभी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचने का होता है। तो आप खाना खाएंगे तो नियम तो ये है कि ये धीरे धीरे ऐसे नीचे उतरना चाहिए, लेकिन खड़े होकर खाएंगे तो ये पूरा जल्दी से उतर जाए। अब ये जो जल्दी से उतरा हुआ खाना है, इसमें लार की मात्रा जो आहार नली में मिलनी चाहिए वो कम हो जाती है, और गुरुत्व केंद्र बदल जाने के कारण ये जल्दी से नीचे आता है तो इसके पाचन में फिर संकट पैदा हो जाता है, लार की कमी होने के कारण। तो खड़े होकर जो खाना खाया उसको पाचन होने में बैठकर खाना खाने से बहुत ज्यादा समय लगता है, और समय ज्यादा लगता है, शरीर के अंगों को भी तकलीफ ज्यादा होती है पाचन करने। इसलिए आयुर्वेद ने बहुत सख्ती से नियम बनाया है कि जो मनुष्य जाति के लोग हैं उनको बैठकर ही भोजन करना सबसे अच्छा है। अब बैठना भी कैसा? आप तो कहेंगे जी मैं तो कुर्सी पर बैठ कर खाता हूं, माने डाइनिंग टेबल भी तो बैठना ही हुआ। डाइनिंग टेबल बैठना नहीं है, बैठना ये है जब आप अभी बैठे हैं, ये बैठना है। आपने जो आसन इस समय लगाया हुआ है इसको सुख आसन कहते हैं। सुख आसन में बैठना ही बैठना होता है, कुर्सी पर बैठने का खाना खाने का नियम नहीं है। ये कुर्सी पर बैठकर खाना खाने का नियम यूरोप में है, भारत में नहीं। यूरोप और भारत में क्या अंतर है? यूरोप और भारत में सबसे बड़ा अंतर है कि यूरोप में ठंडी बहुत है, आप जानते हैं, और इतनी ठंडी है कि एक बरस में 8 महीने सूर्य का प्रकाश नहीं निकलता, 8 महीने। और ठंडी इतनी होती है कि तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ऋणात्मक, बर्फ पे बर्फ जमी रहती है। तो जहां ठंडी बहुत होती है उन लोगों के शरीर में स्नोवियल फ्लूइड कम बनता है। स्नोवियल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है, एक द्रव होता है, ये जो जॉइंट्स है ना आपके सभी, इन जॉइंट्स में रहता है, हड्डियों के बीच में आपस में जो टक्कर होती है इसको बचाने के लिए, घर्षण बचाने के लिए। जैसे गाड़ी में मोबिल ऑयल डालते हैं ना, तो शरीर का मोबिल ऑयल है जिसको स्नोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो जो ठंड वाले देश के लोग हैं उनको ये कम होता है स्नोवियल फ्लूइड, तो वो जल्दी बैठ उठ नहीं सकते,
इसलिए उनको नियम है कि वो खड़े होके भी खाएं या कुर्सी पे बैठ के खाएं, क्योंकि ये घुटना उनका मुड़ नहीं सकता, स्टिफ होता है, बहुत कड़क होता है, इसलिए वो मेज कुर्सी पे बैठ के खाते हैं, डाइनिंग टेबल पे खाते हैं। भारतवासियों के लिए ये नहीं है मेज कुर्सी पे खाना, हमको तो जमीन में बैठकर ही खाना सबसे अच्छा है। तो आयुर्वेद ने इसका सूत्र बनाया कि जमीन पर बैठकर भोजन करें, ये बहुत आवश्यक है निरोगी होने के लिए। अब आप बोलेंगे जी डाइनिंग टेबल का क्या करें, बेच दो, खरीदा है तो बिक भी सकता है ना। तो आप कहेंगे जी पैसा उतना नहीं मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन शरीर तो अच्छा रहेगा। और मेरी एक सुझाव है कि डाइनिंग टेबल की लकड़ी निकाल के उससे वो पट्टे बना दो जिसपे थाली रख के खाना खाते पार्टी, वो डाइनिंग टेबल की लकड़ी से बहुत अच्छा बनेगा, माने सदुपयोग हो जाएगा ना, नहीं तो बेच दो उसको, ये किसी काम की चीज नहीं है डाइनिंग टेबल। और एक दूसरे हिसाब से भी मैं सोचता हूं कि डाइनिंग टेबल बिल्कुल बेकार है। कैसे बेकार है, ये रखा रहता है ज्यादा देर, तो उपयोग तो मुश्किल से दिन में एक कला की होता है, एक घंटे ही होता है, कभी कभी तो एक घंटे भी नहीं होता, लेकिन एक घंटे के लिए कितना खर्चा है जरा हिसाब लगाइए। 40 गांव में एक स्क्वायर फीट जमीन की क्या कीमत है, यहां पे जहां हम बैठे एक स्क्वायर फीट जमीन की कितनी कीमत है, 500 रुपए, ठीक है, तो 10 स्क्वायर फीट की कितनी होगी, 5000 हो गई, तो 5000 रुपए कीमत कितने दिन के लिए आपने खर्च कर रखी है जहां डाइनिंग टेबल रखी, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, फालतू में इतना वेस्ट कर रहे हैं पैसा, 5000 का 40 में गुणा कर लीजिए, लाखों रुपए की इनकम निकलती है जो आपने फालतू में घेर के रखी है वो जगह, जिसकी कीमत 500 रुपए स्क्वायर फीट है। आपके घर में डाइनिंग टेबल कितने स्क्वायर फीट का जगह घेर रही है, बेकार है कि नहीं? और बड़ा विचित्र मुझे लगता है कि लोग क्या करते हैं, घर बनाते हैं, अच्छा अच्छा स्पेस देखकर घर बनाते हैं, फिर घर का स्पेस भरने के लिए डाइनिंग टेबल ले आते, घर बनाते हैं स्पेस देने के लिए, फिर इसको घर देने के लिए डाइनिंग टेबल ले आते हैं, सोफा सेट ले आते हैं, खाली जगह नहीं रहनी चाहिए, उसको कबाड़ और कचरे से भर के रखते हैं। हमसे अच्छे वो गांव के शेतकरी हैं जिनकी अकल बहुत है, वो पता है डाइनिंग टेबल नहीं बनाते कभी, और वो फर्नीचर भी बनाते हैं तो कैसा फर्नीचर बनाते हैं, जिसको 5 मिनट में इधर से इधर रिमूव कर सके, हटा सके, चारपाई बनाते हैं, चाहे तो बिछा लिया, चाहे तो उठा के रख दिया, उठा के रख दिया तो कितना बड़ा स्पेस मिल गया, और बिछा लिया तो उसका उपयोग हो गया। कितने होशियार अकल वाले लोग हैं, और ये इतने होशियार इसलिए है कि वो कभी पढ़ने नहीं जाते, जो पढ़े तो दिमाग खराब। हम सब पढ़े लिखे लोग अपने घर में कूड़ा कचरा कबाड़ भर भर के, सोफा यहां लगा दिया, डाइनिंग टेबल यहां लगा दिया, निकलने को जगह नहीं है, और उसको पकड़ पकड़ के रखे हुए हैं, कुछ दाम नहीं है उसका, कुछ दम नहीं है उसमें, क्योंकि ये सब बेजान चीज है। इसलिए मेरी तो आपको विनंती है, डाइनिंग टेबल हटाइए तो थोड़ी जगह तो खाली मिले घर में, तो इसको सच में निकाल दीजिए, अगर बेचना है तो बेच दीजिए, और खरीदने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत खरीदिए। तो आप अब ये कहेंगे कि जी हमको तो बैठना ही नहीं होता, गुर्दे में इतना दर्द होता है इसलिए डाइनिंग टेबल पे बैठते, ये गारंटी मैं आपको देता हूं कि कल के बाद आपके गुर्दे का दर्द मैं ठीक कर दूंगा। जमीन पर ही बैठ के खाइए, आपके गुर्दे 15 दिन में इतने अच्छे हो जाएंगे कि बहुत आसानी से आप बैठ पाएंगे, डाइनिंग टेबल की तब भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो खाना खाने का नियम, हड़ू हड़ू गया, सावकाश गया, थोड़ा थोड़ा खाइए, चबा चबा के खाइए। दूसरा नियम, हमेशा बैठकर खाना खाइए, खड़े होकर मत खाइए। अब आगे का तीसरा नियम खाना खाने का, ये बहुत ही महत्व का है और इसको बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। खाना खाते समय कभी भी दो विरुद्ध वस्तुएं एक साथ मत खाइए। खाना खाते समय कभी भी दो विरुद्ध वस्तुएं एक साथ मत खाइए। उदाहरण के लिए दही और दूध कभी भी एक साथ मत खाइए। आपको दही से बनाई हुई कोई भी वस्तु खानी है तो दूध की कोई वस्तु साथ में मत खाइए। जैसे आपको कड़ी खानी है तो बासुंदी मत खाइए। बासुंदी खानी है
तो कड़ी मत खाइए, दूध पीना है तो ताक मत पीजिए, ताक पीनी है तो दूध मत पीजिए। दूध और दही एक दूसरे के विपरीत है। इसी तरह से मद और तूप ये कभी भी साथ में मत खाइए। मद खाना है तो तूप मत खाइए, तूप खाना है तो मद मत खाइए। इसी तरह से उड़द की दाल और दही ये बहुत ही खतरनाक है, ये कॉम्बिनेशन। उड़द की दाल के साथ कभी दही मत खाइए, दही के साथ उड़द की दाल मत खाइए। इसी तरह से कांदा और दूध कभी भी साथ में मत खाइए, नहीं तो जिंदगी में इतनी खराब बीमारी आएगी कि आप परेशान हो। पापड़ और दूध कभी भी एक साथ मत खाइए, नहीं तो बहुत ही खराब तकलीफ आने वाली है आपको। आयुर्वेद में अष्टांग हृदय शास्त्र में सबसे महान व्यक्ति जिनका नाम था भागवत, उन्होंने पूरी लिस्ट बनाई है विरुद्ध वस्तुएं क्या क्या हैं। वो लिस्ट तो विस्तार से मैं परसों आपको बताऊंगा, लेकिन आज चूंकि ये सूत्र के रूप में बात हो रही है वो ये कि विरुद्ध वस्तुएं भोजन में कभी भी एक साथ मत खाइए, उनका ध्यान रखिए। और अगर आपने इतना ध्यान रख लिया तो जिंदगी में आपको कभी भी ऐसे रोग नहीं आएंगे जो लाइलाज है। आजकल एक रोग आया है जिसको ल्यूकोडर्मा कहते हैं। ल्यूकोडर्मा आप समझते हैं, पांड्रे दाग, शरीर पर पांड्रे दाग हो जाते हैं। ये उन्हीं को होते हैं जो सतत विरुद्ध वस्तुएं खाते हैं। पांड्रे दाग सबसे ज्यादा उन्हीं को होते हैं जो सतत विरोधी वस्तुएं खाते हैं। कांदा खाएंगे उसके पीछे दूध पी लेंगे, दूध पी लिया है तो कांदा खा लेंगे। उनको मालूम नहीं है ये बीमारी एक बार घुस गई तो सालों साल निकलती नहीं है, और एलोपैथी में तो इसका इलाज ही नहीं। और कई बार विरुद्ध वस्तुएं साथ में खाएंगे, जैसे पापड़। पापड़ में अगर उड़द की दाल है और आपने उसके साथ खा लिया है दही या दूध, तो तैयारी रखिए कभी भी हार्ट अटैक आए, कभी भी आए बिना बताए आए। इसलिए आयुर्वेद ने बहुत सख्ती से नियम बनाया है कि हमें दो विरुद्ध वस्तुएं कभी भी एक साथ नहीं खानी चाहिए। आइसक्रीम खाना है चाय मत पीजिए, चाय पीनी है आइसक्रीम मत खाइए, कॉफी पीनी है तो आइसक्रीम मत खाइए, आइसक्रीम खाई है तो कॉफी मत पीजिए, गरम गरम भोजन किया है तो कभी भी आइसक्रीम मत खाइए, आइसक्रीम खानी है तो गरम भोजन मत करिए। ऐसी पूरी एक सूची है। इसको हमेशा मेरा सभी माताओं बहनों से विनंती है कि ये सूची मैं परसों आपको विस्तार से बताऊंगा, आप कागज पेन जरूर लेके आना, लिख लेना, और इसको स्वयं पाक घर में टांग देना, कैलेंडर जहां है ना वहां पे ये रहना चाहिए। क्योंकि स्वयं पाक घर में कई बार ऐसी चीजें हम करते हैं जो बहुत ही खराब है, और उसकी वजह से हम खुद इतने पीड़ित हो जाते हैं जिसमें लाखों रुपए हमारी जिंदगी के चले जाते हैं। वो एक छोटी सी गलती, छोटी सी भूल जिंदगी भर के लिए भारी पड़ जाती है। इसलिए आयुर्वेद में बहुत सख्ती से ये नियम है, दो विरुद्ध वस्तुओं को कभी भी एक साथ नहीं खाना। फिर आगे का सूत्र, आपने खाना खाया है उसके तीन नियम मैं अभी तक बता चुका हूं। पहला नियम कि धीरे धीरे खाना, जल्दी जल्दी कभी नहीं खाना। दूसरा नियम मैंने आपको बता दिया कि खाना हमेशा बैठकर खाना। तीसरा नियम मैंने बता दिया कि विरुद्ध वस्तु साथ नहीं खाना। अभी चौथा नियम जो बताने जा रहा हूं वो भी बहुत महत्व का है। दोपहर को अगर आपने खाना खाया है, दोपहर को, तो 20 मिनट की विश्रांति लेना बहुत आवश्यक है भोजन के तुरंत बाद। दोपहर का भोजन करने के तुरंत बाद 20 मिनट की विश्रांति लेना बहुत आवश्यक है, और रात्रि का भोजन करने के बाद कम से कम 2 तास तक विश्रांति नहीं लेना आवश्यक है। दोनों एक दूसरे के विपरीत बातें हैं। दोपहर का भोजन किया तो आपको तुरंत विश्रांति लेनी ही चाहिए, कोई काम करना नहीं, भोजन करते ही विश्रांति। और रात्रि भोजन किया है तो 2 तास तक विश्रांति कभी भी नहीं लेना। अब कारण क्या है, कारण मैं बता दूं, मैंने आपको कहा है फिर वो दोहराता हूं, याद हो जाएगी बात। दोपहर को शरीर में पित्त का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है, और पित्त एक ऐसी अवस्था है जिसमें विश्रांति अगर ना हो तो और भड़कती है।
अगर आपको पित्त है तो शांति से बैठ जाइए तो पित्त भी शांत हो जाएगा, और अगर आपने काम वाम करना शुरू कर दिया तो पित्त इतना भड़केगा कि पूरे शरीर में आग लगेगी। इसलिए दोपहर को आप सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को, सबको मेरी विनती है कि विश्रांति जरूर लीजिए दोपहर का भोजन करने के बाद, कम से कम 20 मिनट। कैसे लेना है ये भी बताएं। दोपहर को विश्रांति जो लेनी है वो आपकी ये जो लेफ्ट साइड है ना, मराठी में ढाबा बाजू कहते हैं, ढाबा, ये जो ढाबा बाजू है आपका लेफ्ट साइड, ये साइड में विश्रांति लेना इस तरह से। इसको एक बहुत सुंदर शब्द के रूप में कहा गया, वाम कुक्षी। वाम कुक्षी माने, वाम माने लेफ्ट, लेफ्ट साइड में लेट के सोना 20 मिनट। आप बोलेंगे जी झोप आ गई तो ले लेना, अगर झोप आ गई तो ले लेना, क्या फायदा है उसका वो मैं बताता हूं। रात्रि को 6 तास की झोप और दोपहर को वाम कुक्षी में 40 मिनट से 1 घंटे की झोप, दोनों बराबर। दोपहर को वाम कुक्षी के समय अगर 1 तास की नींद आई है उसका उतना ही लाभ है शरीर को जितना रात्रि की 6 तास की झोप का होता है। इसलिए आप सभी को मेरी विनती है, सब काम छोड़कर भोजन के तुरंत बाद विश्रांति ले लीजिए। कोई भी काम इतना जरूरी नहीं है आपकी जिंदगी में जितना जरूरी आपका शरीर। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये कह सकते हैं कि जी हम तो सर्विस में हैं, बैंक में काम करते हैं, बीमा कंपनी में काम करते हैं, रेलवे में काम करते हैं, या स्कूल में पढ़ाते हैं, अध्यापक हैं, हम कैसे विश्रांति लेंगे दोपहर को भोजन के बाद। तो आपकी तो समस्या है, लेकिन मैं आपको एक सच्ची जानकारी और आपको मजा आए ऐसी जानकारी देना चाहता हूँ। एक छोटा सा देश है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, ऐसे एक छोटा सा देश है उसका नाम है ब्राजील, एक देश है उसका नाम है मैक्सिको। ऐसे दुनिया में 23 देश हैं जहां की सरकारों ने दोपहर के भोजन के बाद 20 मिनट की विश्रांति का कानून बना दिया है। कानून बना दिया, कानून, लॉ। उनके देश में कोई भी कंपनी में दोपहर के भोजन के बाद 20 मिनट की विश्रांति अगर नहीं होगी तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन सरकार कैंसिल कर देती है। भारत में कब होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप अपने घर में ये कानून बना लीजिए कि दोपहर को खाना खाया है आपको थोड़ी तो फुर्सत निकालनी ही है 20 मिनट विश्रांति के लिए, और वो वाम साइड माने लेफ्ट साइड में लेट कर आपको लेनी है। क्योंकि मैंने आपसे कहा है दोपहर को पित्त बहुत तीव्र होता है, पित्त की तीव्रता में भोजन ठीक से नहीं पचता, इसलिए पित्त भी शांत रहे तभी भोजन अच्छे से पचेगा, तो विश्रांति बहुत आवश्यक। लेकिन रात को भोजन के बाद 2 तास तक सोना नहीं, क्योंकि रात को कफ की अधिकता बहुत होती है और कफ की अधिकता में सोना तकलीफ देता है। इसलिए रात को भोजन के बाद 2 तास काम करिए, टहलिए, घूमिए, कुछ काम करिए, भजन करिए, कीर्तन करिए, अभ्यास करिए, स्वाध्याय करिए, 2 तास के बाद ही सोइए। रात्रि को 8 बजे आपका जीवन हुआ तो 10 बजे सो सकते हैं, 7 बजे हुआ तो 9 बजे सो सकते हैं, 6 बजे हुआ तो 8 बजे सो सकते हैं, 2 तास के पहले कभी नहीं सोना रात को, दिन में भोजन करते ही विश्रांति ले लेना। अब इसमें एक छोटी सी बात मैं जोड़ देता हूं, अगर आपकी ऐसी कोई मजबूरी है जैसे आप ऑफिस में काम करते हैं 20 मिनट विश्रांति का कोई समय नहीं है, तो आयुर्वेद में आज के हिसाब से एक छोटी सी व्यवस्था बनाई है। ये चरक ऋषि के समय नहीं थी, बागवत के समय भी नहीं थी, ये आज के आधुनिक आयुर्वेद के चिकित्सकों ने थोड़े रिसर्च करके बताया हुए कि अगर आप वज्रासन में बैठ सकें थोड़ी देर तो वो भी काफी, दोपहर के भोजन के बाद तुरंत थोड़ी देर वज्रासन में बैठ जाए। अब वो थोड़ी देर 3 मिनट से लेके 20 मिनट तक कुछ भी हो सके। वज्रासन आप सब समझते, पीछे पांव करके, हाँ। तो दोपहर को भोजन के बाद अगर आपको विश्रांति लेने की कोई स्पेस नहीं है माने सुविधा नहीं है, आप कहीं ऐसी जगह फंसे हुए हैं तो वज्रासन में बैठ जाए, ट्रेन में चलते चलते भी आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, इतना तो है सीट पर 3 फिट चौड़ा और 6 फिट लंबा, तो वज्रासन जरूर कर लीजिए 3 मिनट से लेकर 20 मिनट तक, 3 मिनट कम से कम, 20 मिनट अधिक से। अभी आगे का सूत्र है
वो बहुत महत्व का है और आज से ही आप इसका पालन करें। विश्रांति जब भी लेनी हो, दोपहर को या रात को, तो आपका जो सिर है ये हमेशा पूर्व की दिशा में रहे तो सबसे अच्छा। पूर्व की दिशा माने सूर्य की दिशा, माने सोते समय सिर हमेशा पूर्व में रखिए। माने आपके घर में जो बेड है, जो बिस्तर है, उसका सिर हमेशा पूर्व की दिशा में रखिए। और अगर नहीं रख सकते तो दूसरी और आखिरी दिशा है वो दक्षिण की है। उत्तर और पश्चिम में कभी भी सिर करके मत सोना, नहीं तो बहुत जल्दी मृत्यु आएगी। उत्तर की दिशा मृत्यु की दिशा है, क्यों है वो भी जानिए। वैज्ञानिक कारण है इसका, यह अंधविश्वास नहीं है, संपूर्ण विज्ञान है। वो क्या है आप जानते हैं? अपनी पृथ्वी है, इसका अपना एक गुरुत्व आकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम कहते हैं। और पृथ्वी के दो सिरे हैं, एक उत्तर है और एक दक्षिण है। हमारा शरीर है ना, इसके भी दो सिरे हैं, ये उत्तर है ये दक्षिण है। शरीर में, शरीर का जो ये सिर है ना, ये उत्तर माना जाता है और पांव है ये दक्षिण माने जाते हैं। पृथ्वी का उत्तर है और दक्षिण है। पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण में सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अब मान लीजिए ये पृथ्वी का उत्तर है, कल्पना करिए, और इसी तरफ आपने अपना सिर कर दिया, तो उत्तर सिर का और उत्तर पृथ्वी का, उत्तर उत्तर मिलेंगे तो क्या होगा? रिपल्शन। ये फिजिक्स की बात है छोटी सी, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। रिपल्शन माने धक्का देना। तो पृथ्वी का उत्तर, हमारे सिर का उत्तर, दोनों एक ही दिशा में है, तो पृथ्वी का उत्तर का बल हमारे शरीर को धक्का मारेगा, सिर को धक्का मारेगा। तो इस पर दबाव पड़ेगा सिर पर, और सिर पर दबाव पड़ेगा तो पूरा शरीर आपका डिस्टर्ब होगा। कैसे डिस्टर्बेंस आएगा? ब्लड प्रेशर आपका कम ज्यादा होना शुरू हो जाएगा उत्तर की दिशा में सिर करके सोने। अब ब्लड प्रेशर कम ज्यादा हुआ तो आयुष्य आपका कम होने ही वाला है, तो मृत्यु जल्दी आएगी। आपने महसूस किया है और यह देखा भी होगा, हमारे घरों में किसी की जब मृत्यु हो जाती है तो तुरंत उसका सिर उत्तर में कर देते हैं। कर देते हैं कि नहीं? मृत्यु होने के एक मिनट पहले तक वो व्यक्ति का सिर पूर्व में हो सकता है, दक्षिण में, लेकिन जैसे ही मर गया तुरंत सिर बदलते हैं, पहले उसको तुरंत उत्तर में कर देते हैं। तो ये जिन्होंने ये नियम बनाया वो बहुत वैज्ञानिक लोग थे। इस नियम को आयुर्वेद ने बहुत गहराई से स्वीकार किया। तो सोने का समय कभी भी तय करें तो सिर की दिशा बहुत स्पष्ट से ध्यान रखिए कि पूर्व में ही सिर रखिए। पूर्व में क्यों? पूर्व एक ऐसी दिशा है जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम होता है। पूर्व की दिशा में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण सबसे कम है, उत्तर की दिशा में और दक्षिण की दिशा में सबसे ज्यादा है। इसलिए पूर्व की दिशा सोने के लिए सबसे निरापद मानी जाती है। इस बात का प्रयोग मैंने मेरे शरीर पर 6 साल किया। ये बात बताने से पहले 6 साल मैंने मेरे ऊपर परीक्षण किया। मैंने लगातार 6 साल में उत्तर में सिर करके सोना शुरू किया और पश्चिम में भी करके सोना शुरू किया। दोनों ही दिशाओं में जब मैं सोया, सोने के तुरंत बाद मैंने मेरा ब्लड प्रेशर मापा, तो सोने के पहले और सोने के उठने के बाद दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। हर बार मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ मिला। सामान्य रूप से मेरा ब्लड प्रेशर सामान्य है, लेकिन उत्तर में जब भी मैं सोया ब्लड प्रेशर बढ़ा, नींद अच्छी नहीं आई, स्वप्न बहुत खराब खराब आए। और फिर मैंने थोड़े दिन पूर्व में सोना शुरू किया और उसके बाद मैंने देखा कि सब कुछ सामान्य होता चला गया, ब्लड प्रेशर भी सामान्य, स्वप्न भी नहीं आते और नींद बहुत अच्छी आती। फिर मैंने आयुर्वेद के कई चिकित्सकों से इस पर बातें की और उन्होंने कहा कि ये एक्सपीरियंस वो सभी लोग कर चुके हैं, इसलिए आप हमेशा सोते समय पूर्व में सिर करें तो सबसे अच्छा। और कोई मजबूरी हो जाए, कोई बहुत तकलीफ की स्थिति हो तो दक्षिण में कर सकते हैं। उत्तर और पश्चिम बिल्कुल क्रॉस है। आज रात को ही अपने अपने घर का बेड की पोजीशन बदल लीजिए।
जीवन भर निरोगी रहने के लिए निद्रा बहुत आवश्यक है। जैसे अच्छा भोजन बहुत जरूरी है, वैसे अच्छी झोप बहुत आवश्यक है। अच्छी झोप के लिए सबसे जरूरी नियम है पूर्व में सिर करके सोना। आगे का नियम यह है, वो ये कि आप जब भोजन कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कोई भी वस्तु आपके शरीर में अंदर जा रही है तो हमेशा बैठकर ही करिए। पानी पीना है तो भी बैठिए, खाना खाना है तो भी बैठिए, कुछ भी पीना खाना है तो बैठिए, खड़े खड़े कुछ मत करिए। ये खड़े खड़े खाना, खड़े खड़े पीना, ये सब तकलीफ के आने वाले बहुत खराब लक्षण है। इतनी तकलीफ आएगी कि तकलीफ में ही आप चले जाएंगे। तो आयुर्वेद ने इस पर बहुत सख्ती से कहा है कि खड़े होके खाना, खड़े होके पीना, कुछ भी दूध हो, ताक हो, रस हो, भोजन हो, नाश्ता हो, कुछ भी ना खड़े होके खाना है ना खड़े होके पीना। कारण मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब इसके आगे का नियम, इसके आगे का नियम है कि आप जब खा रहे हैं, कुछ भी खाना खा रहे हैं, तो एक खाना खाया माने सुबह का नाश्ता या दोपहर का भोजन, तो दूसरा खाना, एक खाने से दूसरे खाने के बीच में न्यूनतम समय 4 घंटे जरूरी है। न्यूनतम समय 4 घंटे जरूरी है, मतलब इसका सीधा सा ये है कि 4 घंटे के पहले कुछ मत खाना। अभी 12 बजे खाना खाया तो कम से कम दूसरा कुछ भी खाए वो 4 बजे के पहले नहीं होना चाहिए। अधिक से अधिक कितना होना चाहिए? अधिक से अधिक का नियम है वो 6 घंटे का है। दोपहर का भोजन और शाम के भोजन में अधिक से अधिक अंतर 6 घंटे, कम से कम अंतर 4 घंटे। सवेरे का नाश्ता और दोपहर का भोजन कम से कम अंतर 4 घंटे, अधिक से अधिक अंतर 6 घंटे। इसको जिंदगी भर मेंटेन करिए आप, हमेशा इसको बना के रखिए अंतर को। फिर आप कहेंगे अगर 6 घंटे से ज्यादा अंतर हो जाए किसी कारण से, मान लीजिए कोई कारण ऐसा है जिसमें आपको सुबह का भोजन तो 10 बज गया और शाम का भोजन रात को 8 बजे के पहले नहीं मिलने वाला, अब क्या करें? तो आप ध्यान ये रखिए कि जैसे ही 6 घंटे आपके पूरे हो रहे हैं, सुबह का भोजन 10 बजे खाया, 6 घंटे पूरे हो जाएंगे 4 बजे, तो 4 बजे से लगातार थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पानी पीते रहिए, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। हर आधा घंटे 40 मिनट में एक आधा गिलास पानी पी लिया, फिर अगले आधा घंटे 40 मिनट में फिर पानी पी लिया, नहीं तो जूस पी लीजिए, नहीं तो कुछ फल खा लीजिए, कुछ नहीं मिलता तो शेंगा खा लीजिए, नहीं तो हरभरा खा लीजिए, फुटाने खा लीजिए, गुड़ खा लीजिए, कुछ ना कुछ खा लीजिए। क्यों? कारण उसका वही है कि आपके शरीर में हमेशा एसिड बनता है पेट में, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। अगर पेट में कुछ है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको पचाने में उपयोग होता है, और अगर पेट में कुछ नहीं है तो वो एसिड ही आपके पेट को खाना शुरू कर देता है। और एसिड जब पेट को खाना शुरू करेगा तो उसी में से बीमारी निकलती है, अल्सर, पेप्टिक अल्सर, माने ज्यादा देर भूखा रहना अच्छा नहीं है। अगर भूखा रहना है तो उसका फिर नियम है, जैसे उपवास करना है तो उपवास का नियम है, 1 दिन का उपवास करना है उसका अलग नियम है, 2 दिन का करना है अलग नियम है, 8 दिन का करना है अलग नियम है, 15 दिन का करना है बिल्कुल अलग नियम है, 1 महीने का उपवास करना है उसके अलग नियम है, सभी उपवासों के अलग अलग नियम है, और इसका पूरा अलग से एक अध्याय ही है उपवास के लिए। लेकिन सामान्य नियम जो मैं बताना चाहता हूं वो ये कि किसी भी कारण से आपको उपवास करना पड़े तो हर आधे घंटे 40 मिनट में पानी जरूर पीते रहिए, ताकि आपके शरीर को कोई भयंकर बीमारी ना लग जाए। हर आधा घंटे 40 मिनट में आधा गिलास पानी, 1 कप पानी, 150 मिलीलीटर या 100 मिलीलीटर तक पानी पीते रहिए। उपवास अगर आपका ऐसा है जिसमें आप कुछ नहीं ले सकते तो पानी जरूर लेते रहिए। और उस समय जो आपने पूछा था कि नींबू मिलाया हुआ पानी लें तो थोड़ा बेहतर है,
और उसमें थोड़ा मध मिला दें तो और भी बेहतर है। लेकिन आप में से कई लोग जैन धर्म का पालन करते हैं, जैन धर्म में मध का निषेध है, तो उस पानी में थोड़ा गुड़ मिला के लेते हैं, पानी पीते हैं। उपवास अगर आपको कितना भी करना है, एक दिन का करना है या एक महीने का, बीच बीच में पानी पीते हैं। खाली मत रखिए पेट को, और पानी नहीं है तो पानी जैसा कुछ पीते रहिए, जैसे रस पीते रहिए, फल खाते रहिए। सभी फलों में 80% तक पानी ही होता है, केले को छोड़कर। केला एक फल है जिसमें पानी सबसे कम है, बाकी फलों में 80% तक और कुछ फलों में तो 90% तक पानी होता है, जैसे द्राक्ष। तो फल खाते रहिए, बीच बीच में थोड़ा पानी पीते रहिए, उपवास की स्थिति में वो जरूर करिए। और सामान्य रूप से एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच में अधिक से अधिक 6 घंटे का अंतर, कम से कम 4 घंटे का अंतर रखिए। अब इसके आगे का, इसके आगे का नियम और भी महत्व का है। आप सुबह का खाना खाते हैं तो उसका समय निश्चित कर दीजिए, और शाम का खाते हैं उसका भी समय निश्चित कर दीजिए। तो आप बोलेंगे क्या समय निश्चित करें? सुबह का खाना खाने का सबसे अच्छा समय है 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच का, सुबह का सबसे अच्छा समय 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच का जो समय है, ये लंच का, सुबह के दोपहर के भोजन का सबसे अच्छा समय है। और शाम का 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में। तो सुबह का खाना 9 से 11 के बीच में और शाम का 5 से 7 के बीच में। अगर ये नियम आपने जिंदगी भर रख लिया तो मैं आपको आयुर्वेद की तरफ से गारंटी देता हूं कि जिंदगी में कम से कम आपको 70 से 75 रोग कभी नहीं आएंगे। सुबह 9 से 11 जो खाना खा रहे हैं और शाम को 5 से 7 जो खाना खा रहे हैं, किसी को डायबिटीज होने के चांस नहीं। सुबह जो 9 से 11 खाना खा रहे हैं, शाम को 5 से 7 खा रहे हैं, किसी को गुड़ के दुखने की तकलीफ नहीं है, जब तक कि वो कोई बड़ी मूर्खता ना करे। सुबह 9 से 11 के बीच खाना खा रहे हैं, शाम 5 से 7 खा रहे हैं, कभी अस्थमा, दमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस होने की समस्या नहीं। सुबह 9 से 11, शाम 5 से 7 अनिद्रा की कोई समस्या होने की संभावना नहीं। आपको ये जो आधा सिर का दर्द होता है, माइग्रेन जिसको कहते हैं, कभी भी होने के चांस में। तो ऐसे 70 से 75 रोग हैं जो जिंदगी में अपने आप ही नहीं आएंगे अगर सुबह 9 से 11 और शाम 5 से 7 खाना खाएंगे। आप बोलेंगे ये समय का चक्कर क्या है? ये समय का चक्कर सीधा सा ये है कि सुबह को 9 बजे से 11 बजे के बीच में हमारे पेट का वो हिस्सा जहां भोजन का पाचन होता है वो सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, एक्टिव होता है सुबह 9 से 11, और शाम 5 से 7 के बीच में भी वही हिस्सा सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। आयुर्वेद का एक अध्याय है कि शरीर का कौन सा अंग किस समय सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, इसका पूरा वर्णन है विस्तार से। आपको मालूम है रात को 2:30 बजे से 4 बजे के बीच में आपका हृदय सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। इसलिए आपने कभी महसूस किया है सबसे ज्यादा हार्ट अटैक रात को 2:30 बजे से 4 बजे के बीच में ही आते हैं। अगर आप 100 पेशेंट की फाइल पढ़ेंगे हार्ट अटैक के केस की, तो 90% पेशेंट को हार्ट अटैक 2:30 बजे से 4:30 के बीच में ही आया होगा। क्यों? क्योंकि 2:30 बजे से 4 बजे हृदय का सबसे ज्यादा सक्रियता होती है। ऐसे ही हमारे पेट का जो हिस्सा भोजन को पचाने में सबसे ज्यादा मदद करता है, उस हिस्से की सक्रियता सुबह 9 से 11 के बीच में होती है, शाम को 5 से 6 के बीच, 7 के बीच में। तो जिस समय पेट का वो हिस्सा जो भोजन को पचाता है सबसे ज्यादा सक्रिय है, उसी समय अगर भोजन किया तो वो आपके लिए सुवर्ण के जैसा है, सोने के जैसा है। और वो समय के आगे पीछे किया तो वो इतना अच्छा लाभकारी नहीं है। तो फिर आप बोलेंगे सुबह अगर 9 से 11 खाना खाना है तो नाश्ते का क्या? नाश्ता बंद कर दो, नाश्ते को ही खाना बना लो। आप जो है ब्रेकफास्ट मत करो, ब्रेकफास्ट की जगह सीधे लंच करो, सीधे खाना खाओ, 9 बजे भरपेट खाना खाओ,
10 बजे भरपेट खाना खाओ, सुबह नाश्ता मत करो। तो नाश्ता अगर छोड़ देंगे तो सुबह 9 से 11 भरपेट खाना खा सकते हैं, क्योंकि भूख लगेगी ही आपको, क्योंकि वो अंग सक्रिय है तो भूख लगने ही वाली है। इसलिए गांव के लोग सुबह सुबह जो भरपेट खाना खाते हैं ना, वो बहुत साइंटिफिक है, बहुत वैज्ञानिक है। ज्यादातर गांव में शेतकरी नागरिकों को मैंने देखा है, वो सुबह अच्छा जम के खाना खाते हैं, वो सबसे अच्छा है। हम शहर में रहने वाले थोड़े बिगड़ गए, हमारा दोपहर का खाना 2 बजे पहुंच गया है। हाँ, ये सबसे खराब है, ना सुबह रहती है ना शाम रहती है, 2 बजे का समय सबसे खराब समय है। लेकिन ज्यादातर लोग हम 2 बजे के आसपास ही खाते हैं। ये बंद करके बदल दीजिए, सुबह का 9 से 11 के बीच खाना खाइए, बहुत अच्छा जिंदगी आपकी रहने वाली है। अब इसके आगे का सूत्र, इसके आगे का एक सूत्र है, वो बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, उस पर बहुत रिसर्च हुए हैं इस देश में, कि आपने जो कुछ खाया है वो आपके शरीर में, मैंने कल बोला था, मांस मज्जा रक्त वीर मल मूत्र के रूप में जाएगा। मल मूत्र शरीर के काम का नहीं है, वो बाहर आएगा। मांस मज्जा रक्त वीर जो है वो शरीर के काम का है, वो शरीर में रहेगा, और इसके साथ कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व रहेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहेंगे। अब हमने जो कुछ खाया है, इस खाने में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जिनके अलग अलग तरह से नाम आपने सुने हैं, कभी आपने सुना होगा कार्बोहाइड्रेट्स, कभी आपने सुना होगा प्रोटीन्स, कभी आपने सुना होगा फैट्स, कभी आपने सुना होगा ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज आदि आदि। ये जो नाम आपने सुने हैं, इन्हीं नामों में से जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो आप हमेशा याद रखिए। आपने जो कुछ भी खाया है, इस खाद्य तत्व में सबसे तेजी के साथ जो शरीर के काम आता है वो शक्कर तत्व है, ग्लूकोज कहिए उसको, फ्रक्टोज कहिए, सुक्रोज कहिए, कुछ भी कहिए, शक्कर कहिए ना, सीधे सीधे आपको याद रहेगा। शक्कर ये वाली नहीं जो बाजार में मिलती है, वो तो चीनी है, शुगर है। शक्कर वो जो शरीर के खाए हुए भोजन में से शरीर को निकालने में या शरीर के काम आती है, वो शक्कर। तो ये शक्कर सबसे पहले निकलती है और शरीर के लिए सबसे ज्यादा तेजी से उपयोग में आती है, सबसे जल्दी उपयोग में आती है। तो इसलिए आयुर्वेद ने ऐसा एक सूत्र लिखा है कि ये शरीर को मिलने वाली जो शक्कर है भोजन में से, ये तेजी के साथ मिले और इसके बीच में कोई रुकावट ना आए, ऐसी कोई चीज भोजन में मत मिलाइए। अब ये बात उन्होंने 3,500 साल पहले कही है। आप देखिए कैसे महान लोग हुए हमारे देश में। 3,500 साल पहले भागवत ऋषि ये कह रहे हैं कि भोजन के रूप में जो शुगर आपको मिलने वाली है, शक्कर, ये तेजी के साथ आपको मिले और इसको मिलने में कोई रुकावट ना आए, ऐसी कोई वस्तु भोजन में मत खाइए। अब मैंने आज के हिसाब से उसको ढूंढना शुरू किया, आज की विज्ञान की, आधुनिक विज्ञान के हिसाब से मैंने ढूंढना शुरू किया कि हमारे भोजन में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो भोजन के अंदर जो नेचुरल शुगर है, प्राकृतिक शक्कर है, उसको निकालने में या उसको शरीर के उपयोग आने में रुकावट बनती है, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं आज के भोजन में। तो हमने एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी है हमारे भारत देश में, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनके यहाँ कई साइंटिस्ट लोगों के साथ इस पर बात किया कि आप बताइए कि हमारे पास ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे भोजन के प्राकृतिक शक्कर को शरीर के लिए उपयोग आने से रोकती है। तो सभी वैज्ञानिकों ने एक स्वर से जो वस्तु का नाम लिया है, उस वस्तु से आप जितनी घृणा करें उतना अच्छा, और उस वस्तु का नाम है चीनी, शुगर, खांड। ये जो बाजार में मिलती है ना, ये सबसे खतरनाक चीज है। आप में से अगर कोई केमिस्ट्री के स्टूडेंट यहां बैठे होंगे तो उनको एक इशारे के लिए बोल देता हूं कि ये शुगर जो है ना, बाजार में मिलने वाली गन्ने के ऊस के रस से बनने वाली, ये पॉलीसैकेराइड्स है। और हम जो भोजन में से ले रहे हैं वो सब मोनोसैकेराइड्स हैं। अब ये जो शुगर है, ये भोजन के मोनोसैकेराइड को सबसे ज्यादा रोकती है डाइजेस्ट होने में, और भोजन के अंदर की जो मोनोसैकेराइड्स है वो इस पॉलीसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करने के लिए लगातार झगड़ा करती है,
और इस झगड़े में सबसे ज्यादा वेस्ट होता है हमारे शरीर का जो द्रव, उसका नाम है इंसुलिन। और इस इंसुलिन को पैदा करने वाला है पैनक्रियास। तो मतलब सीधा सा ये है कि अगर आप ये खांड खरीद के खाएंगे, शक्कर घर में लाएंगे, शुगर लेके आएंगे, तो ये शुगर आपके शरीर में जो भोजन में से मिलने वाली नेचुरल शुगर है उसको रोकेगी और इसको बार बार पॉलीसेकेराइड से मोनोसेकेराइड में कन्वर्जन करना पड़ेगा। उसमें सबसे ज्यादा इंसुलिन वेस्ट होगा। इंसुलिन को ज्यादा उत्पन्न करने के लिए पैनक्रियास को ज्यादा काम करना पड़ेगा। पैनक्रियास अगर ज्यादा काम पे लग गई तो आपको 101% डायबिटीज होगा, और जिनको डायबिटीज होगा उनको हार्ट अटैक भी होगा, जिनको डायबिटीज होगी उनको नपुंसकता भी आएगी, जिनको डायबिटीज होगी उनकी आंखें भी चली जाएंगी, जिनको डायबिटीज होगी वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, जिनको डायबिटीज होगी वो कुछ नहीं कर सकते, उनकी जिंदगी अपने ऊपर ही सबसे बड़ा बोझ है। अब 3,500 साल पहले भारत के एक महान व्यक्ति बाघभट्ट ने यह कह दिया कि भोजन में ऐसी चीज बिल्कुल मत खाइए जो प्राकृतिक शक्कर को भोजन में अवशोषित करने में रास्ते पर रुकावट बने। ये 3,500 साल बाद हम देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने सिद्ध हो रहा है। तो आपके स्वयं पाक घर में किसी एक वस्तु से घृणा करनी हो आपको तो वो यही है, चीनी। चीनी से घृणा करें, शुगर से घृणा करें, इतनी घृणा करिए जितनी आप अपने दुश्मन से भी नहीं करते। माने मेरी अगर आपको विनती स्वीकार करनी हो तो अपने स्वयं पाक घर से इस चीनी को निकाल बाहर करें, मत लाइए। तो आप बोलेंगे फिर क्या खाएं, गुड़ खाइए। तो आप कहेंगे गुड़ और चीनी में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। चीनी बनती है 23 जहर मिलाने के बाद, 23 जहर मिलते हैं ऊस के रस में तब चीनी बनती है, और वो चीनी के साथ 23 जहर भी शरीर में रहते हैं। और गुड़ अकेला एक ऐसा है जो बिना किसी जहर के सीधे सीधे बनता है। ऊस के रस को गर्म करते जाओ गुड़ बन जाता है, कुछ मिलाना नहीं पड़ता। ज्यादा से ज्यादा कुछ मिलाते हैं तो दूध मिलाते हैं और कुछ नहीं मिलाना पड़ता। और चीनी बने तो इतने तरह के फार्मेलिन, फार्मेल्डिहाइड जिसमें मिलाने पड़ते हैं, बहुत खराब। फार्मेलिन दुनिया का सबसे खराब जहर है जो चीनी बनाने में उपयोग होता ही है। बिना फार्मेलिन के चीनी बनती नहीं। और फार्मेलिन इतना खराब जहर है, केमिस्ट्री की डिक्शनरी में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है 0.05 मिलीग्राम मात्रा फार्मेलिन की किसी भी आदमी को कैंसर से मार देने के लिए पर्याप्त है, 0.5 मिलीग्राम। और अगर आपने 1 किलो चीनी खा ली तो 0.5 मिलीग्राम फार्मेलिन तो आने वाला है 1 किलो चीनी। इसलिए चीनी मत खाइए, गुड़ खाइए। आप कहेंगे जी गुड़ मिलता नहीं है, डिमांड करिए मिलने लगेगा। अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है कि मांग करो तो सप्लाई आएगी, डिमांड करो तो सप्लाई आएगी। तो गुड़ खाइए। गुड़ से भी अच्छी एक चीज है जो आप खा सकते हैं, वो है काकवी। काकवी आपने देखी? काकवी गुड़ से भी अच्छी, गुड़ तो अच्छा है ही, लेकिन गुड़ से भी अच्छी अगर कोई चीज है तो वो है काकवी। काकवी को बाटली में भर के 1 साल 2 साल आराम से रख सकते हैं, खराब नहीं होती। और गुड़ जिस भाव का है लगभग उसी भाव में मिल जाती है। तो या तो काकवी खाइए नहीं तो गुड़ खाइए। काकवी मिले तो आप समझ लीजिए राजा है, नहीं मिले तो गुड़ मिल रहा है तो राजा से छोटे राजा है। वैसे नहीं, काकवी का मतलब क्या है? काकवी का मतलब ऊस के रस को जब हम गर्म करना शुरू करते हैं तो गर्म करने के करते 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 गुड़ बनने से पहले और ऊस का रस गर्म होने के बाद एक ऐसा लिक्विड बनता है वो काकवी कहलाता है। हाँ, जहां भी गुड़ बनता है वहां काकवी मिलेगी, आप मान लीजिए। तो मेरी आपको एक छोटी सी विनती है कि अपने घर से ये चीनी निकालिए। चीनी ने सत्यानाश किया है पूरी दुनिया का, शुगर मिल वालों का भी किया है। हाँ, मैं पूरे हिंदुस्तान में प्रवास करता हूं, शुगर मिल वालों को मैंने देखा है कि वो ज्यादा तकलीफ में है जब से चीनी खाना शुरू किया है। वो खुद कहते हैं राजीव भाई करोड़ों रुपए तो लगते हैं शुगर मिल लगाने में, और करोड़ों रुपए लगते हैं
ऊस के रस को शुगर बनाने में, तब उसको बेचने के लिए हम उत्पन्न को बाजार में लाते। इससे अच्छा है बहुत सस्ते में गुड़ बनता है, बहुत सस्ते में काकवी बनती है, सीधे गुड़ बना के बेचे, काकवी बना के बेचे। और अब दुनिया के देशों में, भारत छोड़ दुनिया के सभी देशों में गुड़ की डिमांड है, काकवी की डिमांड है। आपको सुनकर आश्चर्य है, 40 गांव में गुड़ का क्या भाव? 10-12 रुपए। आपको मालूम है इसराइल में गुड़ का भाव 170 रुपए का है। इसराइल एक छोटा सा देश है, गुड़ वहां बेचना चाहे तो 170 रुपए किलो बिकता है। जर्मनी में भारत के रुपए के हिसाब से गुड़ का भाव 210 रुपए किलो है। कनाडा में भारत के रुपए के हिसाब से गुड़ का भाव 350 रुपए किलो। ये सभी देशों में गुड़ महंगा है, शक्कर सस्ती है, क्योंकि उनको मालूम है ये शक्कर जहर है और गुड़ अमृत है। गुड़ और शक्कर का एक ही बात हमेशा याद रखिए, आप कुछ याद रख पाए या न रख पाए, शक्कर को अगर आपने खाया तो उसको पचाना पड़ता है शरीर को, और गुड़ खाया तो गुड़ की क्वालिटी है कि जो कुछ गुड़ के साथ खाया है उसको गुड़ पचा देता है। शक्कर को पचाना पड़ता है, उसमें 6-7 तास लगते हैं, और गुड़ जो कुछ भी खाओ उसको पचा देता है, और मात्र 4 घंटे 40 मिनट। इसलिए भोजन के साथ गुड़ जरूर खाइए और शक्कर बिल्कुल मत खाइए। यह है सूत्र, और यह सूत्र अगर आप अकेला पालन कर लें तो डायबिटीज, अर्थराइटिस, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऐसी ऐसी खतरनाक 148 बीमारियां आपकी जिंदगी में झांकने भी नहीं आएंगी जो आप अपनी जिंदगी से ये शक्कर को निकाल दें। चीनी, क्योंकि ये प्राकृतिक शक्कर जो हम लेते हैं फल में से या कोई दूसरी वस्तुओं में से, उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है वो ये शुगर है। तो एक तो शुगर का याद रखिए, ये घृणा करने की वस्तु है, सबसे ज्यादा नफरत करना है तो इससे करिए। और दूसरी एक वस्तु और है, वैसे तो भागवत ऋषि के समय वो नहीं थी, ना ये शुगर थी ना जो मैं बताने जा रहा हूं वो थी, लेकिन उनको शायद ही अंदाजा होगा कि कभी ये आ सकती है, तो सूत्र उन्होंने पहले ही लिख दिया। शक्कर जैसी ही दूसरी जो सबसे खराब चीज है जिससे आप नफरत करिए, घृणा करिए, उसका नाम है डालडा, वेजिटेबल ऑयल। डालडा के नाम से तो आप सब समझते हैं, डालडा से नफरत करिए, इतनी नफरत करिए कि उसको छूने का भी नहीं, बहुत ही खराब। ये दो चीजें, शुगर माने चीनी और डालडा, अगर आपके स्वयं पाक घर से निकल जाए तो 148 बीमारियां जिंदगी में कभी नहीं आए। तो आप बोलेंगे जी डालडा की जगह क्या उपयोग करें, तेल वापरिए, और तेल कौन सा, जैसे शेंगा का, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल आपके लिए सबसे अच्छा है जिस क्षेत्र में आप रहते हैं। अगर आप चाहें तो सरसों का तेल भी खा सकते हैं, राई का तेल भी उपयोग कर सकते हैं, आप चाहें तो नारियल का तेल, लेकिन आप जहां रहते हैं इस 40 गांव के आसपास का जो क्षेत्र है यहां के लिए सबसे अच्छा शेंगा तेल ही है और तिल का तेल। सोयाबीन बिल्कुल नहीं, गलती से भी नहीं। अच्छा मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं, भगवान को पूजा करते हैं तो उसमें बहुत सारी दाल रखते हैं, पूजा में रखते हैं, तुअर की दाल रखते हैं, मूंग की दाल रखते हैं, मसूर की दाल रखते हैं, रखते सोयाबीन की रखते हैं? भगवान को पूजा करते समय कभी सोयाबीन की दाल रखी देखिए, क्यों? सोयाबीन भी दाल है। चने की दाल रखते हैं, मूंग की दाल रखते हैं, उड़द की दाल रखते हैं, तुअर की दाल रखते हैं, मोठ की दाल रखते हैं, सोयाबीन की दाल कभी देखिए भगवान के सामने रखी हुई पूजा करने की? नहीं। जो भगवान को अर्पण नहीं कर सकते वो आप कैसे खा सकते? सोयाबीन की गलती से भी ना दाल खाइए ना तेल खाइए। तो समझ लीजिए बीमारियां भी सबसे ज्यादा उसी के कारण। ये जो सोयाबीन है दाल के रूप में या तेल के रूप में, ये शरीर को कभी भी हजम नहीं होता,
या दूसरे शब्दों में कहूं तो सोयाबीन का कुछ भी आप खाएं, शरीर उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, उसका पाचन नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पचाने के लिए जो कुछ एंजाइम्स चाहिए वो है ही नहीं मनुष्य के शरीर में। तो आप बोलेंगे फिर ये किसके लिए है? सोयाबीन को पचाने की ताकत सिर्फ डूकर में है और किसी में। डूकर के पोट में एक एंजाइम बनता है, वो सोयाबीन को पचा सकता है, बाकी किसी के भी शरीर में वो एंजाइम नहीं है जो सोयाबीन को पचा सके। आप कहेंगे सोयाबीन में तो प्रोटीन है। हाँ प्रोटीन है, लेकिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो पोट में है ही नहीं। इसलिए मनुष्यों को सोयाबीन का तेल, सोयाबीन की दाल, सोयाबीन का कुछ भी, सोयाबीन का अगर वो आता है ना दूध आजकल आने लगा, ये सब निषिद्ध है आपके लिए, आप कभी मत खाना है। कितना भी सस्ता मिले कभी मत खाना, और कितना भी महंगा मिले तेल खाना, मूंगफली का हो, तिल का हो, सूरजमुखी का हो, नहीं तो मैंने आपको कहा एक तेल आता है सरसों का, सरसों का तेल इधर चलता, राई का तेल जिसको कहते, नहीं चलता तो छोड़ दो, जो आपके यहाँ चलता है वही लो, लेकिन शुद्ध तेल खाना। ये वेजिटेबल ऑयल भी है ना, ये भी तो तेल ही है ना, ये नहीं खाना था। डालडा, या डालडा जैसे नाम से आता है, गगन, तरंग, नंबर एक, हनुमान जी, ये और वो, ये सब खतरे ही खतरे हैं, जहर ही जहर। तेल खाना हो शुद्ध सीधा सीधा तेल खाना, और मैं तो आज आपको ये भी कहूंगा रिफाइंड तेल भी कभी मत खाना। रिफाइंड और डबल रिफाइंड और ट्रिपल रिफाइंड, जितना ज्यादा तेल रिफाइंड होता है उतना ही जहर उसमें बढ़ता चला जाता है। मैंने अभी पिछले 3 साल एक एक्सपेरिमेंट किया खुद, मेरे पास 100 से ज्यादा ऐसे पेशेंट हैं जिनको डायबिटीज और डायबिटीज के साथ ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर के साथ गुड़के दुखना, ऐसी 4-5 बीमारियां एक साथ हैं एक ही शरीर में, 4-4, 5-5 बीमारियां, ऐसे 100 से ज्यादा मरीजों को मैंने क्या किया, कोई औषध नहीं दिया, उनको बताया नहीं। हमारे होम्योपैथी में मैं जो चिकित्सा करता हूं, हम बोले नहीं तो मालूम नहीं है सामने वाले को कि वो औषध खा रहा है कि नहीं खा रहा। वो आपने देखा सफेद सफेद गोलियां होती हैं छोटी छोटी मीठी मीठी, हम उसमें औषध नहीं डालते कई बार, लेकिन पेशेंट तो खाता है, वो सोचता अरे ये औषध है, क्योंकि औषध उसमें डालो या ना डालो गोली एक ही जैसी, हम उसको प्लेसिबो कहते हैं बिना औषध के। तो मैंने 100 से ज्यादा पेशेंट को कहा कि तुमको तो यही खाना है, तो उनको लगा कि ये औषध है, और मैंने पथ्य पथ्य में उनको कहा कि चीनी बंद आज से, शुगर बंद, गुड़ खाओ, जितना खाना है गुड़ खाओ, जितना खाना है काकड़ी खाओ, और वेजिटेबल ऑयल नहीं खाएंगे, डालडा नहीं खाएंगे, अमृत घी नहीं खाएंगे, कोई नहीं, और डबल रिफाइंड नहीं, ट्रिपल रिफाइंड नहीं, शुद्ध घानी का निकला हुआ तेल और शुद्ध गुड़, ये 2 चीजें उनके जीवन में लाई और 2 चीजें हटाई। आपको सुन के आश्चर्य होगा, 8 महीने से मैं उनके ऊपर ये प्रयोग कर रहा हूं, एक एक की बीमारी ठीक हो रही है, डायबिटीज उनकी नॉर्मल हो रही है, अर्थराइटिस बिना दवा दिए ठीक हो रही है, अनिद्रा की बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है, गैस बनना बिल्कुल बंद हो गई है, एसिडिटी बिल्कुल चली गई है, मोटापा कम हो रहा है, सब बीमारियां बिना औषध ठीक हो रही है। लेकिन वो पेशेंट नहीं जानते, मैं जानता हूं। पेशेंट क्या सोचते, वो राजीव भाई की औषध बड़ी मात्र से। तो आपके स्वयं पाक घर से जो निकालने की चीज है वो एक तो शक्कर है, चीनी, और दूसरा है डालडा घी। इन दोनों को जितनी नफरत कर सके उतनी करें, और प्रेम करना है, मोहब्बत करनी है तो गुड़ के साथ करिए, काकवी के साथ करिए, और प्रेम करना है, मोहब्बत करनी है तो शुद्ध तेल के साथ करिए जो घानी से निकल के आपके घर में आता है। शुद्ध तेल जितना भी खाएंगे कोई परवाह मत करिए, बिल्कुल हृदय घात की चिंता मत करिए। बहुत बार डॉक्टर आपको बोलते हैं ना तेल मत खाओ, घी मत खाओ, नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसे सभी डॉक्टर के साथ में चैलेंज करके शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। तेल और घी शरीर के लिए उतना ही आवश्यक है जितना आपके शरीर के लिए पानी। अगर तेल घी नहीं होगा शरीर में, आपका शरीर नहीं चलेगा।
आप जानते हैं ये आपके घुटने चलते हैं, कमर आप नीचे ऊपर होते हैं, सवेरे से शाम तक कितनी बार आप बैंड करते हैं फिर भी ये काम करती है, कितना किलोमीटर चलते हैं फिर भी ये काम करते हैं। ये सब तेल और घी का ही प्रताप है। तेल भी चाहिए शरीर को, घी भी चाहिए, लेकिन कौन सा तेल और कौन सा घी, ये महत्व की बात है। फैट्स चाहिए, बिना फैट्स के जिंदगी चलेगी नहीं, लेकिन अच्छा वाला फैट चाहिए, जिसको सरल भाषा में कहूं गुड फैट्स चाहिए, और ज्यादा अच्छी भाषा में कहूं, परिष्कृत भाषा में कहूं, तो आपके शरीर को हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जरूर चाहिए, HDL, और जो नहीं चाहिए वो LDL और VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये भी फैट का एक स्वरूप है, और LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये भी फैट का एक स्वरूप है। तो LDL VLDL तो नहीं चाहिए, HDL चाहिए, बिना उसके शरीर चलेगा नहीं। और HDL सबसे ज्यादा मिलता है वो शुद्ध तेल में ही मिलता है, शुद्ध तेल माने जो घानी से निकलकर सीधे घर में आया वो तेल। आप कहेंगे जी उसमें बांस आती है, वो बांस ही तो उसकी प्रोटीन है। फिर आप कहेंगे वो दिखने में अच्छा नहीं लगता, उसका कलर ही प्रोटीन है। अगर तेल का कलर निकाल दिया तो तेल का सत्यानाश कर दिया आपने, उसकी बास निकाल दी तो तेल सवा सत्यानाश हो गया। उसकी बास और उसका रंग, ये दोनों आपको जो खराब लग रहे हैं वास्तव में वही HDL है, उसी में से HDL बनेगा, और वो बहुत आवश्यक है। करड़े चलेगा, राई का तेल चलेगा, करने का तेल चलेगा, सूरजमुखी का चलेगा, आपको शेंगा का तेल चलेगा, आपको तिल का तेल चलेगा, आपको नारियल का तेल चलेगा, सोयाबीन छोड़कर कोई भी चलेगा। हाँ, एक तेल नहीं चलेगा, वो ध्यान रखना, वो भारत में तो होता नहीं है, आजकल बाहर से आने लगा है, पामोलिन तेल, ये नहीं चलेगा। ये पामोलिन तो बहुत ही खराब है, खराब से भी ज्यादा खराब, डालडा से भी ज्यादा खराब है पामोलिन। कारण क्या है, पामोलिन को डिसइंटीग्रेट करने के लिए शरीर का तापमान ही चाहिए कम से कम 40 से 47 डिग्री, और वो होता नहीं कभी, बुखार आने पे ही होता है वो तो। इसका मैंने स्वस्थ आदमी को पामोलिन तेल कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता। तो अब आप एक जिंदगी का नियम बना लीजिए, किसी भी होटल में खाना खाने जाए, वैसे तो ना जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन खाना खाने जाए तो सबसे पहला सवाल पूछिए किस तेल में खाना बनाया, तो कहेगा डालडा में, तो नमस्ते जी नहीं खाते, तो फिर कहेगा नहीं जी मैंने तो पामोलिन में बनाया, तो डबल नमस्ते और भी नहीं खाते, तो फिर कहेगा मैंने रिफाइंड में बनाया है, डबल रिफाइंड में, तो और तीन नमस्ते, तो फिर कहेगा फिर कौन सा खाना आप खाते, तो उससे पूछो करड़ी के तेल में बनाया, शेंगा के तेल में बनाया, तिल के तेल में बनाया, राई के तेल में बनाया, तो खाएंगे, ये पामोलिन के तेल में नहीं खाएंगे, डबल रिफाइंड में तो गलती से भी नहीं खाएंगे। आप अगर फरसान भी खरीदते हैं ना बाजार से, उससे भी पूछ लीजिए कौन से तेल में बनाया, तो ये पूछ कर ही खरीदिए। और अगर आपको ज्यादा चिपचिप झंझट लगता है तो घर में खुद बना लीजिए, फरसान बाजार से क्या लाना, उतना तो हम कर ही सकते हैं। तो ये सूत्र, आखिरी सूत्र से फिर मैं उल्टा चलता हूं, पीछे तक आता हूं। आखिरी सूत्र ये है कि अपने रसोई घर में से दो चीजों को निकाल के बाहर करिए, एक तो शुगर, चीनी, शक्कर, और दूसरा ये डबल रिफाइंड तेल, ट्रिपल रिफाइंड तेल, डालडा, वनस्पति घी, वेजिटेबल ऑयल, ये दोनों बाहर करिए। अंदर क्या लाना है, स्वयं पाक घर में लाना है गुड़ या तो काकवी, और तेल के रूप में तो जो भी शुद्ध तेल आपके आसपास निकलता है उसको, ये दोनों घर में लाना है, और ये दो बाहर से करना है। भोजन में इसका कल से ही अगर करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। आप में से किसी को भी अगर डायबिटीज है, किसी को भी गुर्दे दुख रहे हैं, किसी को भी कमर दुख रही है, ये कल से ही शुरू कर दीजिए, शक्कर बन गुड़ चालू, शक्कर बन काकवी शुरू, और ये रिफाइंड तेल बन शुद्ध तेल शुरू। मैं 15 दिन की आपको गारंटी दे रहा हूँ, 15 से ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, 15 दिन के बाद आप अपनी शुगर टेस्ट कराना, पहले से ज्यादा बेहतर स्थिति होगी, और 2 महीने बाद कराएंगे तो शुगर हो सकता नॉर्मल ही हो जाए,
बिना इंसुलिन के, बिना औषधि के ये गुड़के दुखना अपने आप बंद हो जाए, कमर दुखना अपने आप बंद हो जाएगा, पेट में एसिडिटी अपने आप खत्म हो जाएगी, ये चला ही जाएगा, शरीर आपका पहले से बहुत अच्छा हो जाएगा। चाय में भी गुड़, गुड़ की चाय बनती है कि नहीं, और वो शक्कर से अच्छी होती है, टेस्ट में भी अच्छी होती है। गुड़ की चाय पीजिए, काकवी की चाय पीजिए, दूध में डालना है तो गुड़ मिलाइए, दूध में मिलानी है तो काकवी मिलाइए, अगर ताक में मिलाना है तो गुड़ मिलाइए, और मिलाना है तो काकवी मिलाइए, शुगर बिल्कुल बंद, बासुंदी भी खानी है तो गुड़ की खाइए, हाँ बासुंदी गुड़ की खाइए, खीर बनानी है तो गुड़ की बनाइए, खीर बनानी है तो काकवी की बनाइए, लड्डू बनाना है तो गुड़ का बनाइए, काकवी का बनाइए, जो मिठाई आपको बनानी है खूब बनाइए, गुड़ की बनाइए, गुड़ आप कितना भी खाएंगे तकलीफ नहीं आएगी। मैं तो सबको बोलता हूं जिनको डायबिटीज है वो भी गुड़ खाए तो तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि गुड़ में जो शुगर है ना वो मोनोसैकेराइड फॉर्म में है और शक्कर जो है वो पॉलीसैकेराइड, दोनों में जमीन आसमान का, इसलिए गुड़ खाइए काकवी खाइए कोई तकलीफ नहीं, बासुंदी भी खाए गुड़ की, दूध में डालना तो गुड़, दूध में मिलाना तो काकवी, अगर आपको शरबत पीना है मान लीजिए तो गुड़ का पीजिए ना, गुड़ का शरबत क्या बुराई है, नींबू की शिकंजी बनानी है गुड़ में बनाइए, काकवी में बनाइए, शक्कर बिल्कुल बंद कर। तो यहां से ये सूत्र था आज के विषय का आखिरी सूत्र, शक्कर और वेजिटेबल ऑयल डालना ये घर के बाहर। उसके पहले के सूत्र एक बार फिर से रिपीट करता हूं ताकि याद हो जाए, भोजन करना है दो विरुद्ध वस्तुएं कभी भी एक साथ नहीं, विरुद्ध वस्तुओं की कल नहीं तो परसों में पूरी लिस्ट बताऊंगा, आप चाहे तो कागज पेन से नोट कर सकते हैं। उसके आगे भोजन करना है तो बैठ के ही करना है, कभी भी खड़े होके नहीं, भोजन करना है तो धीरे धीरे करना है, सावकाश करना है, भोजन दोपहर का किया तो 20 मिनट विश्रांति जरूर करनी है, भोजन रात का किया तो 2 घंटे तक विश्रांति नहीं करनी, विश्रांति जब भी करेंगे सिर आपका पूर्व की दिशा में रखना है, पांव हमेशा पश्चिम में रहे तो अच्छा है, कोई बहुत मजबूरी आए तो दक्षिण में सिर कर सकते हैं, और अगर आप कुछ भी ऐसी स्थिति में नहीं है दोपहर का भोजन के बाद विश्रांति कर सके तो 3 मिनट से लेकर 20 मिनट तक वज्रासन में जरूर बैठना है। तो कल के 4 सूत्र आज के 10 सूत्र 14 हो गए, ये 14 सूत्रों का पालन आप में से जो भी करे मेरी गारंटी है जिंदगी भर सुखी निरोगी निरामय रहे, मैं खुद इन 14 सूत्रों का पालन करता हूं और पिछले 18 साल से मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, अगले 18 साल भी जाने वाला नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है तकलीफ होने वाली नहीं। तो आप भी अगर अपने जीवन में ये धारण करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आज के लिए इतना, कल फिर आपसे 8:30 बजे बात करूंगा, और कल थोड़ा महत्व का विषय है, चिकित्सा का विषय है, कल से मैं आपसे शुरू करूंगा। एक जानकारी छोटी सी कि जितने सूत्र मैं बता रहा हूं उन पर आधारित पुस्तकें हैं, स्वदेशी चिकित्सा, सौंदर्य चिकित्सा, अष्टांग हृदय के आधार पर चिकित्सा, वो पुस्तकों के रूप में है, आप ले सकते हैं 6-7 पुस्तकें। और मेरी व्यक्तिगत अपील है कि हमारे अभियान हिंस्वराज अभियान का, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं का बनाया हुआ खादी का कुछ कपड़ा यहाँ आया है, आप अगर उसे खरीदेंगे तो हमारे आंदोलन को और अभियान को कुछ फंड्स उसमें से मिलेंगे और उससे हम अपने काम को आगे चला सकेंगे। हम किसी से डोनेशन नहीं लेते हैं लेकिन खादी बेचकर जो फंड्स आते हैं उससे इस अभियान को आगे बढ़ाते हैं। तो खादी भी है, पुस्तकें भी है, आप लें, आपका आभार, बहुत धन्यवाद। कल हम आएंगे, ठीक समय से आने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा बताने में सुविधा होगी। धन्यवाद।